it just create huh all right turn सभी दोस्तों का क्रिक ब्लास्ट रेडियो के श्रोताओं दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है आज के दिन का दूसरा और प्रतियोगिता का उनतीसवां मुकाबला खेला जा रहा है चेन्नई और मुंबई के बीच में मुंबई ने टॉस जीता है उन्होंने पहले पोलिंग करने का फैसला किया है इस मुकाबले में मैं हूँ सत्यम और हमेशा की तरह मेरे साथ राज भी यहाँ पर जुड़ रहे हैं मेरे साथ बगल में बैठे हैं आपको हम सारी जानकारियाँ देने वाले हैं बिल्कुल भी फिक्र ना करें वानखेड़े स्टेडियम में मुकाबला खेला जा रहा है ट्रेडिशनली एक हाई स्कोरिंग मुकाबला वैसे राज आज के दिन का जो पहला मुकाबला था हमें उसकी भी बात करनी चाहिए शायद लखनऊ और के के बीच में था वो मुकाबला जिसमें के ने जीत हासिल की और बहुत बड़ी जीत फिल सॉल्ट ने आज बहुत अच्छी बल्लेबाजी की 80 से ऊपर रन बनाए एक तरफा मतलब मुकाबला रहा ये जिसमें के के आर की टीम विजय रही थी पहले लखनऊ ने बल्लेबाजी की थी और आप उनका स्कोर कार्ड देख सकते हैं लखनऊ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाए थे एक सौ इकसठ रन सात विकेट गंवा कर लेकिन हुआ क्या जवाब में कोलकाता की टीम ने इस मुकाबले को एक तरफा अंदाज में जीत लिया पंद्रह दशमलव चार ओवरों में एक सौ बासठ रन बनाकर दो विकेट के नुकसान पे और एक आसान जीत दर्ज की कोलकाता ने आठ विकेट से पॉइंट्स टेबल आपको हम ज़रूर दिखाना चाहेंगे और ये रहा आपके लिए अंक तालिका का लेखा जोखा तो इस जीत के साथ कोलकाता के पांच में से हो गए हैं आठ अंक पांच मैचों में हो गए हैं चार जीत के साथ आठ अंक और उन्होंने दूसरे नंबर पर राज अपनी स्थिति और मजबूत कर ली इससे पहले भी वो दूसरे नंबर पे ही थे और जब, इनका आप नेट रन रेट तो राजस्थान की टीम से भी अच्छा हो गया है। सबसे बेस्ट नेट रन रेट अभी किसी टीम का है आईपीएल में तो वो है कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम आप में से कितने लोग कोलकाता के फैंस इंक्लूडेड जी इस टूर्नामेंट के स्टार्ट होने के पहले कॉन्फिडेंस के साथ ये बोल पाते कि 25 परसेंट टूर्नामेंट होने के बाद कोलकाता का बाकी सब टीमों से बेहतर होगा शायद कोलकाता के फैंस भी राजी नहीं बोल पाते जी सही बात है क्योंकि आप जब देखते हो ऐसे के मामले में टीमों को तो सबसे पहले आपके दिमाग में आता है अब खेल रही है जी मुंबई की टीम चेन्नई चेन्नई की टीम आते लेकिन चेन्नई की टीम नेट का नेट रेट उतना हमेशा सॉरी वो फेयर प्ले अवार्ड है फेयर प्ले अवार्ड है, हाँ। प्ले है। हाँ। अब धोनी हट जाएंगे तो और बेटर हो जाएंगे लेकिन केकेआर का सबसे बेहतरीन समय नेट रन रेट उसके बाद है राजस्थान का जो अभी टेबल में टॉप पे है छः में से पाँच मुकाबले जीते हैं और सिर्फ एक में ही उनको हार का सामना करना पड़ा है वो हारी थी गुजरात की टीम से आपको याद होगा राशिद खान और तेवतिया की बल्लेबाजी अंत में उन्होंने जीत दिलाई थी जीटी को यानी गुजरात टाइटंस को तो राज अगर मुंबई जीत जाता है तो फिर अंक तालिका में जी तीन जीत वाली जितनी टीमें हैं सबको खतरा है इंक्लूडिंग चेन्नई हालांकि अगर आज नेट रन रेट इतना तो नहीं सुधरेगा लेकिन हाँ अंक तालिका में कुछ हलचल जरूर होगी लेकिन अगर चेन्नई जीत जाता है जी तो मुंबई और नीचे आता हुआ आपको नजर आ सकता है नेट रन रेट अगर उनका ज़्यादा खराब हो गया तो क्योंकि दो जीत वाली दो और टीमें हैं उनके नीचे पंजाब और दिल्ली हालांकि नेट रन रेट इतना ऊपर नीचे होता है ये जो आप देख रहे हैं पंजाब का हो सकता है कि थोड़ी बुरी हारो तो मुंबई की वो, तो वो आ... मतलब गुजरात से ऊपर जाने का मौका मिल सकता है लेकिन गुजरात का बहुत ही ज्यादा नहीं इनका खराब इनका बेटर है मुंबई का अच्छा गुजरात का खराब है इस जीत के साथ अगर आज जीतती है मुंबई की टीम तो गुजरात को पछाड़ देगी इनके तीन हो जाएंगे और इनके आ, अंक हो जाएंगे छः तो छे अंकों के साथ अगर ये और बेटर हो जाते हैं देखिए राज मुंबई से बेटर कौन है लखनऊ है पॉइंट जीरो थ्री एट राइट और इनका है पॉइंट जीरो सेवन थ्री मुंबई का ये पॉइंट सेवन थ्री नहीं है पॉइंट जीरो, जीरो सेवन, सेवन थ्री हाँ तो उसकी वजह से ये इन सब के ऊपर आ जाएंगे जी अगर जीत हासिल करते तो तो नंबर पे क्योंकि की की बात करें उनका ज़्यादा अच्छा है प्लस में उनका यस उनका प्लस में प्लस में चेन्नई का भी है तो यहाँ नहीं पहुंच पाएंगे लेकिन लखनऊ के ऊपर आ सकते हैं आराम से जी क्योंकि लखनऊ की तीन है जीत और छह अंक है इसलिए वो ऊपर है नेट्रेड की वजह से ऊपर नहीं है जी और बात करें अगर चेन्नई की और चेन्नई जीतती है तो भी वो इसी स्थान पे रहेगी क्योंकि अगर उनको जीतना है तो बड़े मार्जिन से जीतना होगा क्योंकि उनके ऊपर जो कोलकाता है अभी आपको हमने बताया कि सबसे अच्छा नेट रन रेट उनका ही है अभी तक तो उनको पछाड़ना चेन्नई की टीम के लिए मुश्किल होगा हालांकि जीत हासिल करके वो नंबर तीन के पायदान पर ही होंगी चलिए अब आज के मुकाबले की जो टीमें हैं उसकी बात कर लेते हैं पहले इस मुकाबले में बल्लेबाजी करेगी चेन्नई की टीम क्योंकि टॉस जीता मुंबई ने और उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया हार्दिक पांड्या रोहित शर्मा ईशान किशन तिलक वर्मा टिम डेविड मोहम्मद नबी रोमारियो शैपर्ट श्रस गोपाल जसप्रीत बमरा जराल कोतजे और आकाश मडवाल ये प्लेइंग इलेवन है मुंबई की जबकि सब्स्ट्यूट प्लेयर्स की बात करें सूर्य कुमार यादव डेफिनेटली खेलेंगे डेऑल ब्रेविस नमन धीर निहाल वढ़ेरा और हार्विक देसाई ये आपके सब्सटीट्यूट प्लेयर्स हैं जबकि आप अगर बात करना चाहेंगे चेन्नई की तो चेन्नई की टीम में है ऋतुराज गायकवाड रचिन रविंद्र अजिंक्य रहाने डायल मिच्चल शिवम दुवे

सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स हैं तो मुकाबला शुरू ही होने वाला है आपको थोड़ी बहुत और जानकारियां हम दे दें दे जो हम देना पसंद करते हैं आपको मुकाबलों से पहले मुंबई में मुकाबला खेला जा रहा है और टीम फॉर्म की बात करें तो दोनों ही टीमों ने अपना पिछला मुकाबला जीता था राज मुंबई ने अपना जो लास्ट मैच था बेंगलोर के खिलाफ खिलाफ उसमें जीत दर्ज की थी उससे पहले दिल्ली के खिलाफ मुंबई की टीम जीतने में कामयाब रही थी हालांकि चेन्नई को दिल्ली के खिलाफ हार मिली थी आप देख सकते हैं यहाँ उन्होंने बनाए थे एक सौ इकहत्तर दिल्ली ने एक सौ इक्यानवे बनाए थे लेकिन अगले मुकाबले में हैदराबाद ने भी उनको हरा दिया था यस हैदराबाद ने भी उनको हरा दिया था लेकिन लास्ट मैच में कोलकाता को उन्होंने हराने में कामयाबी हासिल की थी तो कोलकाता को हरा कर वो इस मुकाबले में आए हैं हेड टू हेड आप बताना चाहेंगे राज जी दोनों टीमों तो बराबरी का है और हालांकि सत्य भाई मैं पिछले साल की बात छोड़ देते इस साल की मैं बात करता हूँ की इस साल आपको दोनों टीमों का अगर आप टीम कंपैरिजन करते हैं तो आपको ऑन पेपर कौन सी टीम मतलब ज्यादा मजबूत दिखाई देती है ऑन पेपर कौन सी क्या बैलेंस कहना चाहेंगे एक्चुअली अब बहुत मुश्किल हो गया राज बताना कि कौन सी टीम पेपर पे सबसे ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है क्योंकि मोटा मोटी सब टीमें अब बराबर की हो गई हैं अपने दिन पे कोई भी टीम किसी भी टीम को हरा दे इस प्रकार की अब टीमें हैं पहले जो इनकालिटी हुआ करती थी उसका अब आपको अभाव नजर आता है और ये सुखद है जी क्योंकि आप चाहेंगे एक ऐसा कंपटीशन जहां पे सभी टीमों के पास मुकाबला होगा और आपको पहले से पता है चेन्नई मुंबई जीतने वाले हैं तो इंटरेस्ट कम हो जाता है लेकिन अब आप देखेंगे कि नहीं सारी टीमें है आ, उसका एक बड़ा कारण है पर्स का निर्धारण कि आपको इतने पैसे मिलेंगे और इसमें अब आपकी योग्यता के ऊपर है कि आप ऑक्शन टेबल पे जाके किस तरह की टीम का निर्माण करते हैं क्योंकि पैसा सबके पास एक जितना ही है हाँ। सेम पैसा है सबके पास तो इसकी वजह से राज अब बड़ा मुश्किल हो गया है बोलना कि ये टीम बहुत मजबूत नजर आ रही है बट वैसे नॉट बिकॉज दे आर एट द टॉप ऑफ द पॉइंट्स टेबल राजस्थान मुझे मजबूत लगती है चेन्नई और मुंबई के बीच में अभी अगर चुनना हो आपको चेन्नई और मुंबई के बीच से अह ये अलग क्वेश्चन है ये ये नहीं क्या बात सपोर्ट किसको कर रहे हैं हाँ, हाँ ये अलग क्वेश्चन हाँ, है कि मजबूत कौन सी टीम है मजबूत कौन सी हाँ, हालांकि मुझे पता है कि आज के दिन क्या कौन किसको सपोर्ट करेगा तो उसमें तो हम जाते नहीं इसलिए मैंने आपसे पूछा भी नहीं आई थिंक मुझे मुंबई मजबूत लग रही है जी क्योंकि पावर हीटर उनके पास ज्यादा है बिल्कुल सही और, और उनका आज, होम ग्राउंड हाँ मुंबई में मुकाबला तो हार्दिक पांडे ने टॉस के टाइम पे बोला भी हाँ। कि ज्यादा अच्छी पिच है यहाँ पे ज्यादा रन लगते हैं तो उन्होंने ये भी यही कहा था तो ज्यादा पावर हिटर तो आप ईशान किशन रोहित शर्मा पिछले मैच में जो इन दोनों की बल्लेबाजी हाँ, आपने देखी जबकि रोहित ने इतना कुछ खतरनाक किया भी नहीं सामने वाले ईशान किशन थे ने थे हाँ, उसने फोड़ दिया के। रोहित तो सपोर्ट कर रहे थे रोमारियो शेफर्ड उससे पिछले मुकाबले में दिल्ली को एक ही क्यों याद दिला रहे हो एक ही और कितने रन मारे थे सारे नोकिया को बाहर करवा दिया अकेले रोमारियो शेफर्ड ने एक ओवर में जो उनके खिलाफ बैटिंग की पिछले मुकाबले में नहीं खेले थे अंधिक नोकिया आजकल सभी उनको तोड़ के चले जा रहे हैं जैसे मंदिर का घंटा हो हर कोई आके के निकल जाता है। <laughs> टीम कंपैरिजन की बात करें तो पिछले दस मुकाबलों में पांच मुकाबले मुंबई ने जीते हैं जबकि सात जीते हैं अच्छे नई की टीम ने मुंबई आपको पता है कि टूर्नामेंट स्टार्ट होता है तो उतना अच्छा नहीं करते हैं धीरे धीरे डीजल इंजन है राज रफ्तार पकड़ने में थोड़ा टाइम लगता है उनको एवरेज स्कोर की बात करें तो पिछले दस मुकाबलों में चेन्नई का 173 और 191 मुंबई का जो आप बात कर रहे थे पावर हेटर्स की वो डिफरेंस यहाँ पे आपको नजर आ रहा है 191 और 173 हाईएस्ट स्कोर मुंबई का 246 है पिछले दस मुकाबलों में जबकि में 223 है चेन्नई का पिछले दस मैचों में और लोएस्ट टोटल मुंबई का जहाँ रहा 125 वहीं चेन्नई का 141 so, ये बताइए आप चलिए तो मैं आपको फर्स्ट इनिंग का एवरेज टोटल बताता हूँ वन और सेकेंड इनिंग में एवरेज टोटल है 158 तो ज्यादा फर्क नहीं है हालांकि अब तो इससे ज्यादा रन लगते हैं हाँ, पे ये तो पूरे ओवरऑल हाँ, टूर्नामेंट का है ना इस सीजन का कुछ भाई इसलिए अब मैटर नहीं करता ये एवरेज फर्स्ट इनिंग सेकंड इनिंग क्योंकि हमको पता है कि दोनों टीमें ऐसी है कि कोई भी 200 से ऊपर रन बना ले और मुंबई की टीम तो मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई ये टीम ऐसी टीम है कि इसके सामने अगर आप दो भी बना लेते हो ना तब भी आप खुद को सेफ नहीं पाओगे सही बात है इनके पास ऐसे से शुरुआत होने वाली है पहली गेंद दाएं हाथ से ओवर द विकेट ऑफ ऑपस्टम के बाहर की गेंद थी उसको ड्राइव किया था रहाने ने और गेंद गई थी कवर्स के पास रन का कोई मौका नहीं और कमाल की बात है कि आज के दिन ओपनिंग करने के लिए आया है अजिंक्य रहाने ये कमाल की बात है भाई ऋतुराज गायकवाड यानी वन डाउन आएंगे ऑब्वियसली जब वो उनकी जगह पे खेलेंगे फिर और गेंदबाजी की शुरुआत की मुंबई ने मोहम्मद नबी के साथ ओवर की अब वो अगली गेंद लेके चलेंगे दाएं हाथ से ओवर था विकेट दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए इस बार ऑफ स्टम्प पे गेंद थी उसको फ्लिक कर दिया ऑन साइड में गेंद जाएगी डीप मिड विकेट पे खिलाड़ी पीछे तैनात एक सिंगल मिल जाएगा और खाता खुलता हुआ सिंगल के साथ चेन्नई का भी और, आज... और अजिंक्य रहाने का भी चेन्नई का स्कोर एक बिना किसी नुकसान के तो आज के दिन टॉस जीता था मुंबई की टीम ने और उन्होंने गेंदबाजी करने का फैसला किया था ये मुकाबला खेला जा रहा है मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम में जहाँ पे स्कोरिंग मैचेस की हमेशा से उम्मीद की जाती है और देखा भी जाता है तो क्या आज हमें एक तो पांडे ने भी कहा था कि इस मैच पे, इस पे काफी रन बनाने का मौका है उनके पास हाँ में। बिल्कुल सही बात है तो दो गेंदे डाल चुके हैं मोहम्मद नबी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है आप देख भी पा रहे होंगे अब हमें। इस ओवर की तीसरी गेंद राउंड लेग स्टम्प है स्पिन गेंद को खेला गया मिड विकेट की ओर

अब जब जमाना और तेज हो गया है रहाने पिछले कुछ सीजन के मुकाबले सुस्त हो गए हैं हाँ जी तो यह भी एक कारण है कि आप देख रहे हैं कि रहाने को बोला गया जा पावर प्ले का अच्छा इस्तेमाल और कर। ये कर भी लेते हैं ये, कर लेते हैं। जी। ये सहा से बेटर है हाँ। दाएं हाथ से ओवर द विकेट पार्थिव पटेल सहा उन सबसे बेटर हैं ये, ये लीजिए स्वीप कर दिया था गेंद को हवा में उठाकर खेलने से कोई परहेज नहीं और यही डिफरेंस है राज अगर ये शॉर्ट वो खेलते पावर प्ले के बाद कैच होता आसान

इस बार ओवर की अगली गेंद उसको खेल दिया है मिड ऑफ के पास रन का कोई मौका नहीं स्कोर अभी भी छह बिना किसी नुकसान के एक ओवर की समाप्ति के बाद मुझे याद है जब राजस्थान में खेलते थे अजिंक्य राणे और जब भी मैं पावर प्ले देखता तो यही ओपनिंग करने के लिए आते थे और उस टाइम मैं उनको देखता राहुल द्रविड के साथ हाँ, उस टाइम उनका यही काम होता था कि की बसिया सर्कल पार करो चौका बटोरो बट अब बदल गया है आईपीएल है

Need to stick to the basics. Winning is very important to get the momentum. We were able to win two games convincingly. That's the beauty of the IPL. Everyone has to contribute. Your team will be able to achieve goals eventually. The dew started coming post 10 in the last game. It gets heavier in the evening. कोई बदलाव नहीं आज मुंबई की टीम में। 10 बजे के बाद ओस की समस्या ज्यादा होती है। ऋतुराज गायकवाड़ ने कहा कि वो भी पहले गेंदबाजी करते हैं, लेकिन टॉस उनके हाथ में नहीं है। ऑल थ्री डिपार्टमेंट्स मतलब बैटिंग फील्डिंग बॉलिंग सब में अच्छा करना पड़ेगा इन्होंने भी कहा दैट्स द ब्यूटी ऑफ द आईपीएल क्या दोनों कप्तान सेम स्कूल से पढ़ के आए हैं राज इट्स सो बोरिंग इन सब ये सब लोग मतलब जब बात करते ना मैच के पहले hmm. मैच के बाद ऐसा लगता है रोबोट बात कर रहा है जी. अगर कोई रोबोट चला जाएगा ना बिल्कुल मिस नहीं करेंगे किसी क्रिकेटर को हाँ सब एक ही तरीके से बात करते, करते हैं इस मामले में धोनी कोहली ये लोग सही थे कुछ अच्छा देते थे धोनी तो एक बार बोल दिया था धोनी ने एक बार बोल दिया था कि रहाने इंडियन पिट्चर्स के लिए नहीं बने हैं <laughs> हाँ राउंड द विकेट बहुत ज्यादा बाहर गेंद थी ये और उस गेंद को छोड़ दिया गया एम श्योर वाइड दी गई है यस वाइड सात बगैर नुकसान चेन्नई एक ओवर के बाद कॉमेंट्स की तरफ भी आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं वैसे सबसे ज्यादा मसाला तो आप रोहित शर्मा देते हैं हाँ क्योंकि ही डजेंट केयर एंड आई लव दैट गुड कॉन्टेस्ट पर वो टीम्स टू टू टीम्स टीम्स लिखा है बट आई एम श्योर वो टू पॉइंट्स बोल रहे होंगे अप फॉर ग्राफ्स टीम प्लेइंग बेटर विल विन वाह ताली बजा यार

आज आपको नहीं दिखाई दें। देंगे पथिराना तो एक श्रीलंका का खिलाड़ी बाहर गया और एक श्रीलंका का खिलाड़ी अंदर आया इस मुकाबले के लिए चेन्नई की टीम में वन पॉइंट on, एक दशमलव एक ओवर की गेंदबाजी आठ रन कोई विकेट नहीं अभी स्कोर है चेन्नई की टीम का लेट्स गो टू द कॉमेंट सेक्शन बट उसके पहले लास्ट चीज जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा वो बताना चाहूंगा पिच रिपोर्ट वैसे आपको पता है कि भैया ये पार्ट है यहाँ पे बहुत पिटाई होती है बट क्योंकि आज पिच रिपोर्ट दो ऐसे लोगों ने की, आ, की है जो जिनकी इज्जत है मेरी नज़र में तो ज़रूर पड़ेंगे ऑफ चम के सामने की गेंद थी फॉरवर्ड आकर गेंद को पुश कर दिया कवर्स की ओर कोई रन नहीं और स्कोर अभी भी है आठ बगैर नुकसान कोयजें डाल रहे हैं पारी का दूसरा ओवर दो गेंदें डाली हैं अब तक और दो रन दिए पहली बॉल वाइड थी और उसके बाद एक सिंगल आया था पाँच पे रहने और साथ में रविंद्र दो रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं यूपी किंग काम डाउन गुड मॉर्निंग यूपी किंग डोंट मेक मी टाइम यू आउट ओके डोंट स्पैम Last cheese, and I'll get to the comments. Terrific game in store with two of the most successful teams in the IPL. The expectation is for a lot of power hitting because the pitch we are on has the same dimensions as the RCB versus Mumbai game. The shorter boundary to the left is only about 59 meters, and it's about 65 to the right. The previous game here was a high scoring game, but when you venture longer into the tournament, the wickets tend to play a bit differently.

पहले आप, पहले आप ठीक है मैं मुंबई चेन्नई आपको आप चेन्नई चाहिए <laughs> नहीं आपको मुंबई मुंबई हालांकि बहुत ही अच्छी शुरुआत कर ली अजिंक्य रहने को चलता किया है तो यह चेन्नई के चेन्नई के लिए चिंता का विषय और बहुत ही तेज गति से गेंद की थी 145 जी हाँ अजिंक्य रहने को इतनी स्पीड की मतलब उम्मीद नहीं थी उस गेंद तो उनकी टाइमिंग अच्छी नहीं थी इस बॉल पे और बल्ले पे ऊपरी हिस्से पे बॉल लगी और गेंद सीधे गई हार्दिक पांड्या के हाथ में तो पहला विकेट गिर गया चेन्नई की टीम का आठ पे एक एक दशमलव चार ओवर की समाप्ति के बाद और अब आ जाएंगे मैदान पे ऋतुराज गायकवाड़ अपनी पहली गेंद का सामना करेंगे और ओवर की होगी और पाँचवीं गेंद दाएँ हाथ से ओवर द दा विकेट दाएँ हाथ के बल्लेबाज के लिए गेंद होगी और इसको खेला डिफेंसिवली रन का कोई मौका नहीं स्कोर अभी भी आठ एक विकेट के नुकसान पे तो गायकवाड आ चुके हैं ओपनिंग करते थे पहले लेकिन आज फेड़ बदल किया था चेन्नई की टीम ने अजिंक्य रहाने को पहले ओपनिंग करने के लिए भेजा था एक चौका उन्होंने भी लगाया भी अपनी पारी में स्वीप करके लेकिन उसके बाद कॉडजे ने उनको ऐसी गेंद डाली जिस पे वो जज ही नहीं कर पाए गेंद को कि कितनी तेज आने वाली है और एक ख़राब टाइम करके शॉट वो हो गए आउट और एक आसान सा कैच गया हार्दिक पांड्या के हाथ में मिड ऑन पे <coughs> तो ओवर की अब अंतिम गेंद लेके चलेंगे दाएं हाथ से ओवर द विकेट ऑफ के बाहर की गेंद उसे कट किया गेंद जाएगी थर्ड मैन पे खिलाड़ी पीछे तैनात वहां पे जसप्रीत बुमराह और एक सिंगल मिल जाएगा गायक्वाड को स्कोर बढ़ के हो जाएगा नौ एक विकेट के नुकसान पे दो ओवर की समाप्ति के बाद तो यहां से अब दोस्तों आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर हमारी कवरेज आपको पसंद आती है तो और आपका जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोग भी बताइए कि आज के दिन आप चेन्नई और मुंबई में से किस टीम को सपोर्ट करना चाहेंगे और बताइए कि चेन्नई के फैंस ज्यादा है हमारे साथ या मुंबई के फैंस जी मैं ये भी जानना चाहूँगा बिल्कुल अच्छा राज एक कमेंट आया जो मैं सबसे पहले लेना चाहता हूँ जी जैन उज्जवल भाई हमारे रेगुलर वॉचर हैं उज्जवल भाई वॉचर है तो वॉचर भी हो सकता है हाउ डज़ नेट रन रेट गेट्स कैलकुलेटेड लाइक वॉट मैटर्स मोस्ट विनिंग विद मोर विकेट्स और विनिंग विद मोस्ट बॉल्स लेफ्ट विकेट्स का कोई yeah. फ़र्क नहीं पड़ता विकेट से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है नेट रन रेट में नेट रन रेट इज़ ऑल अबाउट कि आप yeah. कितने ओवरों में रन्स बना रहे हैं जितने आपको बनाने हैं और सामने वाली टीम जितने रन बना रही है आपके खिलाफ कितने ओवरों uh, में बना रही है तो उस पर पूरी बात uh, निर्धारित है आई एम बैक टुडे आई कैन एन्जॉय द मैच बिकॉज टुडे आई एम फ्री आई ऑलवेज सपोर्ट सी एस के मंदीपुर जी इज़ बैक वेलकम बैक मंदीप जी आज एम आई जीतना चाहिए अशित भाई कह रहे हैं अवधूत भाई कह रहे हैं हार्दिक टुक टू टु विकेट्स इन द गेम हार्दिक विल टेक आई थिंक सिंह ही सपोर्टिंग एम आई ओके आदित्य गुड इवनिंग बहुत बढ़िया आप कैसे हैं सी एस के को सपोर्ट कर रही हैं मंदीप जी वनाश प्रियांशु कह रहे हैं मुझे तो स्लो पिच लग रही है अभी तक तो ऐसा कुछ समझ नहीं आया मुझे अब एक विकेट क्योंकि गिर गया है तो चेन्नई की टेंडेंसी है कि वो बहुत जल्दी शेल में चले जाते हैं तो आई होप वैसा वो ना करें नेक्स्ट टाइम पे गेंद थी पुश किया गया उस गेंद को डीप मिड विकेट की तरफ एक सिंगल और इस सिंगल के साथ स्कोर हो जाएगा चेन्नई का दस एक विकेट के नुकसान पे रियान पराग सर आज किसके प्रति लॉयल्टी रखेंगे आप ओजस हमारे साथ हैं आ, बता दिया आपको अब तो आई एम चेन्नई राइट आई एम चेन्नई फॉर द फर्स्ट टाइम इन इन माई लाइफ आई एम सपोर्टिंग चेन्नई देर यूज टू बी मोर पीपल सो somebody would always take Chennai. बट अब क्योंकि दो लोग हैं तो एक तो को तो एक लेना पड़ेगा जी तो आज चेन्नई मेरे पास है तो मोहम्मद नवी आए गेंदबाजी करने के लिए ये उनका सेकंड ओवर है अब तक सात रन दिए कोई विकेट उनको नहीं मिला है जी यूनिक कंटेंट ने पूछा कि किसको सपोर्ट कर रहे हो बट हमने बता ही दिया दीपक पांडे जी हमारे साथ है, आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको भी आप साहब जी, जी का कहना है सी एस के विल स्कोर टू थर्टी सिक्स ओके ना हाथ से राउंड द विकेट ऑप्शन के सामने की गेंद थी उस गेंद को खेला गया है ऑन साइड में डीप मिड विकेट की तरफ एक सिंगल और इस सिंगल के साथ स्कोर हो जाएगा चेन्नई का ग्यारह एक विकेट के नुकसान पे टेक राम जी हमारे साथ हैं ड्रूप हमारे साथ हैं ओनली मीन्स डॉट इन हमारे साथ हैं और हमारे प्रिय मित्र अनिंदा गोस्वामी जी ने हार्ट भेजा है मैं शुक्रिया बहुत बहुत अनिंदा गोस्वामी जी और अनिंदा गोस्वामी जी और सभी मित्रों का जी uh, शॉर्ट्स क्या है वो चैनल अनस्किल क्रिकेट शॉर्ट्स <laughs> ऐसे तमाम भाइयों का बहुत, बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि जो हम शॉर्ट्स डालते हैं उसमें आप लोग आके कमेंट करते हैं और उससे एल्गोरिदम में डेफिनेटली बूस्ट मिलता होगा तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया नाउ द शॉर्ट्स आर डूइंग रिवली वेल ये शॉट बड़ा अच्छा लगा है लॉन्गॉन की तरफ नबी को टांग दिया गया लॉन्गॉन सी मारे खा के बाहर गेंद चली गई छे रनों के लिए गायकवाड के बल्ले से निकलता हुआ पहला छक्का सत्रह पे एक चेन्नई का स्कोर हो गया दो दशमलव चार ओवरों के बाद स्टंप्स की लाइन में गेंद थी और उसको स्वीप कर दिया था ऋतुराज गायकवाड़ ने मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है राज जी कि ये रहाने का लास्ट सीजन है चेन्नई के लिए क्योंकि चेन्नई ने अब उनको एज अ पिंच हिटर यूज करने का फैसला किया है और ऐसा तभी होता है जब आप उस बल्लेबाज से ना कहीं और किसी और चीज की उम्मीद छोड़ देते हैं कहते हैं कि जा सर पे कफन बांध और कूद जा जी हो हो सकता है है आपकी इज्जत थोड़ी कम गई तभी आपको ये रोल दिया गया है क्योंकि ये रोल सुनील नरेन के लिए अच्छा है सुनील नरेन के लिए क्योंकि उनका काम नहीं है ना वो एग्जैक्टली नहीं लेकिन रहाने तो प्योर बैट्समैन है फ्रंट लाइन बल्लेबाज है उनको अगर आप ये करने के लिए बोल रहे हैं तो आई एम श्योर अब हिम्मत हार रही है चेन्नई उनसे मतलब दे आर गिविंग अप अ लिटिल बिट पे एक चरने का स्कोर, दो पांच ओवरों के बाद ओपनर oh, no, 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 no. थे वो बचपन मतलब तो से ओपनर थे वो इंडिया के लिए भी ओपनर ही थे वो पूरे टाइम ओपनर जहां भी खेले कोलकाता यहाँ वहां हर जगह ओपनिंग की उन्होंने अच्छा बी फार्मा नोट ने पूछा था तो मैंने वो पूछने से पहले ही बता दे आपको कि रहाने को ओपन करने के लिए भेजा गया उसको आप कैसे देखते हैं <laughs> उनका लास्ट सीजन है कह रहे हैं प्रियांशु की ये चेन्नई के लिए लास्ट सीजन है उनका ही लास्ट सीजन यस दैट कैन हैपन हैज डन इनफ इन हिज लाइफ दो हैज डन वेल फॉर हिमसेल्फ क्या मतलब पहले आईपीएल से अभी खेल रहे हैं यस तो बहुत टाइम खेल लिया यार उज्ज्वल uh, भाई कह रहे हैं आई एम फ्रॉम मुंबई ओनली एंड सिंस इट वॉज रेनिंग इन राजस्थान एंड गुजरात वी फेल्ट अ अक्सड वेदर इन मुंबई कूल वेन्स येट फीलिंग ह्यूमिडिटी सो मे बी पिच माइट बिहेव डिफरेंटली टू नॉट अ पिच एक्सपर्ट ऑल राइट जैन उज्ज्वल आई टेक दैट इस ओवर की पहली गेंद हाथ से ओवर द विकेट कदम का इस्तेमाल किया गेंद जा रही है मैं की के रोक ली जाएगी और uh, स्कोर हो जाएगा चेन्नई का अठारह एक विकेट के नुकसान पे तीन दशमलव एक ओवरों के बाद अनस्किल क्रिकेट शॉट्स कह रहे हैं उनका गेम ही वैसा था थप्पा का बिल्कुल वो थप्पा डे वन से ऐसे खेलते थे और बीच में थोड़े समय के लिए वो मुरझा गए थे थोड़े समय के लिए उनका फॉर्म हो गया था खराब जब वो राजस्थान में गए हाँ, थे हाँ लेकिन उसके बाद उन्होंने बैटिंग पे काम किया और ही हायर्ड अ पर्सनल कोच और उसके बाद उनका गेम बहुत बेटर हो गया था 18 पे एक है चेन्नई का स्कोर तीन दशमलव एक ओवरों के बाद इस ओवर की तीसरी गेंद आ रही है दाएं हाथ से ओवर द विकेट ऑफ सर्म के बाहर की गेंद गेंद को खेला गया थर्ड मैन की ओर बल्ले का मुंह खोलते हुए एक सिंगल के लिए और सिंगल के साथ स्कोर चेन्नई का हो जाएगा उन्नीस से एक विकेट के नुकसान पे तीन दशमलव दो ओवरों के बाद आ, रखाल दास जी सी एस के को सपोर्ट कर करें ऑल राइट नहीं सर उनका भी लास्ट सीजन नहीं है ये भी और टीमों को लूटेंगे <laughs> नहीं यार रहाने तो बहुत जेंटलमैन टाइप आदमी है मुझे नहीं लगता और लुटेरा टाइप आदमी है रहाने को अगर लगेगा कि अब मेरे बस के नहीं आई कांट ऑफर एनीथिंग एनीमोर आई बिलीव ही विल जस्ट क्वेट दैट इज़ द काइंड ऑफ गाय

अंपायर का इशारा आ भी जाएगा वाइट का और 20 रन हो जाएंगे चेन्नई के एक विकेट के नुकसान पे तीन दशमलव दो ओवर की समाप्ति के बाद आई थिंक प्रवीण आमरे के साथ काम किया था रॉबिन उथप्पा ने प्रवीण आमरे लेजेंडरी मतलब फिगर हैं इंडियन क्रिकेट में जी मैंने भी बहुत नाम सुना वही. उनका तो उन्होंने उनके साथ काम किया उथप्पा ने और उसके बाद जो रिवाइवल हुआ है उनका कोलकाता के लिए क्या बैटिंग उन्होंने की और फिर उसके बाद चेन्नई के लिए भी वॉज फिन एट द लेटर स्टेज ऑफ इस करियर बीस पे एक चने का स्कोर है इस समय डॉट बॉल आई है ओवर की तीसरी बाई हाथ से राउंड द विकेट गेंद थी जिसको ड्राइव किया गया था थोड़ी आगे पिछ हुई थी ना तो बहुत शॉर्ट थी ना लेंथ मतलब ओवर पिच नहीं थी लेंथ और ओवर पिच के बीच की गेंद थी जिसको ड्राइव किया गया था बट स्ट्रेट टू द फील्डर एट कवर्स नॉट फॉर फ्रांस दस पे गायकवाड आठ गेंदे खेली जबकि पाँच गेंदों पर तीन रन बनाकर रव रचिन रविंद्र बल्लेबाजी करें मुझे शक है जी कि मैं रचिन रविंद्र को किस दिन रविंद्र जडेजा बुला दूंगा

फाइनली की ओर कोई रन नहीं बीस पे एक चेन्नई का स्कोर हो गया तीन दशमलव चार ओवरों के बाद बुमराह अभी दो विकेट लेंगे अब धूत जी कह रहे हैं कितना टोटल होना चाहिए चलिए पार प्ले के बाद इस पर बात करेंगे कीज है की ट्रिपल आई हाउ यू हाथ से राउंड द विकेट ऑफ स्टंप oh, के बाहर yeah. की गेंद बल्ले का बाहर के किनारा छोड़ते हुए गेंद विकेट कीपर के पास और स्कोर है चेन्नई का बीस एक विकेट के नुकसान पे किस तरीके से आप लोग देखते हैं इस शुरुआत को चौथा ओवर चल रहा है और रन गति हालांकि आज गेंद कुछ कर रही है स्पिनर डाल रहा था नबी डाल रहे थे कौन डाल रहा था नबी नबी डाल रहे थे तो गेंद टर्न हुई नई गेंद टर्न हो रही थी और स्विंग हो रही है बुमराह की गेंद तो भैया जो जैन उज्जवल जी का कमेंट है जैन उज्जवल जी आप भले ही खुद को पिच एक्सपर्ट ना मानते हो और वो ह्यूमिलिटी मुझे बहुत पसंद आती है बट आई थिंक यू आर अप टू समथिंग सॉरी यू आर ऑन टू समथिंग इस ओवर की अंतिम गेंद यहाँ से राउंड द विकेट लेग पे फ्लिक किया गया है और इस बार नहीं रोकी जा सकेगी गेंद गेंद चली जाएगी सीमा रेखा के बाहर चार रनों के लिए चौबीस पे एक चेन्नई का स्कोर हो जाएगा चार ओवरों के बाद छे की रन गति अब हो जाएगी चेन्नई की तो बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे बुमराह इस ओवर में लेकिन एक गेंद खराब कर दी उन्होंने लेग स्टम्प पे, कदमों पे डाल दी और वहाँ पे फ्लिक करके शॉट निकाल दिया गैप में रचिन रविंद्र ने स्कोर बढ़ के हो जाएगा 24 एक विकेट के नुकसान पे चौके की मदद से चार ओवर की समाप्ति हो आप तो आपने सही कहा अब जाके रन गति हुई है छः की तो पावर प्ले तो अभी तक जो शुरू हुआ है चेन्नई का तो खराब ही मानूंगा मैं अभी तक अच्छा नहीं है एक विकेट चलो सब लोग गवा देते हैं पाव प्ले में इतना नॉर्मल है लेकिन आपके रन भी ज़्यादा नहीं है भाई तो यहाँ दिक्कत है अनस्किल क्रिकेट शॉट्स नॉटी नॉटी हो रहे हैं रेड <laughs> सॉइल है स्पिन होगा आज प्रियांशु कह रहे हैं हाँ पहले भी देख चुके हैं मतलब अभी आए थे नबी गेंदबाजी करने के लिए तो गेंद उनकी टर्न हो रही थी और दो और करवा के निकल गए वो हमें बुमरा का डीएनए लेकर बहुत सारी कॉपीज बना लेनी चाहिए तभी हम जीत पाएंगे क्या बात कही है आपने श्रेयांश साईफाई बहुत देखते हैं आप <laughs> डायनासोर का भी डीएनए मिल जाए कहीं से दोबारा से क्या, क्या करेंगे उनसे खेती करवाएंगे हम जोरासिक पार्क बनाएंगे अच्छा सच में <laughs> कहीं वो बेलगाम हो गया फिर क्या होगा विनाश हाँ तो फिर मूवी जैसा ही होगा ना जो ओवर की पहली गेंद और चौका कदमों का इस्तेमाल किया था कन्विंसिंग कहीं से भी नहीं था बैट बस चला दिया था क्योंकि फॉलो किया उनको जराइल कोज्जे ने के बाहर जा रहे थे गायकवाड अंत में बस किसी तरीके से शरीर पे बॉल ना लगे वो कोशिश उन्होंने की ही वॉज हरीड बाय द पेस दैट जनरेटेड दैट ही जनरेटेड कोतजे और गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर फाइनलिक बाउंड्री के बाहर चली गई चार रनों के देखा बच रहे थे वो बस बॉल लगे ना शरीर पर लेट हो गए थे शॉर्ट पे रूम भी नहीं था वो कट करना चाहते थे रूम बिल्कुल नहीं था तो किस्मत थी कि उनको चौका मिल गया हु विल मेक द मोस्ट इम्पैक्टफुल हु विल बी द मोस्ट इम्पैक्टफुल प्लेयर आई थिंक शिवम दुबे और स्काई गीता का कहना है दाएं हाथ से ओवर द विकेट कदम का इस्तेमाल किया अपर कट नुमा स्ट्रोक बैकवर्ड पॉइंट की और सीमा दिखा के बाहर जो बच्चे 90s में पैदा हुए हैं उन सबको सचिन का शॉट याद होगा 2003 वर्ल्ड कप में शोएब अख्तर के खिलाफ पॉइंट पे छक्का मारा था उन्होंने वैसा वाला शॉट जिसका जिक्र करते हैं सहवाग वही वाला शॉट उसका जिक्र कौन नहीं करता है हमशोर वेन्द्र सहवाग उसी का जिक्र करते होंगे क्योंकि सचिन का अगर एक छक्का आपको याद है तो वो वो छक्का होना चाहिए उसके अलावा जैसे धोनी का वो था ना लॉन्ग ऑन के ऊपर से वर्ल्ड कप वाला वर्ल्ड कप वाला वो उस टाइप का छक्का है मतलब धोनी का सिग्निफिकेंस अलग है छक्के का बट वो जो इम्पैक्ट था उस शॉर्ट का उस जमाने में वो शॉट खेलना शोएब अख्तर को वो थोड़ा सा पंचर हो गया था टायर उसके बाद उस शॉट के बाद पाकिस्तान की टीम का ए, इस ओवर की तीसरी गेंद आ रही है दाएं हाथ से ओवर द विकेट कदमों का इस्तेमाल किया लेकिन इस बार कनेक्ट अच्छा किया तो भी फील्डर को ढूंढ निकाला उन्होंने मिड विकेट पे सीधे उनके हाथ में गेंद गई रन कोई नहीं चौंतीस पे एक चले का स्कोर चार दशमलव तीन ओवरों के बाद ओवर की अब चौथी गेंद को लेकर चलेंगे कर्जे सामने होंगे बल्लेबाज दाएँ हाथ के ऋतुराज गायकवाड़ जो कि ग्यारह गेंदों पर बीस रन बना करके बल्लेबाजी कर रहे हैं और कर्जे की बात करें तो इस ओवर में पहली दो गेंदों पे उन्होंने दिए थे दस रन उसके बाद तीसरी गेंद रही थी डॉट अब चौथी गेंद को लेकर तैयार हैं इस समय रन गति है सात दशमलव पाँच छः की बातचीत करते हुए कौजे अपने कप्तान हार्दिक पांड्या से हालांकि अभी ऐसी स्थिति हुई नहीं कि इतना सीरियस डिस्कशन किया जाए अभी तो अभी मुंबई की टीम अच्छी स्थिति में यहाँ से अगर एक और विकेट निकाल लेती है मुंबई तो बहुत ही मतलब बैकफुट पर धकेलने का मौका मिल जाएगा मुंबई को चेन्नई की टीम को ओवर की चौथी गेंद और लगा देंगे यहाँ पे एक चौका ऋतुराज गायकवाड़ फुल टॉस बॉल थी जिसको फ्लिक किया था गेंद सीधे गई डीप मिड विकेट पे चौके के लिए स्कोर बढ़ के हो जाएगा अड़तीस एक विकेट के नुकसान पे चार दशमलव चार ओवर की समाप्ति के बाद ये अनस्किल क्रिकेट शॉट कह रहे हैं कि ऑन क्रॉस फाइन काउ कॉर्नर <laughs> राइट क्या मतलब हुआ दोस्त इसका लॉन्ग ऑन मत बोलो फाइन काउ कॉर्नर बोलो नहीं अनस्किल क्रिकेट शॉट्स मैं आपको बताता हूँ कॉर्नर तब आप सही जगह पहुँचेंगे भाव साहब जी गुड इवनिंग हाउ यू हाउ यू पहले ये बताओ ना हु इज द स्टाइलिश बैट्समैन ऑफ आई पी एल देर आर सो मेनी दाई हाथ से ओवर द विकेट विकेट्स की लाइन में गेंद गायकवाड डेफिनेटली वन ऑफ द स्टाइलिश वंस पर्टिकल यूज टू बी अ वेरी स्टाइलिश प्लेयर राज विल टेल यू सम मोर नेम्स Hmm, शुभमन सकते हैं आप अरे वो तो ऑब्वियसली तो ऑल क्लास यशस्वी भी स्टाइलिश है लेकिन उनका ज्यादा ब्रूट आ, आ, स्टाइल है मतलब एक होती है शालीनता और एक होता है बुचर जैसी बैटिंग करना तो उनमें दोनों है इस ओवर की अब अंतिम गेंद आ रही है दाएं हाथ से ओवर डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति मोटा बाहर बहारे किनारा लगा गेंद गए पॉइंट के खिलाड़ी के पास कोई नहीं, फाइनली एक बहुत अच्छा ओवर चेन्नई के लिए आता हुआ चौदह रन आए इस ओवर में और पांच ओवरों के बाद चेन्नई का स्कोर हो गया अड़तीस एक विकेट के नुकसान पे आज साहिल भाई नहीं आएंगे क्या नहीं साहिल भाई क्यों नहीं आएंगे अगर वो फ्री होंगे तो बिल्कुल आएंगे साहिल भाई को भी बहुत मज़ा आता है जब वो आते हैं और हमें बहुत मज़ा आता है जब वो आते हैं हमें मतलब मैं आप सब लोग हालांकि स्टाइलिश प्लेयर की बात हो रही थी तो उसमें एक और नाम जुड़ सकता है फिल सॉल्ट का आज देखिए आपने बैटिंग जी और एक और मैच में उन्होंने बहुत तगड़ी बल्लेबाजी की थी तो कोलकाता के पास जो ये दो ओपनर है ना नरेन और फिल सॉल्ट इन दोनों में से कोई ना कोई एक तो चल ही जाता है किसी ना किसी मैच में <laughs> तो इसलिए आप देख पा रहे कि उनका नेट रन रेट अभी सबसे ज्यादा अच्छा है आई में इस सीजन में पाँच ओवर की समाप्ति के बाद अड़तीस एक विकेट के नुकसान पे स्कोर है चेन्नई की टीम का रनगति इस समय सात दशमलव छ्य की गायकवाड़ थोड़ी तेज बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं इस समय चौदह गेंदों पर चौबीस रन वही बात कर रचिन रविंद्रा की तो उन्होंने किए आठ गेंदों पर सात रन पिछले दो मैच से रचिन रविंद्र भी अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे थे हालांकि अभी तक टिके हुए और एक विकेट चेन्नई ने जल्दी गवा दिया तो वहाँ से संभल के खेलते हुए दिखाई दिए थे बल्लेबाज रचिन रविंद्रा भाउ साहेब जी का कमेंट आया है सत्यम सर इंडिया में सबसे अच्छा ग्राउंड कौन सा है इस पार यॉर्कर गेंद के साथ शुरुआत करते हुए मडवाल गेंद को किसी तरीके से स्टंप्स पे जाकर टकराने से रोकने में रचिन रविंद्र हालांकि कामयाब हुए और उन्होंने गेंद को पुश कर दिया ऑन साइड में लगा जरूर कि शॉट पे लेट हो गए लेकिन तब भी बैट के टू एंड से ही सही गेंद को स्टंप्स पे जाने से रोकने में वो कामयाब हुए दैट्स ऑल दैट मैटर्स विकेट उनका बच गया अड़तीस पे कभी भी चने का स्कोर है पाँच दशमलव एक ओवरों के बाद विराट का आपने नाम नहीं लिया स्टाइलिश बैट्समैन में क्योंकि जरूरत नहीं है वो लेजेंड में आते हैं। हाँ वो आप पूछते लेजेंडरी कौन है तो हम बताते हैं आपको स्टाइल ये बच्चों का वो है ना स्टाइल कौन मारता है तीस साल के पैंतीस साल के लोगों को देखा स्टाइल मारते हुए सब बच्चों की चीजें हैं क्यों भाई आप इफेक्टिव होना चाहेंगे ईशान किशन <laughs> स्टाइलिश से ज्यादा ही नॉट नॉट टू से इज स्टाइलिश स्टाइलिश वेरी 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 गुड बट अगर आप सिर्फ स्टाइल की बात करेंगे तो मे बी पहला इंसान नहीं होगा कोहली जिसका नाम लेगा कोई भी आदमी सत्यम भाई आपकी वजह से क्या है ये कमेंट राज रीजनल लैंड सर बहुत बड़ा कमेंट कर रहे हैं इस ओवर की दूसरी गेंद कट किया है इसको गेंद जा रही है पॉइंट की ओर इस बार पॉइंट जो तीस गज के घेरे के अंदर है वो गेंद को नहीं रोक पाया और चौका मिल जाएगा इस चौके के साथ चेन्नई का स्कोर हो जाएगा बयालीस एक विकेट के नुकसान पे पाँच दशमलव दो ओवरों के बाद इंडिया में सबसे अच्छा अच्छे का मतलब क्या है मतलब फैसिलिटीज के मामले में कैपेसिटी के मामले में रन के मामले में के मामले में अगर आप फैसिलिटीज और कैपेसिटी और इन सब की बात करें तो फिर तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम होगा मेरी नजर में वही रन की बताएं मामले में बात करेंगे तो आज का मैच जहाँ और वन खेड़े यहाँ बहुत ज़्यादा रन लगते हैं इस गेंद को कट किया गेंद जाएगी डीप बैकवर्ड पॉइंट पे खिलाड़ी तैनात है एक सिंगल मिल जाएगा सिंगल की मदद से स्कोर बढ़ के हो जाएगा तैंतालीस एक विकेट के नुकसान पे पाँच दशमलव तीन ओवर की समाप्ति के बाद स्ट्राइक पे वापस आ जाएंगे गायकवाड़ जो कि चौदह गेंदों पे चौबीस रन बना करके बल्लेबाजी कर रहे हैं और गेंदबाजी के लिए आए आकाश मडवाल तीन गेंद वो कर चुके अभी तक पांच रन दिया है कोई विकेट उनको नहीं मिला है ओवर की अब वो लेके चलेंगे चौथी गेंद सामने होंगे स्ट्राइक पे चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड दाएं हाथ से ओवर द विकेट दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए और एक और चौका लगा दिया है गायक्वाड ने अपने बल्ले से लेग स्टम्पे बॉल थी उसको खेल दिया था ऑन साइड में गेंद सीधे गई डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे चौके के लिए स्कोर बढ़ के हो जाएगा सैंतालीस एक विकेट के नुकसान पे पाँच दशमलव चार ओवर की समाप्ति के बाद अब चेन्नई की टीम रफ्तार पकड़ते हुए और अब पिच लग रहा है कि हाँ बैटिंग के लिए अच्छी है नहीं तो शुरू में दो ओवर दो तीन ओवर कुछ तो हुआ एक गेंद थी बुमराह की वो तो इतनी स्विंग हुई कि मैंने भाई कहा भाई कहाँ मैच हो रहा है सच में मुंबई में मैच हो रहा है लेकिन अब वैसा कुछ नहीं हो रहा अब बिल्कुल सीधी सीधी गेंदे आ रही हैं और गेंदबाजों को बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि भैया बल्लेबाजों के बज गए हैं आठ आठ जी वैसे आठ बज भी गए नजिया का बहुत बहुत शुक्रिया देख लिया मैंने आपका कमेंट थैंक यू सो मच क्या लगता है पावर प्ले कौन जीता पावर प्ले भी आई थिंक फिफ्टी फिफ्टी रहा बैलेंस्ड बैलेंस, बैलेंस है इस ओवर की अब पांचवी गेंद आने वाली है और सामने हैंड गाँग है, हाथ के बल्लेबाज बुमराह को पिच से कोई फर्क नहीं पड़ता है श्रेयांश का कहना है हाँ लेकिन अगर आपको स्विंग हासिल करना है तो उसके लिए कंडीशंस का फेवरेबल होना बहुत जरूरी है यस बुमराह कहीं भी इफेक्टिव होते हैं क्योंकि वो एक चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं है तो उसकी वजह से अगर स्विंग नहीं है तो ही विल फिगर समथिंग एल्स आउट बट उसके लिए स्किल चाहिए तर्कश में बहुत सारे तीर चाहिए जो हर किसी के पास नहीं है लेकिन यहां उनको स्विंग मिली तो उसमें कंडीशन का कुछ योगदान जरूर होगा सैंतालीस पे एक चने का स्कोर है पांच दशमलव पांच ओवरों के बाद मडवाल नहीं है मधवाल है ऑल राइट मधवाल है भाई याद रखना मधु शहद वाला मधवाल इस ओवर की अब लास्ट बॉल आने वाली है दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए दाएं हाथ से ओवर द विकेट ऑफ ऑफ्टन के बाहर की गेंद उसको पुश किया गया बकवुट बैकवर्ड पॉइंट की ओर और, और एक रन ले लिया जाएगा दस रन इस ओवर से भी आए नॉट बैड ओवर की समाप्ति पावर प्ले खत्म हो गया है ओवरों के बाद अड़तालीस बताइए मुझे कृष्णा भंडारी जी ने कुछ कमेंट किया है कि राज भाई परफेक्ट हो गए हैं थैंक यू कृष्णा जी उम्मीद करता हूँ आप सही होंगे मैं तो परफेक्ट हो गया हूँ आई होप आप ठीक होंगे <laughs> पूछते रहना चाहिए <laughs> मैं नेपाल से हूँ मयंक यादव क्यों नहीं खेल रहे हैं क्योंकि ये मैच है नहीं लखनऊ का और लखनऊ के मैच में वो खेलते नहीं है क्योंकि उनको चोट लग गई है आई थिंक वो नेक्स्ट मैच से वापस आ जाएंगे जहाँ तक मुझे पता है क्योंकि मुझे जब पता था उनको पता चला उनको चोट लगी तो ये पता चला कि दो मैचों के लिए वो बाहर हुए एट uh, का मतलब आठ बजे के अलावा भी कोई मतलब है क्या नहीं मतलब इट्स जस्ट दैट कि यू हैव अ गुड टाइम वंस इट्स एट यू हैव टाइम क्योंकि आप फाड़े को जाते हैं हर कामों से चिल करते हैं रात को फिर इसीलिए मे बी डाइट कोक हैज नो कैलोरीज आपने सुना कि बुमराह कह रहे थे कि इंडिया में उनका सिलेक्शन नहीं होता तो कनाडा जाके ट्राई करते यस yes, मैंने वो वीडियो देखी है उसमें भुवनेश्वर कुमार भी हैं उन्हीं यूनिक कॉन्टेंट आईव सीन दैट वीडियो क्या हिलेरियस वीडियो है ना खुद भी हंसते हैं <laughs> उस वीडियो में खुद भी हंसते हैं उसमें वो बोलते हैं ना कि भुवनेश्वर कहते कि ट्रक चलाता मतलब ड्राइव करता कुछ ऐसा यस अनस्किल क्रिकेट शॉट्स टू यंग वेट अ लिटिल ऑलराइट राज भाई की कमेंट्री प्रज्ञान ओझा की याद दिलाती है ऑलराइट मैंने कभी सुना नहीं है वैसे प्रज्ञान ओझा को मतलब बढ़िया बॉलर थे लेकिन बॉलिंग करते हो तो ऑब्वियसली देखा है कमेंट्री उनकी नहीं सुना इतना एक बार पता है क्या हुआ जी <laughs> वो कमेंट्री कर रहे थे अभी वो रिटायर नहीं हुए थे और उन्होंने क्या किया कमेंट्री में धोनी को खूब क्रिटिसाइज किया <laughs> अच्छा और उस मैच के बाद ना अगली सीरीज के लिए टीम का सिलेक्शन होना था जी तो आपको पता है क्या होता है बाहर वो टीम में ले लीजिए जाते हैं अच्छा कमेंट्री है। बॉक्स से सीधे टीम में आ जाते हैं फिर उनको खिलाया भी जाता है और फिर उनकी उतनी कुटाई होती है कि उनका करियर ओवर हो जाता है उनको ऐसे पिचेस पे खिलाया गया जहाँ स्पिनर को खिलाने का शायद कोई मतलब नहीं था ये धोनी ने इसलिए खिलाया कि तू आप पे आई डोंट नो बट ये मुझे किसी पुराने क्रिकेटर ने स्टोरी बताई थी तो मैंने कहा सर आप बता रहे हो तो इसको तो क्वेश्चन करने का मतलब कोई मतलब नहीं है सीएसके के को विशु सपोर्ट कर रहे हैं <laughs> तो भाई पार प्ले की समाप्ति टाइम आउट भी समाप्त हो जाएगा पांच सेकंड में चार सेकंड तीन दो एक नए ओवर की शुरुआत पहली गेंद पे कोई रन नहीं और स्कोर अभी भी अच्छा नहीं का और चालीस एक विकेट के नुकसान पे मोहम्मद नबी आए हैं गेंदबाजी करने के लिए और फुल एल की गेंद डाली मौका ही नहीं मिला गेंद को टर्न होने का गेंद सीधे कवर के खिलाड़ी के पास गई जूसी हाफ वॉली थी बट उसका फ़ायदा नहीं उठाया जा सका अब जब ये स्पेल स्टार्ट हो रहा है दूसरा मोहम्मद नबी का तो मैं देखना चाहूँगा कि उनको कुछ टर्न मिल रहा है नहीं क्योंकि पहले मिला था और कन्वेंशनल विजडम यह है कि गेंद जैसे जैसे पुरानी होती जाती है वैसे वैसे और ज़्यादा आप टर्न हासिल करते जाते हैं सम्स की लाइन में गेंद थी विद द स्पिन गेंद को धकेला गया था शॉर्ट फाइनल की तरफ और एक रन लेना चाहते थे मिला नहीं स्कोर अभी भी है चेन्नई का अड़तालीस एक विकेट के नुकसान पे छः दशमलव दो ओवरों के बाद किस टीम को सपोर्ट करोगे आज गीता का सवाल है मैं कर रहा हूँ चेन्नई को और मैं कर रहा हूँ मुंबई को सुन के अजीब नहीं लगा आप लोगों को इस दाएं हाथ से ओवर द विकेट अगली गेंद सीधी गेंद थी एकदम खेला गया उस गेंद को वाइडिश लॉन्ग ऑन की और एक सिंगल के लिए मोटोवर्ट्समेड विकेट और इस सिंगल के साथ स्कोर हो जाएगा चेन्नई का उनचास एक विकेट के नुकसान पे छः दशमलव तीन ओवरों के बाद आईपीएल में डेढ़ सौ के स्ट्राइक रेट से सबसे ज़्यादा फिफ्टी किसने लगाई है क्या लगता है सूर्या रिकॉर्ड तोड़ेंगे ये रिकॉर्ड मुझे नहीं पता है तो बहुत मुश्किल है बता सकता तो बता दीजिए भाई ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा Uh, जैसे ही पावर प्ले ख़त्म हुआ जी पेसर्स को ब्रेक दिया गया और फील्ड फैल गई है तो ऑफ साइड में आपको ज़्यादातर खिलाड़ी नज़र आ रहे हैं इनफैक्ट ऑन साइड में ज़्यादातर खिलाड़ी नज़र आ रहे हैं बाएँ हाथ के बल्लेबाज के लिए बाउंड्री पेट्रोल करते हुए पचास पूरे हो गए इधर सिंगल के साथ चेन्नई की टीम के छः दशमलव चार ओवरों के बाद जश्नप्रीत सिंह जी हमारे साथ एमस्टरडेम से हमें सुनते हैं गुड इवनिंग कैसे हैं आप नजिया का सवाल आया राज भाई अजीब नहीं लगा क्योंकि मुंबई का होम ग्राउंड का सपोर्ट मिलेगा आर के मैच में हमने देखा था अच्छा अब सीरीज़ के तेज खिलवा देते हैं करें छः दशमलव पाँच ओवरों के बाद इक्यावन पे एक है चेन्नई का स्कोर ओवर में तीन सिंगल्स आए हैं लास्ट बॉल पे भी एक सिंगल और स्ट्राइक लगातार रोटेट करते हुए दोनों बल्लेबाज लास्ट बॉल पे भी सिंगल लिया गया ओवर के अंतिम गेंद पे चार रन आए इस ओवर से काफ़ी किफ़ायती ओवर था ये राउंड द विकेट गेंद डाली गई थी लेक्सम की ओर हटते हुए गेंद को खेला गया था लॉन्ग ऑन की ओर और बावन पे एक का स्कोर हो गया सात ओवरों के बाद किसी ने कमेंट भी किया था एंड आई अग्री विद द कमेंट उन्होंने ये कहा था कि रचिन रविंद्र को एक स्लॉगर की तरह बैटिंग नहीं करनी चाहिए सिंस ही इज केपेबल ऑफ प्लेइंग लाइक अ प्रॉपर बैट्समैन लंबी पारियाँ खेल सकते हैं तो उसके लिए हटबड़ी में ज़बरदस्ती करके अपना विकेट ना गंवाएँ खड़े रहेंगे तो उसका फायदा होगा चेन्नई को मुझे लगता है कि वो सही सेंटिमेंट है और वो वैसा ही कर रहे हैं तेरह पे चौदह उनका स्कोर है और गायकवाड ने अग्रेसर की भूमिका अपने पास रखी है इक्कीस पे इकतीस उनका स्कोर और साझेदारी हो गई है बत्तीस गेंदों पे चवालीस रनों की तो अभी तक कुछ बुरा नहीं हुआ है चेन्नई के साथ सात ओवरों में बावन पे एक मुझे लगता है अभी भी फिफ्टी फिफ्टी है ये मे बी अब ये फिफ्टी फाइव फोर्टी फाइव हो जाएगा थोड़ी देर में अगर चेन्नई गियर चेंज ना करे लेकिन अभी फिफ्टी फिफ्टी तो सात तो सिक्सटी फोर्टी बता रहा है बट आई हार्डली एवर अग्री विद इट इट्स देयर ंग so <laughs> लेकिन थोड़ा तो सुस्त खेली है चेन्नई की टीम जैसा पिच है ना उस हिसाब से इनको ज्यादा रन बनाना चाहिए थे सात ओवर में क्योंकि पहला विकेट जल्दी आ गया था जीक के रहने का तो फिर वहां से सुस्त बल्लेबाजी की थी दोनों ही बल्लेबाज ने लेकिन उसके बाद गायकवाड़ ने ज़्यादा समय लिया नहीं गेयर सेफ्ट करने में गेंद को खेल दिया गया है लॉन्ग ऑफ की तरफ खिलाड़ी वहाँ तैनात है एक सिंगल मिल जाएगा सिंगल की मदद से स्कोर बढ़ के होता हुआ तिरपन एक विकेट के नुकसान पर सात दशमलव एक ओवर की समाप्ति के बाद गोपाल आए गेंदबाजी करने के लिए शीरस गोपाल और सामना करेंगे अब इस ओवर की दूसरी गेंद का गायकवाड़ जो 21 गेंदों पर 31 रन बना करके खेल रहे हैं ओवर की अगली गेंद कोई रन नहीं स्कोर अभी भी तिरपन एक विकेट के नुकसान पे सात दशमलव दो ओवर की समाप्ति के बाद गेंद को खेला था ऑफ साइड में और गेंद गई थी कवर्स के खिलाड़ी के पास रन का कोई मौका था नहीं वहां पर क्या आज मोइन अली खेल रहे हैं सीएसके में वो सी नहीं। नहीं हाँ। एस के तौर पे अब देखिए यहाँ स्पिनर अच्छा करते हैं फर्स्ट इनिंग्स में या पेसर्स तो उसके ऊपर बात आएगी कट किया गया था गेंद को शॉर्ट गेंद थी थोड़ी सी डीप पॉइंट की ओर गेंद गई एक सिंगल लिया गया और स्कोर हो गया चेन्नई का चौबन एक विकेट के नुकसान पे स्वीप कर दिया गया लॉन्ग ऑन के ऊपर से छठ पे एक चने का स्कोर हो जाएगा सात दशमलव चार ओवरों के बाद भैया ऐसे प्लेयर्स जिन्होंने क्रिकेट करियर एज ए बोलर स्टार्ट किया बट बाद में अच्छे बैट्समैन बने स्टीवन स्मिथ स्टीवन स्मिथ है, हैं सचिन तेंदुलकर सचिन तेंदुलकर पहले बोले, पेस बोले बनना चाहते थे वो तो बाद में भी चाहते थे बनना और उनको आप देखते कि जब पेस बोलर्स प्रैक्टिस कर रहे होते तो वो टिप्स देते थे उनको अच्छा पेस, इंडिया पेस बोलर्स को उस टाइम पे इंडिया की पेस ऐसी हुआ करती थी जो पेस अटैक था हमारा वो ऐसा हुआ करता था कि सचिन को टिप्स देना पड़ता था उनको दाए हाथ से ओवर द विकेट कट करने का प्रयास अपील की जा रही बिहाइंड की लेकिन बोलर ने तो कोई अपील नहीं की श्रेयस गोपाल ने इशान लेकिन ईशान किशन कह रहे, रहे हैं अब है। हर्ड समथिंग कान को ऐसे बता रहे हैं कप्तान को दिखा के कि भाई सुना है मैंने कप्तान ने ले लिया रिव्यू तो भरोसा दिखाया ईशान किशन पे हार्दिक पांड्या ने और उनके कहने पे रिव्यू के लिए चले गए हैं हार्दिक पांड्या तो खतरे की घंटी लटकते हुए रचिन रविंद्र के गले में यहाँ पे कैन यू पिक्चर दिस ऑफ स्टम के बाहर की गेंद थी जिस पे कट करना चाहते थे बैकफुट पे हट के लेकिन बल्ले पे गेंद लगी नहीं और बल्ले के बहुत ही नज़दीक यानी नीचे बल्ले के नीचे से बॉल निकली थी और विकेट कीपर के ग्लव्स में गई थी तो अब यहाँ देखना होगा कि अल्ट्राइज में क्या कुछ स्पाइक आता है कि नहीं अब जितना मतलब कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे थे ईशान किशन जितना कॉन्फिडेंस था उनको कि बॉल लग सकती है लगी है और विकेट गिर भी जाएगा जी हाँ लगी है बॉल चलिए मैं क्यों ताली बजा मैं तो <laughs> तो चेन्नई को एक और विकेट आ जाएगा चेन्नई का रचिन रविंद्र के रूप में साठ पे दो हो जाएगी चेन्नई की टीम तो बड़ा झटका सत्य रचिन रविंद्र अगर टिक गए तो अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं लेकिन वो टिक नहीं पाए और अब एक नए बल्लेबाज को आना पड़ेगा जिसको सेट होने में थोड़ा और टाइम लगेगा और डेरल मिचल की बात करें तो पिछले मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी की थी डिसेंट बल्लेबाजी लेकिन उससे पिछले मुकाबले आप याद करोगे तो डेरल मिचल के बहुत ही खराब गए हैं तो यहाँ पे उनको डेफिनेटली दिक्कत आने वाली है लेकिन पिच अगर बल्लेबाजी के लिए अच्छी होगी तो वो बल्लेबाजी कर सकते हैं फिलहाल तो चेन्नई बुरी स्थिति में है लेकिन डेरेल मिचल को नहीं भेजा गया भेजा गया है शिवम दुबे को तो ये थोड़ा सा है। जी हाँ है, डेरल मिचल को मैंने देखा था वो तैयार होकर बैठे थे नहीं शिवम दुबे भी पैड्स पहन के बैठे थे और नहीं सही तो है शिवम दुबे को अभी भेजा गया है इसी बैटिंग क्रम पे वो बैटिंग करते रहे नंबर चार पे नहीं जी करते हैं वो कहीं भी आ जाते हैं आजकल मतलब और नहीं आई थिंक अब ज़्यादातर टीमें आप देखिएगा ये आई जब स्टार्ट हुआ था ना शुरू के दो तीन मैचेज ही मैंने देखे थे तो मुझे ऐसी फील आने लगी थी कि बेटर ये है कि टीम्स ना फ्लेक्सीबल रहे बैटिंग ऑर्डर को ले क्योंकि जहाँ जा रहा है क्रिकेट जिस तरीके से इवॉल्व हो रहा है आई अगर आप पहले से ये मान के बैठे हो कि ये ओपनर्स हैं ओपनर्स चलो आई गेट इट बट उसके बाद भैया ऑल बेट्स आर ऑफ़ कौन कहाँ जाएगा वो सब सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करना चाहिए आपको मैक्सिमाइज करना है बीस ओवरों को और टीमें अब क्योंकि ऐसे सोचने जी. लगे कि भैया हमको नहीं चाहिए सौ रन तुमसे नहीं चाहिए कोहली डोंट मेक हंड्रेड ओके दस गेंदों में पच्चीस बना दो तो उसकी वजह से अब बैटिंग ऑर्डर का इतना कोई मतलब भी नहीं रह रहेगा जी हाँ सही कह रहे हैं आप यहाँ पे श्रेयांश शर्मा कह रहे हैं कि कॉनवे कब आएगा तो भाई कॉन्वे प्लेइंग एलेवन में नहीं है हालांकि जैसी रचिन रविंद्र की बैटिंग चल रही है तो वो दिन दूर नहीं कि उनकी जगह कौनवे वापस आ जाए हालांकि कॉनवे ने कोई गलती की नहीं थी मतलब पिछले सीजन आप याद कीजिए बहुत अच्छा खेला था लेकिन चेन्नई की टीम ने रचिन रविंद्र पर ज़्यादा भरोसा दिखाया था जब वो इस ऑप्शन में खरीदे गए थे चेन्नई के द्वारा इस गेंद पे सिंगल आ जाएगा सिंगल की मदद से स्कोर बढ़ के होता है एक दो विकेट के नुकसान पे स्टम्प्स की लाइन में गेंद थी उसको पुश किया था ऑन साइड में गेंद गई गे थी डीप मिड विकेट पर जहाँ खिलाड़ी तैनात था और एक सिंगल का मौका था उसको पूरा भी किया बल्लेबाज ने तो आठ ओवर की हो चुकी है समाप्ति रनगति समय चेन्नई की सात दशमलव छः तीन की तो ये कुछ खास रनगति है नहीं ऐसी पिच पे क्योंकि मुंबई जैसी टीम के सामने अगर आपको जीत हासिल करनी है रन डिफेंड करने तो वो रन कुछ दो से ऊपर का ही होना चाहिए तभी जा करके आप डिफेंड कर पाओगे नहीं तो मुंबई की टीम ऐसी आपको याद भी होगा जब हैदराबाद के सामने खेली थी दो चेस करने के लिए तो शायद 240 प्लस उन्होंने मारे थे बिल्कुल 200 से ज्यादा ही मारे थे ढाई सौ बन जाते ऐसा लग रहा था ढाई सौ बनने वाले बट वो हार गए थे अब वही ना इतने रन सामने थे कि क्या ही कमेंट आया है कि इस आई में आपको बेस्ट स्पिनर कौन से लगे हैं Best भाई बहुत spinner? सारे स्पिनर हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सुनील नरेन ने आज बहुत अच्छी गेंदबाजी की जो दिन में पहला मुकाबला था चहल है भाई पिक ऑफ द बोलर्स चहल हैं ना सिर्फ विकटें लेने के मामले में इकॉनमी भी उनकी ठीक ठाक है दाएं हाथ के बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए राउंड द विकेट आते हुए बुमराह ऑफ के सामने की गेंद थी पुश किया था उसको कवर्स की ओर मिस फील्ड लेकिन रन लेने की ख्वाहिश बहुत देर से चगी और उसकी वजह से रन संभव नहीं हो सका इकसठ पे दो है चेन्नई का स्कोर स्पिनर्स अच्छा कर रहे हैं भाई कुलदीप यादव बढ़िया कर रहे हैं जडेजा भी सही कर रहे हैं अक्षर पटेल इन सब की इकॉनमी आप देखेंगे तो आठ की इकॉनमी नहीं है किसी की जी सबकी सबकी सब सात के नीचे की इकॉनमी हाँ। है साथ की है भाई चहल की इकॉनॉमी हालांकि जो है वो है सात दशमलव चार शून्य और ग्यारह विकेटें ली उन्होंने इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले वो गेंदबाज भी हैं बुमराह को अगर कोई विकेट मिल जाता है आज जी तो ही अगर गलती से यहाँ पे जल्दी कुछ और विकटें गिर जाती है तो एंड में हो सकता है की बुमराह को वो बल्लेबाज मिले जो उनको बिल्कुल फेस नहीं करना चाहती मुंबई की खुशी का कोई ठिकाना नहीं जब पिछला विकेट गिरा ओवर की अगली गेंद राउंड द विकेट फुल लेंथ की गेंद थी ड्राइव किया गया सीधे कवर्स पे खिलाड़ी के पास गेंद गई है और मिस फील्ड रनआउट का भी मौका हो सकता था ओवर थ्रो का रन मिल सकता था काफी कुछ चीजें हो सकती थी लेकिन तब भी डॉट बॉल कोई रन नहीं हुआ इकसठ पे दो चेतनाई आठ दशमलव तीन ओवरों के बाद कुंदन भाई इज हेयर गुड इवनिंग हाउ आर यू भाई इट्स सो गुड टू सी यू बहुत मिस कर रहे थे आप लोगों को ये आई नो और आई एम ग्लैड योर हेयर कैसे हैं भाई क्या चल रहा है थोड़ी बहुत बातचीत हुई थी इंस्टाग्राम नामक ऐप पर बट यहां आपका कमेंट देख के दिल बाग बाग हो गया भाई सही में गौतम जी हमारे साथ हैं वो कह रहे हैं आर को सपोर्ट करते हैं वो, ओके इस ओवर की चौथी गेंद आ रही है दाएं हाथ से राउंड द विकेट बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए मिडल और ऑफ स्टम के सामने के गेंद थे फ्लिक किया गया उसको ऑन साइड में गेंद जा रही है डीप स्क्वायर लगी और एक सिंगल और चेन्नई का स्कोर हो जाएगा बासठ दो विकेट के नुकसान पे आठ दशमलव चार ओवरों के बाद सात दशमलव एक पांच की रनगति समय है चेन्नई की और अब आपके लिए एक और खिलौना मैंने दिया है जो ऑर्ड्स वाली चीज है जो प्रिडिक्टर है उसके आगे स्कोर प्रिडिक्टर है। एक है मैच प्रिडिक्टर और एक है स्कोर प्रिडिक्टर यहाँ से भी एक सौ इकहत्तर बना लेगी इस गति से वो प्रेडिक्टर तो कह रहा है भाई उससे बात करो हम्म साझेदारी पांच गेंदों पे दो रनों की कोई बहुत बड़ी साझेदारी तो यह है नहीं ओवर की पांचवी गेंद को लेकर चलेंगे जसप्रीत बुमराह सामने बल्लेबाजी पे होंगे दाएं हाथ से ओवर द विकेट अगली गेंद छोटी गेंद थी काफी शॉर्ट बॉल अंपायर का इशारा आ जाएगा वाइड का एक अतिरिक्त के रन के साथ स्कोर बढ़ के हो जाएगा तिरसठ दो विकेट के नुकसान पे आठ दशमलव चार ओवर की समाप्ति के बाद फिर से लेके जाएंगे जसप्रीत बुमराह इस गेंद को और सामने होंगे फिर से गायक्वाडी तेईस गेंदों पर बत्तीस रन किए हैं गायक्वाड ने और बात करें दुबे की तो उन्होंने किए हैं पाँच गेंदों पर दो रन दाएँ हाथ से ओवर द विकेट अगली गेंद होगी गायक्वाड के लिए और अफ्ट के बाहर की गेंद उसे पंच किया गेंद जाएगी बैकवर्ड पॉइंट के पास रन का कोई मौका नहीं स्कोर अभी भी तिरसठ दो विकेट के नुकसान पे आठ दशमलव पाँच ओवर की समाप्ति के बाद यूनिक कंटेंट कह रहे मुझे लगता है कि एक सौ चौहत्तर बनेगा बन सकता है अभी तो बन सकता है अभी ज़्यादा भी भी नहीं 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 और ओवर भी बहुत बाकी है। है आज कुछ मजा नहीं आ रहा। रहा। का मैच नहीं लग रहा। क्योंकि ये जो मुकाबला इतना मुकाबला इतना बड़ा होता था पहले के टाइम पे। इससे पिछले सीजन में भी काफी अच्छे मुकाबले, होते थे लेकिन इस मुकाबले में भी तक ऐसा लगा नहीं है कि ये वही मुकाबला गेंद गई है बैकवर्ड डीप डीप्स लेग के पास खिलाड़ी से वहाँ फंबल हुआ था और एक सिंगल लेने का मौका था फिर दूसरे के भी पलट गए फंबल की वजह से तो दो रन मिले इस गेंद पर स्कोर बढ़ के हो जाएगा पैंसठ दो विकेट के नुकसान पे नौ ओवर की हो चुकी है समाप्ति रन गति की बात करें तो सात दशमलव दो दो की तो रन गति मैं कहूँगा काफ़ी कम है अभी हालांकि दोनों केपेबल बल्लेबाज हैं और अच्छी बात यह है कि ऋतुराज गायकवाड़ को ना एक स्टार्ट भी मिल गया है तो उसकी वजह से चेन्नई अभी उतना बुरा महसूस नहीं कर रही होगी अभी भी हिम्मत हारने का टाइम नहीं आया अभी भी हौसले बने रहने चाहिए क्योंकि इनफ बैटिंग है इनफ ओ भी हैं लेकिन गीता 200 सौ रन नहीं बनेंगे वो उनका कहना है 200 प्लस होंगे बट नहीं मुझे नहीं लगता मुश्किल है भाँ से दो सौ से ज़्यादा रन बनने वाले हैं उसके लिए दूबे <coughs> को खेलना पड़ेगा कम से कम 17-18 ओवर तक तब बन सकता है और वो भी 250 के स्ट्राइक रेट से तब बनेगा ही हाँ बल्लेबाजी करते अगर टिक जाएंगे तो बनाई देंगे नहीं तो आउट जाएंगे बहुत सारे हैं राज और कुछ आपके ऊपर सवाल खड़े करने वाले कमेंट्स भी हैं तो उनको आज जय शाह आए हैं क्या अर्जुन भाई का लिख रहे हैं और एक बार जब स्क्रिप्ट लिख के वो छूट जाते हैं फारिक हो जाते हैं तो फिर चिल करते इधर ही आके शॉर्ट थे पुल किया गया उसको गेंद जा रही है गैप में बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर चार रनों के लिए उनहत्तर पे दो चेन्नई का स्कोर है नौ दशमलव एक ओवरों के बाद ऑल्सो आई वॉन्ट टू मैसेज साहिल एंड आस्क इफ इज अवेलेबल हाँ आठ तो बची गए ज़्यादा ही हो गए तो अब साहिल फ्री हो चुके होंगे अब उनको फोन किया जाए मैसेज जी वही मैसेज तो ओवर की पहली गेंद पर लगा दिया चौका शिवम दुबे ने शॉर्ट बॉल थी जिसको पुल किया था और गेंद सीधे गई थी डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे स्कोर बढ़ के हो जाएगा उनहत्तर दो विकेट के नुकसान पे ओवर की अब अगली गेंद को लेकर चलेंगे हार्दिक पांड्या सामने बल्लेबाजी पे होंगे दुबे बाएं हाथ के बल्लेबाज उनके लिए करेंगे गेंदबाजी दाएं हाथ से राउंड द विकेट माफ कीजिएगा ओवर द विकेट आने का फैसला किया गेंद को खेल दिया है बैकवर्ड पॉइंट के पास रन का कोई मौका नहीं स्कोर अभी भी उनहत्तर दो विकेट के नुकसान पे नौ दशमलव दो ओवर की समाप्ति के बाद हार्दिक पांड्या की ये पहला ओवर है पहली बॉल पे चौका दिया दूसरी बॉल डॉट अब तीसरी गेंद को लेकर तैयार होंगे स्ट्राइक पे होंगे शिवम दुबे जो सात गेंदों पे छः रन बना करके बल्लेबाजी कर रहे हैं और यहाँ से गेयर चेंज करना पड़ेगा शिवम दुबे को भी गायकॉट तो तेज खेल ही रहे हैं हालाँकि विकेट आने के बाद वो भी थोड़ा सा सुस्त हुए ज़्यादा नहीं क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि विकेट आने के बाद थोड़ी रन गति स्लो होती है लेकिन यहाँ से दोबारा से रन गति को बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि आपको एक अच्छा टोटल तो सामने देना ही पड़ेगा मुंबई जैसी टीम के खिलाफ और यहाँ पे गैप में धकेला गेंद को पीछे खिलाड़ी दौड़ रहा है लेकिन वो गेंद को नहीं रोक पाएगा एक कोशिश में उन्होंने गेंद को पीछे की तरफ फेंका डाइव लगा करके लेकिन गेंद वापस से आ गई बाउंड्री रोप के पास हो, हो, हो। अरे जय शाह आ गए गे। हाँ आज पता चला कि आदमी स्क्रिप्ट लिखते हुए भी हमें सुनता रहता है क्या बात है मेरी जान जय शाह <laughs> लक्की क्या कह रहे हैं भीमराव अंबेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं आपको आप भी बहुत, भी। बहुत बहुत आपको भी बहुत बहुत 187 बनेंगे गौतम का कहना है आ, इस ओवर की अगली गेंद आने वाले दाएं हाथ से ओवर द विकेट बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए लेग स्म के बाहर की गेंद पुल कर दिया गया बहुत ही पोअर डिलीवरी थी हार्दिक पांड्या चलो आज हार्दिक पांड्या बॉलिंग करने के लिए आ गए तो मे बी ही इज नॉट इंजर्ड मेबी हार्दिक पांड्या इज नॉट इंजर्ड तो आज हमें उनकी गेंदबाजी देख के पता चल जाएगा स्पीड पे खास निगाह हम रखेंगे ठीक है नहीं जैसे गेंदबाजी अभी तक की है तो मुझे लगता नहीं कि काफी अच्छी गेंदबाजी ये गेंद देखिए अच्छी गेंदबाजी की बात नहीं है तुम फिट हो या नहीं वो बाहर की गिनती मतलब मान लीजिए पांचवे छठे स्टंप्स पे कर दी थी गेंद उन्होंने और वो गेंद छोड़ देते शिवम दुबे तो बहुत बड़ा वाइड होता हालाँकि मिलते एक ही रन लेकिन शिवम दुबे ने चौका लगा दिया फुल लेंथ की गेंद थी टप्पा खा के अंदर की ओर आई उसको फ्लिक किया गेंद गई है वाइडिश लॉन्ग ऑन पे और खिलाड़ी पीछे तैनात एक सिंगल मिल जाएगा सिंगल की मदद से स्कोर बढ़ के होता हुआ अठहत्तर दो विकेट के नुकसान पे नौ दशमलव पाँच ओवर की समाप्ति के बाद स्ट्राइक पे आ जाएंगे अब गायकवाड़ ऋतुराज गायकवाड़ हाँ जी तो हार्दिक पांड्या के इस ओवर की पहली गेंद की बात करें एक किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दूसरी भी एक तीसरी एक चौथी एक लोअर वन और पाँचवीं एक लास्ट बॉल वो लेकर तैयार हैं इस ओवर की तो अभी तक डिसेंट एक किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी उन्होंने गेंद डाली क्या वो एक ही ओवर डालेंगे या ज़्यादा डालेंगे ये भी देखना पड़ेगा

तो नए ओवर की पहली पे पे गेंद पर स्ट्राइक पे होंगे शिवम दुबे जो दस गेंदों पर पंद्रह रन बना करके बल्लेबाजी करे एक सौ तैंतीस थी पिछले गेंद हार्दिक पांड्या की और बात करें गायकवाड की तो उन्होंने छब्बीस गेंदों पर किए हैं छत्तीस रन तीन चौके दो छक्के लगा चुके हैं अब तक वो अपनी पारी में और आज अच्छी बल्लेबाजी करते हुए गायक्वाड लेकिन थोड़ा और तेज बल्लेबाजी करनी पड़ेगी आपको दो नहीं बल्लेबाजों को कमेंट आया राज जी पहली बात शुभम दुबे को अभी नहीं भेजना चाहिए था ये गीता का कहना है फन का कहना है पांड्या इज़ नॉट हंड्रेड परसेंट फिट एज पर सम सोर्सेज बट ही विल गेन फिटनेस इन कमिंग मैचेस ओके सोर्सेज हैं हमारे पास हाँ ये सबसे इम्पोर्टेंट कमेंट है अनस्किल क्रिकेट शॉट्स का क्या मैं आपका नाम सिर्फ अनस्किल्ड रख दूँ क्रिकेट शॉर्ट्स से तीन बोलने में एक साथ बहुत मेहनत लगती है या अब अपना असली नाम बता दीजिए इस ओवर की पहले गेंद यहां से राउंड द विकेट खेला है खेला लेकिन मिड ऑफ की दाईं ओर से गेंद निकल गई स्लैप था हॉरिजॉन्टल बैट से शॉर्ट ऑफ अ लेंथ बॉल पे लेकिन कैच आउट हो जाते हार्दिक पांड्या थोड़े छोटे पड़ गए इस बार दाईं ओर डाइव लगाई गेंद तक वो नहीं पहुंच पाया चौका मिल गया 84 पे दो छक्के का स्कोर 10.1 ओवरों के बाद तो अनस्किल क्रिकेट शॉट्स ने कहा राजनी सी आई मैच में कैसे ले ली? मुझे लगता है, आपने प्लेयर से बात कर रखी है।, नहीं भाई है वो हार जाती है ये होता है इस ओवर की दूसरी के, आप यही कहना चाहते हैं और जिस टीम को मैं सपोर्ट करता हूँ वो जीत जाती है तो आज ये बहुत टक्कर का मुकाबला आज हम दोनों में से एक विजय होगा और एक हारेगा फाइनली तो इसीलिए समझा कीजिए अगर मैं चेन्नई को नहीं सपोर्ट करता तो मैं किसी का तो भला ही चाहता हूं uh... <laughs> इस ओवर की अगली गेंद शॉर्ट बॉल थी खेलने का प्रयास लेकिन स्लोअर थी शॉर्ट पहले खेल बैठे शिवम दुबे गेंद बल्ले पे नहीं आई थोड़ा टेनिस बाउंस टाइप बाउंस था टेनिस दस दशमलव दो ओवरों के बाद या साइमन डूल observed डैट हार्दिक is कैरिंग सम sort ऑफ इंजरी यस वी मेड अ shot ऑन इट वी डिट डिस्कस दिस येस्ट डे डरिंग आर स्ट्रीम एंड मेड अ शॉट आउट ऑफ दैट इज वेल इस ओवर की तीसरी गेंद आएँ हाथ से राउंड द विकेट शॉट बॉल खेला है उसको डाउन द ग्राउंड लॉन्ग ऑन की और एक रन मिलेगा और इस सिंगल के साथ स्कोर हो जाएगा चेन्नई का पचासी दो विकेट के नुकसान पे साहिल भाई को लाओ प्रडिक्शन किंग है वो यार उनका अभी आई थिंक बिजी है वो मैसेज नहीं आया है वो जैसे ही फ्री होते हैं तुरंत मैसेज करते हैं तो अभी आई थिंक वो रिहर्स करा रिहर्सल कराते हैं वो बच्चों को ड्रामा की ट्रेनिंग देते हैं तो उसकी वजह से वो वीकेंड पे थोड़े व्यस्त रहते हैं अमन सिंह जी इज हियर गुड इवनिंग वट्सअप माय फ्रेंड भाई राज सीएसके का सपोर्टर है समझा कीजिए वो <laughs> दिल से है भाई सही बात है <laughs> I, मैं आपकी तरफ ही हूँ

चेन्नई के खिलाड़ी इतना धीमा क्यों खेल रहे हैं उनके पास तो नंबर नौ तक बल्लेबाजी है अंशुमन भाई ने कहा है पिच गेंदबाजी सामने वाली सब कुछ आपको फैक्टर इन करना पड़ता है इस बार एक सिंगल फिर से और दस दशमलव चार ओवरों का खेल हो चुका है छियासी पे दो है चेन्नई आठ से ज़्यादा की रन गति है तो ये बढ़िया है इतना बुरा नहीं है अभी हाल चेन्नई की टीम का यहाँ से भाई दो रन मे बी अभी भी बन सकते हैं विकेट कम गवा लेकिन रन गति थोड़ी कम है

मुझे ऐसा लगता है कि गेयर शिफ्ट करने का टाइम आ गया इस बॉल पर चौका लास्ट बॉल पर चौका पड़ गया और अच्छे खासे ओवर की ईशांत शर्मा की भाषा में आप खुद याद कीजिए क्या बोलते थे जी। uh, ऐसी तैसी हो गई है चौका पड़ने से पार रन आए इस ओवर में बयानवे पे दो हो गया चेन्नई का स्कोर बैकवर्ड पॉइंट की ओर शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद खराब गेंद शॉट एंड वाइड उसको कट किया था इनफील्ड के ऊपर से खेला शेपर्ड रोमारियो शेपर्ड के पास स्पीड नहीं है तो वो इस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स करेंगे तो उनके साथ यही हाल उनका किया जाएगा के तो जी हाँ। और बॉल में कुछ था तो हाँ। का क्या है? तो में आते हैं क्योंकि दिन में और भी बहुत सारे काम होते हैं और अभी टीम छोटी है मैं और राजी है तो हमारे पास जो और काम धंधे हैं उनका भी ख्याल रखना पड़ता है तो इसलिए लास्ट जो सेकंड मैच होता है दिन का उसमें आते हैं या बीच बीच में आपकी वॉइस जा रही है वही में बाकी सबसे भी पूछ लो अनिंदा गोस्वामी जी इज हेयर राज प्लीज गो एंड चेक इफ द ऑडियो इज फाइन टेक अ कपल ऑफ मिनट्स इफ यू वांट टू बट आई थिंक सबका सही है Unspeel बाकी के लोग के भी बताइए हाँ नहीं सबका सही है सही है चलो भाई 11 ओवरों का खेल हो चुका है समाप्त बयानवे पे दो है चेन्नई का स्कोर आठ <coughs> की रन गति है इस समय मुंबई ने टॉस जीता पहले उन्होंने गेंदबाजी करने का फैसला किया और अभी तक नॉट बैड बयानवे पे दो ग्यारह ओवरों में मुझे लगता है ये बढ़िया प्लेटफॉर्म सेट हो गया है चेन्नई के लिए आ, इस ओवर की पहली गेंद के साथ तैयार हैं दाएं हाथ से ओवर द विकेट पुल करने का प्रयास गेंद को खेला गया है डीप में मिड विकेट की तरफ वहां पे खिलाड़ी ने डाइव लगाई रोका गेंद को गेंद को जब तक उठाएंगे थ्रो करेंगे भाग कर दो रन पूरे कर लिए जाएंगे और इन दो रनों के साथ आवाज़ हो जाए स्कोर हो जाएगा चेन्नई का चौरानवे दो विकेट के नुकसान पे ग्यारह दशमलव एक ओवरों के बाद ऑडियो कटिंग इशू और लोग भी अब रिपोर्ट कर रहे हैं कि ऑडियो का इशू हो रहा है मे बी जो हमारा मिक्सर हमने सही कराया वो रिप्लेस करने का टाइम आ गया है सही हुआ नहीं मुझे लग रहा है नेक्स्ट टाइम अगर प्रॉब्लम आएगी तो हम मिक्सर चेंज कर मिड इनिंग्स में, में मिक्सर चेंज कर देंगे ये इनिंग्स में काम चला लीजिए मिड इनिंग्स में मिक्सचर चेंज कर देंगे और नया ऑर्डर भी कर लिया जाएगा लेट मी डू सम रिसर्च कि अब नेक्स्ट क्या मिक्सचर बढ़िया रहेगा स्ट्रीमिंग के लिए दूसरी गेंद ओवर के, के लेकर तैयार हैं मढ़वाल दाएं हाथ के बल्लेबाज रुतुराज गायकवाड़ के लिए उनतालीस रन बनाकर वो बल्लेबाजी कर रहे हैं डॉट बॉल और कोई रन नहीं आया चौरानवे पे दो अभी भी चेन्नई का स्कोर है ऑफ स्टेम के सामने फुल लेंथ की गेंद थी सीधे खेल बैठे उसको कवर के पास और स्कोर अभी भी चेन्नई का चौरानवे दो विकेट के नुकसान पे लेकिन चेन्नई 200 रन नहीं बना सकती आप धूत जी का कहना है हमारा इधर ट्रांसफार्मर उड़ गया है दो दिन बिजली नहीं आएगी टी एच जी किलर कह रहे हैं तो फिर आपका फ़ोन कैसे चल रहा है चार्ज कैसे करते हैं फोन को इस ओवर की तीसरी गेंद के साथ तैयार हैं सामने होंगे ऋतुराज गायकवाड़ दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए दाएं हाथ से ओवर द विकेट ऑफ सम के बाहर एक और यारकर लेंथ की गेंद और खेलने का प्रयास जरूर था लेकिन गेंद बल्ले पे आई नहीं और चली गई है विकेट कीपर के पास स्कोर अभी भी चले का है चौरानवे दो विकेट के नुकसान पे ग्यारह दशमलव दो ओवरों के बाद डिसेंट ओवर है ये अभी तक तीन गेंदों पे सिर्फ दो रन आए हैं जी तो बची हुई है तीन गेंदे और सामने स्ट्राइक पे होंगे ऋतुराज गायकवाड़ जो तीस गेंदों पर उनतालीस रन बना करके बल्लेबाजी कर रहे हैं और धीरे धीरे देखिए देखिए आप नोटिस कीजिए कि गायकवाड का भी स्ट्राइक कम होता जा रहा है जबकि अब तेज होना चाहिए तो ये इस बारे में सोचना पड़ेगा गायकवाड को और सोचा लेकिन कैच आउट हो सकते थे और हुआ क्या यहाँ पे कैच भी छोड़ा रोहित शर्मा ने और उनका पैंट भी खुल गया

थोड़ा एम्बेसिंग है मैं जब फ्री होता हूँ और बोर होता हूँ आपके पुराने मैचेस की कमेंट्री सुनता हूँ देवपुरी जी कह रहे हैं जी शुक्रिया बहुत बहुत वही मैं देखूँ कौन आदमी जो पुराने मैचों की वीडियोस देख रहा है, है? थैंक यू अरिंदा गोस्वामी जी कह रहे हैं शॉर्ट्स बढ़िया बन रहे हैं भैया थैंक यू भाई थैंक यू।, यू।, यू सो मच आपके कॉमेंट्स देखे थे मैंने बहुत खुशी हुई बहुत अच्छा लगा आपके इनक्रेजमेंट की वजह से इन्वर्टर दो दिन चल जाएगा टी एच जी गलर ऑल राइट <laughs> क्या हुआ नहीं नहीं कुछ नहीं छियानवे पे दो चने का स्कोर ग्यारह दशमलव पाँच ओवरों के बाद साझेदारी चौबीस गेंदों पे छत्तीस रनों की हो गई है राज पिछले ओवर में इंटेंट देखने को मिला था उस ओवर में पहली गेंद पे चौका दूसरी गेंद पे चौका लेकिन इस ओवर में हालांकि प्रयास पूरा है और मुझे पता है क्या लग रहा है मुझे लग रहा है कि अतिरिक्त प्रयास कर रहे हैं बल्लेबाज उसकी वजह से इस ओवर में ढंग से बैट पर बॉल नहीं आ रही है

शिवम दुबे 16 गेंदों पर 27 और गायकवाड 32 गेंदों पर 46 रन चार रन चाहिए उन्हें अपना अर्धशतक पूरा करने के लिए दोस्तों आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपको हमारी कवरेज पसंद आती है तो बिल्कुल और जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद देवपुर जी हमारे साथ जुड़ गए आपका भी स्वागत है और यहाँ से आप प्रडिक्शन करना चाहेंगे कि सी की टीम कितने और रन बना पाएगी मेरे हिसाब से एक सौ नब्बे दो सौ दो सौ मैं चाहता हूँ दो सौ बने क्योंकि मैं चेन्नई को सपोर्ट कर रहा हूँ और जिसको भी मैं सपोर्ट करता हूँ दिल से करता हूँ आप किसी से भी पूछ लीजिए सब बताएंगे आपको ये लास्ट ईयर आईपीएल फाइनल अभी तक दस बार देख चुका हूँ <laughs> पूरी जी को चैन नहीं है वो पुरानी वीडियो देख के मन नहीं भर रहा उनका सी के फैन होंगे ना ओवर की पहली गेंद और कोई रन नहीं इस बॉल पे कोचे को वापस लाया गया दाएं हाथ से राउंड द विकेट फुला लिंक की गेंद थी और उस के सामने ड्राइव किया गया था उसको एक्स्ट्रा कवर की ओर और, और कोई रन नहीं आया स्कोर अभी भी एक पे दो है चेन्नई का बारह ओवरों के बाद लोगों ने प्रिडिक्ट करना स्टार्ट कर दिया कि कितने रनों की वो उम्मीद कर रहे हैं अर्जुन भाई भी 200 मेरी तरह चाहते हैं अवधूत जी ने कहा एक mm -hmm. से 90 तक फन ने कहा वन नाइनटी फोर फो सिक्स साइल कोई आदमी टक्कर दे के मानेगा पूरा विकेट भी बता दिया भाई ने आईपीएल में सबसे ज्यादा सिक्स और सबसे ज्यादा विकेट किसके नाम पर है सिक्स है क्रिस गेल के, गेल के गेल नाम पे के नाम और विकेट हैं चहल, चहल के नाम पे और चौके हैं धवन के नाम पे धवन के नाम पे जी और छक्के किसके नाम पे गेल अभी तो बताया मैं आपसे पूछ रहा था चेक कर रहा था मैं सुन रहे हैं नहीं और रन तो विराट कोहली जी हां हां

और जब एक खिलाड़ी मतलब ग्राउंड के थर्टी आर सर्कल के बाहर कम हो तो फिर दिक्कत होती है ओवर की अब अगली गेंद दाएं हाथ से ओवर द विकेट दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए इस बार गेंद को लॉफ किया गेंद सीधे मिड ऑफ के ऊपर से छक्के के लिए स्कोर बढ़ के छक्का मजे ही मजे लक्की भाई कह रहे हैं मिसिंग लेग जी हाँ मिसिंग लेग भी हो सकता था जिसपे अपील की गई थी आज इस मैच में कितने चौके लगे हैं नेक्स्ट ओवर में विकेट आएगा अर्जुन भाई ने कहा है अर्शद भाई अभी तक इस पारी में कुल मिलाकर पाँच तीन आठ दो दस ग्यारह चौके लगे भाई और चार छक्के ये लो मैं आपको दिखाता हूँ स्कोर कार्ड चेक दिस आउट अजिंक राणा ऐरान है आठ गेंदों पे पाँच रन रचिन रविंद्रथ सोलह गेंदों पे इक्कीस गायकवाड अभी भी नॉट आउट है तैंतीस गेंदों पे बावन अर्धशतक पूरा कर लिया गायकवाड़ ने अपना शिवम दुबे नौ गेंदों पे उन्नीस गेंदों पे सत्ताईस रन तो ये है लेखा जोखा अभी तक इस इनिंग का जिसमें बल्लेबाजों ने बल्लेबाजों ने रन बनाए हैं तो सब लोग याद दिला रहे हैं ऑडियो प्रॉब्लम हो रही है तो चिंता मत कीजिए सेकेंड इनिंग में इसको दुरुस्त कर दिया जाएगा ढाई हाथ से राउंड द विकेट छोटी गेंद थी उसको पुल करना चाहते थे लेकिन बल्ले पे गेंद आई नहीं रन का कोई मौका नहीं स्कोर अभी भी 110 सौ दो विकेट के नुकसान पर 13 ओवर की समाप्ति के बाद अब यहाँ से सात ओवर का खेल बचता है और चेन्नई की टीम यहाँ से कितने रन बनाना चाहेगी कम से कम मतलब 200 से ऊपर तो जाना चाहेगी चाहे कोई भी टीम हो और यहाँ से आप ज़्यादा की उम्मीद नहीं कर सकते क्योंकि अगर आप सोचोगे कि 220-30 तो हो सकता है कि 200 भी ना बने तो इसलिए जो आइडियल होना चाहिए वो होना चाहिए 200 इससे ज़्यादा चाहोगे तो भाई आपके लिए ही दिक्कत हो जाएगा वो ओवर की अब अगली गेंद को लेकर तैयार होंगे गेंदबाज और वो होंगे रोमारियो शेफर्ट जो एक ओवर की गेंदबाजी कर चुके हैं और बारह रन दिए थे कोई विकेट उनको नहीं मिला था पहली गेंद को लेकर तैयार सामने होंगे दाएं हाथ के बल्लेबाज गायकवाड अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं इस समय कप्तानी पारी आप इन्हें कह सकते हैं इनकी इस पारी को पहली गेंद पर सिंगल दाएं हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी थी उसको खेल दिया था लॉन्ग ऑफ की तरफ खिलाड़ी के हाथ में तो एक सिंगल का मौका था उसको पूरा भी कर लिया गायक्वाड ने स्कोर बढ़ के हो जाएगा एक सौ ग्यारह पे दो तेरह दशमलव I अभी बंद अब आ गया <laughs> अब आ गया चेंज कर देंगे मिक्सर मिड के दौरान और फिक्स कर देंगे 111 पे दो है चेन्नई का स्कोर सॉरी मिक्सर के इशू की वजह से थोड़ा सा मूड सबका खराब हो जाता है हमारा भी आपका भी बट इस इनिंग्स के बाद

यू नो इट्स रितु वेन इट्स अबाउट एक्सलरेशन दो सौ दस रन बनेंगे लकी का कैधनी बैटिंग well. दैट्स वे वॉन्ट इज वेल धोनी बैटिंग मज़ा आएगा धोनी आएंगे तो बट सर अभी और फिर से दे के जाएगी छह रन अभी अभी एक छक्का लगा दोस्तों शिवम दुबे ने लॉन्ग के ऊपर टांग दिया गेंद को रोमारियो शेफर्ड की गेंद थी और स्कोर बढ़ के हो जाएगा एक सौ दो विकेट के नुकसान पे तेरह ओवर की समाप्ति के बाद hmm. <laughs> <laughs>

स्कोर बढ़ के हो जाएगा एक सौ सत्ताईस दो विकेट के नुकसान पे तेरह दशमलव चार ओवर की समाप्ति के बाद और गायकवाड का भी अर्धशतक तो हो गया लेकिन साथ में शिवम दुबे के पास भी मौका है अर्धशतक ओवर की अब पांचवी गेंद को लेकर तैयार होते हैं रोमारियो शेफर्ड सामने बल्लेबाज होंगे शिवम दुबे और दोस्तों इस पार्टनरशिप की बात करें तो पैंतीस गेंदों पे हो चुकी है सड़सठ सड़सठ रनों की पार्टनरशिप रुक गया क्योंकि बल्लेबाज तैयार नहीं था तो वापस से रनअप लेके आएंगे रोमारियो शेफर्ड सामने बल्लेबाज शिवम दुबे और एक सिंगल मिल जाएगा यहाँ पे सिंगल की मदद से स्कोर बढ़ के होता हुआ एक सौ दो विकेट के नुकसान पे तेरह दशमलव पांच ओवर की समाप्ति के बाद का रन हो सकता था ये से अभी भी बल्लेबाजी बची हुई है चेन्नई के पास और बहुत बल्लेबाज हैं डायरल मिचेल है, है रविंद्र जडेजा है समीर रिजवी है एमएस धोनी है शरदुल ठाकुर है तो जिन भी भाइयों का मन था कि आज जो धोने की बल्लेबाजी देखे तो दोस्तों थोड़ा मुश्किल है धोने की बल्लेबाजी देखना आ सकती है अगर अंत में कोई विकेट गिरे लास्ट या सेकेंड लास्ट ओवर में तो वहाँ पे हो सकता है कि धोनी खुद को प्रमोट कर ले, लेकिन अगर ज़्यादा विकेट बची होंगी तो धोनी नहीं आएंगे यहाँ पे एक और चौका लगा दिया है शिवम दुबे नहीं गायकवाड इस बार थे और गेंद गई थी सीधे बैकवर्ड पॉइंट पे चौके के लिए स्कोर बढ़ के हो जाएगा एक दो विकेट के नुकसान पर 14 ओवर की समाप्ति के बाद अब रनगति थोड़ी सी सुधरती हुई जा रही जब से दोनों ही छोर से बल्लेबाजों ने रन लगाने शुरू किए शिवम दुबे भी और साथ में गायकवाड भी दोनों ही छोर से चेन्नई के दोनों ही बल्लेबाज अब तेजी से बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं नए ओवर की पहली ले गेंद लेके तैयार होंगे गेंदबाज क्या गेंदबाज में कुछ फेर बदल होगा या तो आकाश मधवाल आ गए दो ओवर बीस रन कोई विकेट नहीं मिला अब तक उनको और सामने होंगे स्ट्राइक पे बाएं हाथ के बल्लेबाज़ शिवम दुबे जो चौबीस गेंदों पे तैंतालीस रन बना चुके हैं छः चौके और दो छक्के अभी तक उस, उन्होंने अपनी पारी में लगाए हैं यानी कमाल की बल्लेबाजी करते हुए शुरुआत में थोड़ा समय लिया था अपने लिए लेकिन उसके बाद जो पिटाई की मुंबई की वो काफी हेलो 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 के लिए बहुत ज्यादा रन बना दिए भाई राज जी अपना केबल भी आप चेंज कर लीजिए क्योंकि मैंने अपना कर लिया है मेरा ऑलरेडी दूसरा मिक्सर एक्टिवेट हो गया है जी आप बस ये केबल निकालिए और दूसरा केबल लगाइए ओके ठीक है बीच में आपको केबल जब चेंज होगा तो हल्की सी डिस्टर्बेंस जैसी आवाज़ आएगी तो अगर आप हेडफोन लगा के बैठे हैं तो दो सेकंड के लिए हेडफोन हटा लीजिए वॉल्यूम थोड़ा कम कर लीजिए क्योंकि बहुत अजीब सी आवाज़ आएगी आपको ये केबल निकालिए और ये केबल लगाइए बस कुछ भी नहीं करता आपको ये यहाँ लगाना है इसको निकाल कर वॉल्यूम कम कर वन वन यहाँ यहाँ या, या हाँ दोनों कम कर ले इसको भी और उसको भी और लगाने के बाद बढ़ा लेना ठीक है थैंक यू एक्चुअली नहीं आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगा चिंता, नहीं। चिंता नहीं। मत कीजिए और ऑडियो फेक्स हो गया भाई आपको थोड़ा डिफरेंट में भी सुनाई पड़ रहा होगा बट अब सही सुनाई पड़ेगा रुकेगा नहीं ये गारंटी है ठीक है एम आई की बैटिंग देखने में मज़ा आएगा अथर्व का कहना है भाई एम आई की बैटिंग देखने में बिल्कुल मजा आता है मुझे भी आता है बहुत मजा मे भी थोड़ा गेंद चाहिए हमें लिटिल बिट ऑफ गेंद गायकवाड का अर्धशतक हो चुका है पूरा और वो इस समय बैटिंग कर रहे हैं अट्ठावन रन बनाकर छत्तीस गेंदों का उन्होंने सामना किया है जबकि आप बात करें यूल फाइन बोलिए कुछ तो स्कोर है दो विकेट आपने के फुल 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 कर लीजिए कीजिए <laughs> इस ओवर की अगली गेंद दाएं हाथ से ओवर द दा विकेट दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए की में और के सामने की थी। की और हटते हुए गेंद को पुश किया गया था एक्स्ट्रा कवर की ओर और एक रन फिर से दो गेंदे दो रन और स्कोर हो गया चेन्नई का एक दो विकेट के नुकसान पे साझेदारी हो चुकी है उनतालीस गेंदों पे चौहत्तर रनों की बोलिए तो आकाश मधवाल आए गेंदबाजी करने के लिए रहना लेकिन जी एकदम आइसक्रीम उन्होंने दो ओवर की गेंदबाजी की थी और इस ओवर में दो गेंदे वो डाल चुके हैं बाईस रन दिए कोई विकेट उनको नहीं मिला है अब तक सामने स्ट्राइक पे होंगे बाएं हाथ के बल्लेबाज शिवम दुबे और एक और चौका लगा दिया शिवम दुबे ने कमाल का ये शॉट दाएं हाथ से राउंड द विकेट गेंदबाजी थी और सीधे कवर्स पे निकाला गेंद को गैप में काफी कमाल का शॉट था यार ये स्कोर बढ़ के हो जाएगा एक दो विकेट के नुकसान पे ऑफ ऑफ्ट के बाहर की गेंद थी फुल लेंथ की जिस पे बल्ला चलाया था दुबे दुबे ने और और गेंद सीधे गई गैप में और को चाहिए यहाँ से दो रन अपना अर्धशतक पूरा करने के लिए ये साझेदारी बहुत जबरदस्त हो गई है जी अठहत्तर रनों की अगर मैं गलत नहीं तो जी हाँ हाँ अठहत्तर रनों की हो गई चालीस गेंदों पर आप लोगों को पार्टनरशिप भी दिखाई देता है और कहा दिखाई देता है अगर आप लोग सोच रहे हैं

उसका कुछ खास फायदा नहीं उठा पाए शिवम दुबे बल्ले पे ढंग से गेंद आई नहीं थी आ गई थी लेकिन गेंद में उतनी स्पीड नहीं थी कि शिवम दुबे को शिवम दुबे उसको ऊपर से निकाल पाए लॉन्ग के यहाँ पे गीता <coughs> कह रहे हैं कि शिवम दुबे को बॉलिंग क्यों नहीं करवाते <laughs> क्योंकि उससे अच्छे गेंदबाज है हमको हाँ, एकदम तो जब आपके पास अच्छे गेंदबाज है तो आप दुबे के साथ क्यों जाना चाहेंगे और दुबे से जब गेंदबाजी भारत ने करवाई थी तो कुछ खास काम के साबित हुए नहीं थे नेक्स्ट टाइम की ओर हटे गेंद को स्लैप कर दिया वॉट अ शॉट रूम बनाया लो फुल टॉस गेंद थी और इन फ्रंट ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड में गेंद को निकाल दिया सीमा रेखा के बाहर शिवम दुबे ने छ रन 38 पे पैंसठ दुबे का स्कोर और कौन कह रहा था 200 नहीं बनने वाले वेल ऑन देयर वे चेन्नई जहाँ तक दो सौ रनों की बात है बुमराह का एक ओवर बचता है भाई लास्ट ओवर रहता है जसप्रीत बुमराह का भी चलो मैं आपको बॉलिंग के भी आंकड़े दिखाता हूँ तमाम गेंदबाजों के आज अच्छे खासे गेंदबाजों का इस्तेमाल किया है मुंबई ने तो आप देख सकते देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर तीन ओवर किए हैं मोहम्मद नबी ने कॉडजी तीन ओवर इसी बीच अगली गेंद फुल टॉस गेंद थी उसको खेल दिया है और मिल जाएंगे गायकवाड को चार रन स्कोर बढ़ हो जाएगा एक दो विकेट के नुकसान पे तो गेंद थी लेक्स्टम पे उसको लेक्स्टम की ओर शफल करते हुए गायकवाड ने निकाल दिया था गैप में तो जसप्रीत बुमराह के भी जसप्रीत बुमराह के दो ओवर बचे हुए हैं अच्छा दो हैं सॉरी ओके आकाश मधवाल ये उनका तीसरा ओवर है इसके बाद एक ओवर उनका भी बचता है अंशुमन भाई आपका रिक्वेस्ट देख लिया गया है और आई खत्म होने के बाद उस पर जरूर विचार किया जाएगा थैंक यू मेरा भी मना करने का आई लव इट रुतु ऑन फायर अनस्किल्ड का कहना है चेंज <laughs> कर दिया नाम मैंने किसका अनस्किल्ड क्रिकेट शॉट्स का क्या लिया आपने अनस्किल्ड <laughs> <Unskilled. laughs> <Unskilled. laughs> दुबे द मैन टू वॉच आउट फॉर दीज दिस मैच फन ऑलरेडी डन द डैमेज अभिलाषा इज गुड इवनिंग फोर्टी नाइन पे शुभम दुबे एक शुभम भी आ गए वैसे अब आई पी एल में शुभम दुबे भी खेलते हैं भाई पिछले दो ओवर देखिए यार सत्रह और बाईस रनों के ओवर हैं यार मैंने मिस कर दिया क्योंकि मैं मिक्सर चेंज करने में लग गया था मेरा दिमाग कहीं और चला गया पारी के सोलवे ओवर की पहले गेंद पर एक सिंगल आएगा भरपूर शॉट खेला जरूर लेकिन गेंद गई है आ, किनारे को लेकर डीप कवर पॉइंट की ओर एक रन के लिए और सिंगल के साथ स्कोर हो जाएगा 150 दो विकेट के नुकसान पे चेन्नई का अर्धशतक पूरा हो गया है दुबे का शिवम दुबे का 28 पे 50 एक का स्ट्राइक रेट दोनों बल्लेबाजों का स्ट्राइक रेट 170 से ज्यादा का है कमाल की बैटिंग ये

लॉन्ग डन से भागते हुए दौड़ लगाई थी और गेंद को पकड़ लिया था लॉन्ग ऑन पे तो गायकवाड़ जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे अब वो हो जाएंगे आउट सी एस के का ये तीसरा विकेट गिरता हुआ 150 पे यहाँ से बल्लेबाजी करने के कर लिए आएंगे डेरल मिच्चल है इनके पास समीर रिजवी भी है तो क्या आज रिजवी को प्रमोट कर दिया जाए क्योंकि ज़्यादा तेज बल्लेबाजी कर लेते हुए एक मैच में हमने देखा था और हमने देखा उनमें एक पावर है मतलब शॉट लगाने का तो एक बार उनको प्रमोट कर देना चाहिए कि जाओ तो करो राज अगर रिजवी नहीं आते हैं तो डैरल मिचल तो डैरल मिचल आप लोग किसको भेजना चाहेंगे डैरल मिचल को या समीर रिजवी को या महेंद्र सिंह धोनी को धोनी अभी तो नहीं आएंगे। धोनी तो नंबर चार पे भी आ चुके हैं सीजन राइट एक बार नंबर चार या पांच मैच ही होने वाला था। दो तो रन बचे थे तो यंगस्टर पे प्रेशर गेंदों पे दो रन चाहिए अथर्व का कहना है कि दोनों को वर्ल्ड कप ले जाना चाहिए हो जाए चलो मैं आप लोगों को विकल्प देता हूँ शिवम दुबे हार्दिक पांड्या रिंकू सिंह प्लेइंग इलेवन में एक ही आदमी खेल सकता है हार्दिक पांड्या और अगर हार्दिक एंजॉर्ट हो जाता है तो शिवम दुबे या रिंकू सिंह रिंकू सिंह आई थिंक आई विल ऑल्सो गो विद द सेम ऑर्डर एक uh, बटर पनीर और बटर नान अमन सिंह जी ने आई थिंक आधा ही कुछ uh, लिखा है या एम आई लिख रहे हैं वो एम आई को मी लिख दिया उन्होंने तो भाई साझेदारी सौ रनों की राज नहीं हो पाई <laughs> बट क्या फर्क पड़ता है यार <laughs> डेर में चला गया है भाई बैटिंग करने के लिए और जो हमारा स्कोर प्रोडिक्टर है जी। एक तो ऑड प्रोडिक्टर है जो भी आप उसको बोला बट exactly. जो स्कोर प्रिडिक्टर है वो बता रहा है कि चेन्नई का स्कोर होगा भाई साहब 204 तो वो भी अब कह रहा है कि 200 से ज्यादा रन बनेंगे <laughs> अंशुमन राजपूत को किसने हाइड कर दिया भाई नहीं किसी ने हाइड नहीं किया है अंशुमन भाई को कौन हाइड करेगा नहीं बिल्कुल भी किसी ने हाइड नहीं किया है सही में कर दिया नहीं नहीं ये तो रहे नहीं हाइड किया भाई किसी ने फेक न्यूज़ <laughs> तो पंद्रह दशमलव दो ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है एक सौ पचास तीन विकेट के नुकसान पे और भाई अगर वीडियो लाइक नहीं किया तो जरूर कीजिए प्लीज थैंक यू सो मच चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए अगर आप नए आए हैं और अगर नए हैं तो जरूर कमेंट सेक्शन में भी बताइए कि क्या आप नए हैं सच में हमें अच्छा लगेगा अगर नए लोग भी जुड़ रहे हैं चलो भाई डेढ़ सौ तो हो चुके हैं पचास रन आपको और बनाने हैं बचे हुए अट्ठाईस गेंदों पे क्या बनाने में कामयाब हो पाएंगे चेन्नई की टीम जो बल्लेबाज इस समय मौजूद है क्रीच पे डैरल मिचल और शिवम दुबे क्या वो यहाँ से और तेज बल्लेबाजी कर पाएंगे शिवम भाई तो वो स्टार्ट कर भी चुके हैं अब डेरल मिचेल की बल्लेबाजी देखनी पड़ेगी कैच आउट हो गए थे ऋतुराज गायकवाड और उनका विकेट लिया हार्दिक पांड्या ने कप्तान का कप्तान ने विकेट लिया क्या बात है टाइम आउट की समाप्ति बल्लेबाज आ चुके हैं डेरल मिचेल एक मैचेस में चार रन एक का स्ट्राइक रेट यानी टी में ठीक बल्लेबाज है डेवल मिचल दाएँ हाथ से ओवर द विकेट अगली गेंद उसको वापस खेल दिया हार्दिक पांड्या के पास गेंदबाज के पास रन का कोई मौका नहीं स्कोर अभी भी 150 सौ तीन विकेट के नुकसान पे तो हार्दिक पांड्या इस ओवर में तो काफ़ी अच्छी गेंदबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं अभी तक सिर्फ एक रन दिए तीन गेंदे हुई हैं एक विकेट भी ले चुके हैं ओवर की अब चौथी गेंद का सामना करने के लिए तैयार है डेविल मिचल दाएं हाथ से ओवर द विकेट आएंगे हार्दिक पांड्या दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए और इस गेंद पर भी कोई रन नहीं डिफेंड करते हुए गेंद को वापस गेंदबाज की तरफ रन का मौका नहीं तो स्कोर अभी भी 150 सौ पचास तीन विकेट के नुकसान पे बीएम स्टडी कह रहे हैं कि मैं नया हूँ तो स्वागत है भाई धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कीजिए आप

रोमारियो शेपर्ट के पास गेंद गई और इस सिंगल के साथ स्कोर हो गया है चेन्नई की टीम का एक सौ इक्यावन तीन विकेट के नुकसान पे पंद्रह दशमलव पाँच ओवरों के बाद दो 2023 में कमेंट्री क्यों नहीं की आदित्य का सवाल है भाई हम करना चाहते थे लेकिन जब हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप कर रहे थे जो 2023 में था जी। तो उस दौरान कॉपीराइट आ गया था और फिर उसके बाद सारा जो मोटिवेशन था वो गर्द में चला गया क्योंकि

वापस हमेशा आना चाहते थे लेकिन बहुत ज्यादा एक तरह से लड़ाई लड़के जो हाल होता होगा ना लोगों का वैसा थोड़ा बहुत मतलब एग्जैक्टली वैसा नहीं क्योंकि कोई लड़ाई तो है नहीं मैंने कोई गोली नहीं चलाई गोली <laughs> खाई नहीं बट आई एम श्योर उसका कोई छोटा वर्जन वो वैसा इंपैक्ट दिमाग पे हुआ उसकी वजह से तो आई हैड टू टेक अ ब्रेक बिकॉज आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो थ्रू

तो तो uh, so और, हो left, सकता कि एक और विकेट गिर गया गलती से ठाकुर तो आ जाएंगे एक गेमर का कहना है कि 200 के नीचे कुछ भी आसानी से चेज हो जाएगा अर्जुन भाई कह रहे हैं एक सौ नब्बे रन बनेंगे दाएं हाथ से राउंड ऑफ सम के सामने की गेंद बुमराह की फुल की गेंद थी और भाई ये लास्ट ओवर है जसप्रीत नहीं ये सेकेंड लास्ट ओवर है जसप्रीत बुमराह का मुझे क्यों याद है कि तीन ओवर हो गए ये हो जाएंगे तीन इसके बाद एक और बचेगा आई थिंक एम आई रॉन्ग टाइम पे पीक कर रहा है वॉट यूर था नहीं ऐसे तो कभी पीक ही नहीं कर पाएंगे अगर अभी नहीं करेंगे तो क्योंकि शुरू में खेले नहीं यहाँ खेलेंगे नहीं तो अंत के लिए सब बचा के रखेंगे सही है आप क्रिकेट रिलेटेड न्यूज़ डालने वाले शॉट्स क्यों नहीं बनाते बताता हूँ दाएँ हाथ से ओवर द विकेट शाम्स की लाइन में गेंद थी गेंद को खेला गया ऑन की ओर एक रन दूसरा भी हो जाएगा और इन दो रनों के साथ स्कोर हो जाएगा एक सौ तीन विकेट के नुकसान पे सोलह दशमलव तीन ओवरों के बाद इसलिए नहीं बनाते क्योंकि मुझे नहीं लगता कि क्रिकेट न्यूज़ के ऊपर वीडियो बना के मैं कोई वैल्यू ऐड कर रहा हूँ इसलिए नहीं बनाता क्योंकि सेम ही न्यूज़ आपको हर जगह यू हैव द सेम न्यूज़ एवरीवेयर तो आई ट्राई एंड कम इन वेयर आई थिंक आई कैन बी ऑफ सम यूज एंड दिस इज़ वेयर आई फाइंड आई एम यूजफुल दिस इज़ समथिंग आई कैन डू आई हैव गॉट एन गुड एडिकूंग इट फॉर मेनी मेनी ऐस दाई हाथ से ओवर द विकेट ऑल्सोट टू डू समीबडी कैन डू राइट दैट्सोन ऑफ द रीजन वाई वी डोंट थिंक अबाउट इट साम्स के लाइन में गेंद थी लॉन्गॉन की और गेंद को खेला गया और एक रन मिल जाएगा चेन्नई का स्कोर हो जाएगा एक सौ छप्पन तीन विकेट के नुकसान पे सोलह दशमलव चार ओवरों के बाद राज भाई अब लॉर्ड भूल गए यार नहीं बोला मैंने भाई कि से पहले वो भी आ सकते हैं चलो बच गए बच गए फाइन लगता वर्तना लॉर्ड की तरफ से मुझे लगता है कभी कभी चेन्नई शार्दुल ठाकुर को सुनील लरेन की जैसे ऊपर इस्तेमाल कर सकती है ये भी वैसी बैटिंग कर सकते हैं क्योंकि पिछले साल हमने उनकी एक पारी देखी थी बेंगलुरु के खिलाफ उतने ज्यादा पावर हिटर नहीं, नहीं क्योंकि कभी आजमाया भी नहीं गया तो नहीं हमने उनको बैटिंग करते हुए देखा हा, 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 नहीं हमने देखा है बिल्कुल देखा है बट हाँ अगर आप उनको वो रोल असाइन कर देंगे तो मे बी क्या पता मतलब ख्याल इतना बुरा नहीं है मैं ये कहना चाहूंगा गैप में गेंद इस बार एक्स्ट्रा कवर की ओर सीमा रेखा के बाहर बहुत रेयर साइट है बुमराह को चौका पड़ जाए गेंद अच्छी थी गेंद में कोई प्रॉब्लम नहीं थी बस मे भी थोड़ा और ओवर पिच होता तो प्रॉपर गरकर गेंद होती और तब ये शॉट नहीं खेला जा पाता ये फुल फुल टॉस टॉस थी थी राइट जी ओवर पिच थी मुझे दिखा नहीं ढंग से फुल टॉस थी फुल टॉस थी इसलिए चौका पड़ा ना अमन सिंह जी कह रहे हैं क्रिकेट न्यूज देने के लिए मोफा और जॉन्स बैठे हैं ना एक्स पर अग्रीड दे डू अ ग्रेट जॉब दे आर वेरी क्विक एंड सो कंसिस्टेंट ऑल द क्रिकेट न्यूज यू विल एवर नीड दे है ट्विटर एंड नाइन एंड आई हैव फॉलोइंग दीज टू गाइज सिंस दे हैड लाइक फिफ्टी के सब्सक्राइबर्स नॉट इवन फिफ्टी के सब्सक्राइबर्स सो या और अभी कितने होंगे uh, एक ब, ब, के तो मिलियन होने वाले हैं एक मिलियन होने वाले आई थिंक एक सौ इकसठ पे तीन हो गया है चेन्नई का स्कोर सत्रह ओवरों का खेल हो चुका है पूरा डायरल में पांच पे और शिवम दुबे बत्तीस गेंदों पे छप्पन रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं बुमराह ने तीन ओवरों की गेंदबाजी की है बीस रन दिए और अभी तक कोई विकेट उनको हासिल नहीं हुआ है लगता है सेकेंड इनिंग्स में आएगा इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में सूर्य कुमार यादव यस तो वो भाई सेकेंड इनिंग्स में ही आएंगे इसीलिए वो इम्पैक्ट प्लेयर हैं कि फील्डिंग मत करो क्यों क्योंकि इंजरी से वापस आ रहे हैं तो आप आराम से बैठिए क्यों जबरदस्ती करने की जरूरत तो है नहीं आ, कितना मजा आता होगा सिर्फ बैटिंग करने आते नहीं है, मत, करने बट, करने करने बट करने सूर्य कुमार यादव जो खिलाड़ी हैं वो खुद मैदान पे होना पसंद करेंगे आई एम श्योर ही इंजॉय इज बिंग आउट देयर बट टीम ने यही सोचा होगा कि अभी इंजरी से वापस आ रहे हैं तो बचा बचा के रखते हैं हाँ तो बैठ आराम से बैटिंग के लिए नवर की पहली गेंद पे हु हैज़ हैज़ बीन बीन इकोनॉमिकल इकोनॉमिकल फेयरली ही हिट फॉर अ बाउंड्री दो लेग स्टंप पे फुल टॉस डाल रहे थे फुल टॉसेज का पीछा नहीं छूट रहा है पिछले ओवर में फुल टॉस बुमराह ने डाली चौका पड़ा यहाँ इन्होंने पहली गेंद डाल दी फुल लेंथ की और चौका खा बैठे एक सौ पैंसठ पे तीन चेन्नई सत्रह दशमलव एक ओवरों के बाद कह रहे हैं आई एम फॉलोइंग मोफा यू कैन फॉलो मी टू सत्यम भाई फिर तो शिवम दुबे से ओपनिंग कराए तो हाँ ये सही हो सकता है नहीं जब शिवम दुबे इस बैटिंग ऑर्डर पे इतनी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं तो उनकी बैटिंग

कि जिसके आउट उनपे कोई गम ना हो और वो आउट होता भी है तो ज्यादा गेंदे कंज्यूम करके आउट ना हो तुरंत आउट आउट हो आउट होना है है तो agreed. तो अग्रीड किसी ऐसे के लिए जगह अब शार्दुल के साथ दिक्कत क्या है कि वो डिफेंड भी कर लेते हैं तो उनके दिमाग में ये रहेगा कहीं ना कहीं कि इस बॉल को चलो इज्जत देते हैं रेज इंडिगो इज हेयर आरसीबीटर्स वेन डीकेट डॉट परफॉर्म फिनिश्ड शुड नेवर प्ले अगेनिंग फॉर वर्ल्ड कप हेयर एक बात है कि इंडियन टीम ने डीके का करियर ऑलमोस्ट खा लिया है भाई ये इतना अजीब सा कमेंट है रेज एंडिगो कि इस पर तो मैं आधे घंटे आपसे बात कर सकता हूँ अफसर के बाहर की गेंद है गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन की और एक सिंगल मिल जाएगा और इस सिंगल के साथ चने का स्कोर हो जाएगा एक सौ अड़सठ तीन विकेट के नुकसान पे सत्रह दशमलव तीन ओवरों के बाद जो लोग भी ट्विटर पे पूछ रहे हैं लिंक के लिए इट्स सत्यम नील कमल बीच में कोई डॉट डूट नहीं है कोई अंडर स्कोर स्कोर नहीं है सत्यम नील कमल मैं स्पेस देना पसंद नहीं करता एक <laughs> पे तीन चने का स्कोर है सत्रह दशमलव तो तो मजाक में लेते हैं वो खुद मीम्स ट्वीट कर रहे थे कि वर्ल्ड कप ईयर में वो परफॉर्म कर रहे हैं और वो तो आरसीबी के फैंस की बैंड बजा रहे थे मैंने देखा भी रिसेंटली इस ओवर के चौथे गेंद ऑस्टम के बाहर गेंद को खेला गया लॉन्ग ऑन की और एक सिंगल और इस सिंगल के साथ स्कोर इनफैक्ट नहीं एक ही रन एक सौ उनहत्तर पर तीन हो जाएगा चेन्नई की टीम का सत्रह दशमलव चार ओवरों के बाद दिनेश कार्तिक तो बेंगलोर के फैंस को बोल रहे थे कि वो आ, बाकी लोगों से भले ही आपको बचाएंगे बाकी लोग जब आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे तो आपको डिफेंड करेंगे लेकिन वही सेम लोग आके उनको डी में बहुत पर्सनल बातें कहते हैं और आ, अजीब बिहेव करते हैं वो बेंगलोर के फैंस को बोल रहे थे उन्होंने बाकी टीमों के फैंस इंडियन क्रिकेट के फैंस की तो कोई बात नहीं की उन्होंने तो बैंगलोर के अपने फैंस की बात की कि उनका बिहेवियर कैसा है आई देखा धोनी को दिखाया जा रहा है कैमरे पे और वो बिल्कुल हेलमेट और पैड वेड पहन के तैयार है और एक बात है कि इंडियन टीम ने डीके का करियर ऑलमोस्ट खा लिया है तो भाई एक बात बताओ इंडियन क्रिकेट में करियर होता क्या है इंडियन क्रिकेट के लिए जो होता है करियर वही होता है ये तो नई चीज़ सुन रहा हूँ मैं कि मतलब इंडियन क्रिकेट का करियर आप ऐसे बता रहे हो जैसे सेकेंडरी है आप कह रहे हो कि जो करियर है आई में वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडियन क्रिकेट ने उनका करियर कैसे खा लिया इतने सालों तक खिला रहे धोनी से पहले डेब्यू किया था आज भी रेलिवेंट है तो कैसे करियर उनका खा लिया इंडियन क्रिकेट ने इंडियन टीम ने पाँचवीं गेंद इस ओवर की आने वाली है और शिवम दुबे सामने होंगे चौंतीस गेंदों पे साठ रन बनाकर वो बल्लेबाजी कर रहे हैं कोद से थोड़ी पिटाई हुई है पहली गेंद पे चौका पड़ गया था अभी तक आठ रन आए हैं इस ओवर में पिछले ओवर में दस रन आए थे चौदह पे उन्नीस रनों की साझेदारी हो चुकी है दोनों खिलाड़ियों के बीच रिगे जिंड को कह रहे हैं डीके को ट्रोल करना बिना कोई रीजन सही नहीं है पर हम आरसीबी फैन को आदत है उनको ट्रोल करने की इस ओवर की पांचवी गेंद आ रही है और सामने होंगे शिवम दुबे चौंतीस गेंदे साठ रन क्या वो शतक बना सकते हैं दुबे अब तो सवाल यह है कि क्या शिवम दुबे शतक बना सकते हैं इस मुकाबले में इस ओवर की अगली गेंद दाएं हाथ से ओवर द विकेट शॉर्ट बॉल पुल करने का प्रयास लेकिन गेंद बल्ले पे नहीं आए आई थिंक स्लोअर बने जिसकी वजह से बैट पे ढंग से गेंद को नहीं लिया जा सका स्पीड दिखाई नहीं गई और स्कोर अभी भी एक सौ उनहत्तर पर तीन है चेन्नई का सत्रह दशमलव पाँच ओवरों के बाद मुझे लगता है दस रन आठ रनों के ओवर राज बहुत बढ़िया ओवर्स हैं एट दिस स्टेज जी हाँ जब अंतिम के कुछ ओवर्स बाकी हैं तो उसके तो उनमें आप अगर अगर आप दस से नीचे रन देते तो बहुत ही अच्छे ओवर माने जाएंगे वो क्योंकि इससे पहले ही देख लीजिए एक सेवनटीन रन का आया था एक फोर्टीन का आया था तो बड़े ओवर थे लेकिन अब यहाँ से दोबार से रन आने बंद हो गए लेकिन इस बार बल्ले के टॉप पे लगी गेंद गेंद और गेंद सीधे टेंदर के पीछे जाएगी चौके के लिए स्कोर बढ़ के हो जाएगा एक सौ तिहत्तर तीन विकेट के नुकसान पे अठारह ओवर की समाप्ति के बाद तो इस ओवर में कितने रन आए बारह इसलिए क्योंकि लास्ट बॉल पे चौका लग गया गलती से है छोटी बॉल थी लेग स्टंप के बाहर जिसपे बल्ला चलाया था पुल करना चाहते थे शिवम लेकिन बल्ले ढंग से बॉल आई नहीं थी थी और और टॉप पे लग के गेंद गई थी। सीधे लग चौके के लिए। विवेक भाई का कहना है कि ये टारगेट आसानी से चीज कर लेगी मुंबई हाँ कर सकते मुझे है भी लग रहा है कि ये टारगेट इतना बड़ा नहीं है क्योंकि कोलेब्स अगर नहीं करती है मुंबई की टीम अगर जल्दी विकेट रोहित को दिखाया गया है तो मुंबई की टीम आराम से चेंज कर लेगी अगर बल्लेबाज जैसे तो की की गेंद को ड्राइव किया गया लॉन्ग ऑफ की ओर एक रन टॉस गेंद थी उसका फायदा नहीं उठाया जा सका। टाइमिंग थी यही अगर दुबे होते स्ट्राइक पे राज तो वो कुछ कर देते क्योंकि इसके पहले भी बुमराह ने एक टॉस उनको डाली थी चौका मारा था उन्होंने लेकिन मिचेल कुछ खास कर ही नहीं पा रहे नौ पे नौ उम्मीद नहीं कर रहे थे ये भी हो सकता है

और फाइन लेग के खिलाड़ी मडवाल ने गेंद को रोका पहुंच गए थे वहाँ पे ईशान किशन खुद ग्लव्स पहन के थ्रो कर रहे हैं बॉल को दो रन पूरे कर लिए जाएंगे और चन्नई का स्कोर हो जाएगा एक सौ तो सतहत्तर तीन विकेट के नुकसान पे अट्ठारह दशमलव चार ओवरों के बाद अगर आप किसी को देखो सारक ना हमेशा से सोसाइटी का हिस्सा रहा है तो सारक को बैन नहीं कर सकते आप उस सोसाइटी में नहीं जीना चाहेंगे जिसमें सारक बैन हो गया है लेकिन हाँ अगर आप किसी को ट्रोल भी कर रहे हैं ट्रोलिंग आई थिंक मॉडर्न नाम है सारकाजम का सार्काजम एक तरह का ट्रोलिंग भी मतलब बड़े आराम से कैटेगराइज हो सकता है तो इट्स ऑलवेज एग्जिस्टेड सार्काजम उसका आप खात्मा तो कर नहीं सकते हाँ जब वही है कि जोक आपके ऊपर होता है आपके फेवरेट खिलाड़ी के ऊपर होता है तो चढ़ मचती है लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए अलाउड होना चाहिए सबके लिए सबके ऊपर जोक मारना अलाउड होना चाहिए इवन जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनके ऊपर भी जोक मारना अलाउड होना चाहिए सौ अठहत्तर पे तीन चने का स्कोर mm -hmm. है अठारह दशमलव चार ओवरों के बाद नॉट दैट वी आर गोइंग टू डू दैट बिकॉज दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल चैनल बट इफ इट वर वी वुड डू इट साहिल भाई को लॉ फन आर यू नॉट हैविंग फन नॉट फन फन यू आर नॉट नॉट हैविंग फन बल्कि साहिल भाई बिजी है भाई इसलिए नहीं आ रहे हैं फ्री होंगे तो आ जाएंगे ठीक है इस ओवर की अंतिम गेंद आ रही है दाएं हाथ से राउंड द विकेट नहीं पाँचवीं गेंद सॉरी स्टम्प्स की लाइन में थी लेक स्टम्प के सामने खेला गया इसको लॉन्गऑन की ओर एक रन ले लिया जाएगा और चेन्नई का स्कोर हो जाएगा एक तीन विकेट के नुकसान पे अट्ठारह दशमलव पाँच ओवरों के बाद तो जब तक आप ट्रोलिंग क्रिएटिवली कर रहे हैं सिर्फ देखो गाली देना तो आसान है किसी को भी गाली दे सकते हैं पांड्या की स्किन का कलर बोल दो और दो चार और बातें इधर उधर की कर दो तो करने को वो भी कर सकते हो बट कैन यू गेट क्रिएटिव कैन यू ऑफर समथिंग जो लो हैंंग फ्रूट है ना उसमें क्या मजा है hmm. वो है लूजर्स के लिए कि उनको और कुछ नहीं आता है तो कैन यू डू इट if यू कैन डू इट उन्नीस रनों का खेल पूरा हो जाएगा लास्ट बॉल पे एक रन और भाई साहब इससे पहले बारह रनों का ओवर था लेकिन इस ओवर ने दोबारा से मोमेंटम बिगाड़ दिया सात रन आए सिर्फ ओवर में और बुमराह ने दिए हैं चार ओवरों में सत्ताईस रन उनको भले ही कोई विकेट नहीं मिला हो लेकिन बुमराह ने आज जो इकोनॉमिकल गेंदबाजी की हर मुकाबले में वो ऐसे ही गेंदबाजी कर रहे हैं छह दशमलव सात पांच की इकॉनमी उनकी आज है और नो बडी कैन कंप्लेन यू हैव टू स्टैंड अप सल्यूट वॉट बुमराह हैज़ डन वन सके बुमरा ने कोई विकेट लिया नहीं है तो पर्पल कैप की रेस में अभी भी टॉप पे बने रहेंगे <laughs> कि कोई विकेट नहीं मिला बुमराह को बस पर्सनल अटैक मत करो भाई जिस आदमी ने हमारा पैसा खा लिया के पैसे खा रहा है और, क्योंकि 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 की की हाँ, और क्रिएटिविटी देखो कि हमने कल क्या किया उसका एग्जाम्पल है आपके पास जो लोग डेली सुनते हैं उनको पता होगा कि कल एक नया नाम आया मार्केट में आर से स्टार्ट होता है भाई बुमराह को देख के लग रहा है कि वो अलग ही दुनिया के बोले जो बल्लेबाजी वाली पिच पे भी इतना कम इतने कम रन देते हैं अंशुमन भाई कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है बॉल चेंजेस फेवरिंग महावीर का कहना है हाई सर जी शाहरुख पठान लास्ट आई से आपको फॉलो कर रहा हूँ बिग फैन कभी राजस्थान आओ तो जरूर मिलना बिल्कुल मिलना। अलवर आएंगे हम 18 तारीख को क्योंकि अलवर में सौरदा की शादी है बहुत जाना तो आप भी आ जाना सौरदा की शादी में आप इनवाइटेड हैं महावीर जी जो भी, भी आसपास हो सब आ जाना हाँ जयपुर उदयपुर सब जगह से जो भी आना चाहते सब आ जाओ एड्रेस मैं दूंगा आपको पहले मेरे पास आने दो मेरे पास अभी तक नहीं आया है पिन कमेंट कर देंगे वहाँ पे हम सब आ जाना 13 12 वालों में वेरी बैड ए गेमर कह रहे हैं हु इज हियर ओ हो 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 मुंबई का मैच होने ओ हो चलो भैया एक काम करिए फिर नाउ दैट परितोष बाबू इज हेयर इसका यूएस केबल ढूंढिए और ये माइक अलग से कनेक्ट कर दीजिए डन है आइए तब तक बैठिए बैठिए यहाँ ये परितोष बाबू का मेयर हेलो हेलो हाउ आर यू आइए आप आ गए हैं यू लुक क्वाइट रगेड राइट नाउ आप जिम के बाद सीधा स्ट्रीम पे आ गए नहीं मैं नहा के आया हूँ <laughs> नहीं मतलब <laughs> <laughs> किसी को ऐसे से पता चलना नहीं जी वे <laughs> का बीसवा ओवर पहले गेंद आए हाथ से ओवर द विकेट खेला है जरूर लेकिन बैट पर मिडल तो नहीं कर पाए लॉन्ग ऑन नहीं रोक पाया उसके बावजूद और चौका मिल जाएगा इस चौके के साथ चेन्नई का स्कोर हो जाएगा एक तीन विकेट के नुकसान पे आई मस्ट टर्न ऑन दी ए फॉर परितोष चौका पहली गेंद पे चौका पड़ गया है तो अच्छी शुरुआत हुई ओवर की एक्चुअली बहुत अच्छी शुरुआत हुई है पहली गेंद वाइड डल गई थी तो एक्स्ट्रा एक ओवरन था और अब चौके का रन एक पे तीन उन्नीस दशमलव एक ओवरों के बाद शिवम दुबे भी पिछले कुछ समय से उस गति से बैटिंग नहीं कर पाए जो उम्मीद रही होगी एट दिस स्टेज वो करेंगे एक और वाइड बॉल और स्कोर एक पे तीन हो जाएगा चेन्नई का उन्नीस ओवरों के बाद दाएं हाथ से ओवर द विकेट बहुत ज्यादा बाहर गेंद थी और एक टप्पे के बाद गेंद गई है विकेट कीपर के पास वाइट बॉल थी बताया था मैंने आपको थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी सौरभ था शादी में लोग इनवाइट कर रहा हूँ मैं अच्छा मैंने बोला है कि एक बार एड्रेस मेरे पास आ जाए पेंड कॉमेंट में आपको पूरी जनता जाएगी पूरी जनता जाएगी भाई दो लाख जो फॉलोअर्स Instagram के हैं और पाँच लाख से ऊपर YouTube के सब पहुँच जाए सीधा दो रुपए की पेप्सी राज भाई सेक्सी विकल्प का कहना है थैंक यू सर जी ऑल राइट right. हाँ हम डीके के लिए ग्रेटफुल हैं वरना हम निदहाज ट्रॉफी हार जाते आखिर हमारे इंडियन प्लेयर्स ही तो हैं लेट्स अप्रिशिएट देम ऑल फॉर एवरीथिंग दे हैव डन फॉर आवर कंट्री वाइट बॉल गिवन लेकिन इसको चैलेंज किया गया है क्या हुआ है ये

इस ओवर में अगर कोई ऐसा चांस बनता है जिस पे विकेट मिल सके तो वो अब अंपायर के ऊपर रहेगा ये लीजिए एक जूसी हाफ वॉली लेकिन सीधा हाथ में गई है मोहम्मद नबी के और वो खड़े थे लॉन्ग ऑन की दिशा में दिल धोनी कम यस आई थिंक ही वाज पैडेड अप मैंने जो हाँ, जितना देखा था अभी उन्होंने हेलमेट भी पहन रखा था तो आई थिंक क्योंकि अभी जडेजा भी हैं रिजवी भी हैं कुछ फर्क नहीं पड़ता तो दिस इज प्योर मास अपील कुछ चलो कुछ आज की okay. चार गेंदे हैं तो अब तो महेंद्र सिंह धोनी का बनता है आ, है जायज तो लीजिए यहाँ पर एक और विकेट गिर गया है और महेंद्र सिंह धोनी एंटर कर चुके हैं द सर्कल सर्कल ऑफ हिज परफॉर्मेंस क्योंकि यही उनका स्टेज है अब uh, कितना और खेलेंगे वो एक अलग क्वेश्चन है लेकिन आज के दिन मुंबई का जो ये स्टेडियम है उसमें uh, हमें जो सी ऑफ ब्लू दिखता है यूजुअली उसमें एक बहुत बड़ा येलो पोर्शन भी है और उसका रीज़न है महेंद्र सिंह धोनी ये खिलाड़ी अब एक्सटेंशन है चार एकस्टेंशन गेंदे हैं इनके तो पास कितनी गेंदे खेलेंगे हमें कॉमेंट में जरूर बताइए आप कि क्या लगता है महेंद्र सिंह धोनी चारों की चारों गेंदे खेलेंगे उसमें कितने रन बनाएंगे या फिर एक आध सिंगल लेकर जो दुबे साहब हैं जो खतरनाक फॉर्म में है अभी जिनका बल्ला बहुत जोर से बोला है अभी उनको Uh, एक बार फिर न्योता देंगे कि आप एक आध बॉल लास्ट की बड़ी हिट्स लगा कर फिनिश करें क्योंकि यहाँ पर मौका है 200 पार करने का और वो 200 पार होएगा तो उसके बाद एक मेंटल एज लेके जरूर जाएगी चेन्नई सुपर किंग्स तीसरी के घुमा दिया ओ ओ है और बहुत ऊपर गई है ये क्या पार कर जाएगी जी हाँ लगा दी महेंद्र सिंह धोनी ने स्टेडियम में फट चुका है वानखेड़े क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी ने आते ही एक बहुत लंबा छक्का जड़ दिया है लॉन्ग ऑफ की दिशा में ऊपर से हर फील्डर के और हार्दिक पांड्या की जो अभी तक की स्ट्रेटेजी है वो सब आउट ऑफ तो द चुकी है भाई कमाल का शॉट था यार पहले में बॉल आई थी लेकिन तब भी यार धोनी विंटेज धोनी लगता विंटेज। ही नहीं कि उम्र हो गई है इतनी और खेलते नहीं है फिर से बॉल आ गई बैट पे भाई फिर से छक्का मार दिया मिड विकेट पे खत्म हो गया भाई क्यों बैटिंग नहीं करता आदमी और वाई इज ही नॉट क्या यार दस बार बोल चुके हैं <laughs> वर्ल्ड कप में ले चलो भाई फिनिशर नहीं खेलेगा कोई धोनी <laughs> खेलेंगे <laughs> भाई आउट ऑफ रिटायरमेंट पल दो पल का शायर हूं लेकिन दो पल और बाकी है। <laughs> 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 दो पे बारह धोनी भाई क्या मजा आ गया यार

कि क्या फैसला है छोड़ दे राज लीव इट कुछ और निकल निकल जाएगा एक तो. और शॉट और ये बा, एक बार फिर छह रन तीन बॉल पे तीन छक्के इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट स्वीप कर दिया है इसको पुल किया। पुल नहीं, फ्लिक, पुल किया नहीं नहीं फ्लिक फ्लिक ही है है भी नहीं, ये तो रन तीन छक्के लगातार महेंद्र सिंह धोनी ने आते ही एक और एक और पड़ेगा क्या कितने चांसेस है इस बात के कि एक और बाय द वे 200 पूरे हो गए चेन्नई के थैंक्स टू महेंद्र सिंह धोनी और उनके आतिशी बल्लेबाजी यहां पे भैया 200 रन पूरे कर लिए हैं चेन्नई ने जबकि जब नाइनटीन जब ओवर स्टार्ट हुआ था कोई गारंटी नहीं थी कि वो 200 तक पहुंच पाएंगे नहीं लेकिन धोनी ने आते ही तीन गेंदों पे तीन छक्के मार दिए यार <laughs> <laughs> क्या बोलेगा इसके बाद कोई कोई शब्द नहीं है आउट ऑफ वर्ड्स कर दिया है सभी को और अभी एक बॉल और बाकी है मैं आपको बता रहा हूं चेन्नई इस पारी की वजह से कहीं ना जीत जाए हाँ हो सकता है बिल्कुल क्योंकि एंड में भाई तीन बॉल पे तीन छक्के मारना तो इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस एक मतलब मेंटल एज लेके जरूर जाएंगे और हार्दिक एक का जो आ, अब मोरल होगा गुण एक कमेंट आ रहा वो भी इंपॉर्टेंट है थाला uh, हैज 10 होम ग्राउंड्स रे को कह रहे हैं नो ही हैज मोर देन 10 पूरा फील्ड एनालाइज कर रहे हैं और

लकी रहे यहां पर ऑलमोस्ट ये भी बाहर ही जानी थी स्टेडियम के यहाँ पर दो रन मिलेंगे तो आ, बोल्त हेवी बोल्त है जाकर, आ, उनके पैर से लगी उसको समाप्त करवाया क्योंकि हार्दिक पांडे के लिए काफी ट्रोमैटिक हो गया दो सौ छह पर चार है सी एस के का स्कोर आफ्टर द्वेंटी ओवर्स यानी कि दो सौ सात ये यहाँ पर अब धोनी ने जाते-जाते एक बच्ची थी वहां पे उसको बॉल दे दी कमाल है यार ये भी वायरल होगा पक्का देखना ये हाँ, भी वायरल है ही नोस ही नोस धोनी नोस और धोनी इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उनको वायरल होना है वो जेन्युइनली वैसे ही आदमी हैं तो मतलब अमेजिंग यार दिखाओ उन्होंने दे दिया और मजा आ गया भाई मजा आ गया लव्ड इट ब्लॉकबस्टर सिनेमा एब्सोल्यूट <laughs> सिनेमा मार्केटिंग मार्टिन स्कॉर्सी का जो मीम है ना एब्सोल्यूट सिनेमा वो भाई भाई आखिरी ओवर में <laughs> ये ही कैमियो हो सकता है जो जो जीत और हार के बीच में डिफरेंस है वो कहीं ना कहीं प्रूव कर सकता है राज एक बार फिर जुड़ चुके हैं आपके साथ तो राज कैसा लगा आपको ये आखिरी ओवर देख के शानदार जबरदस्त जिंदाबाद <laughs> नाम सुना होगा महेंद्र सिंह धोनी क्या बैटिंग किया चार बॉल पे बीस रन वो तो लास्ट बॉल पे बच गए उनके रडार से थोड़ी सी बाहर थी हल्का आप पहली शॉट देखिए ये दिखाता है कि उनके हाथों में आज भी कितनी ताकत ऊपर गया है कोई और बैट्समैन होता मान ही नहीं सकता वो क्लियर कर जाता बिल्कुल यार मतलब कमाल की बल्लेबाजी तो हम आपको ले एक बार लेके चलते हैं महेंद्र सिंह धोनी हमें दिखाई दे रहा है ये कहीं से भी धोनी नहीं लग रहे <laughs> एक बार ले चलते हैं आपको स्कोर कार्ड की तरफ अजिंक्य रहाणे और रचिन रविंद्र बल्लेबाजी करने के लिए आए थे और आठ गेंदों पे पांच रन किए थे अजिंक्य रहाणे ने एक चौका और कोई छक्का नहीं रचिन रविंद्र की बात करें सोलह गेंदों पे इक्कीस रन ऋतुराज गायकवाड चालीस गेंदों में उनहत्तर रन अच्छी बल्लेबाजी की इन्होंने पांच चौके पांच छक्के शिवम दुबे अड़तीस गेंदों पर छियासठ रन बेहतरीन बल्लेबाजी और नॉट आउट गए हैं वो चौदह गेंदों पर सत्रह रन और एम एस धोनी चार बॉल पे बीस रन स्ट्राइक रेट पे नजर डालिए पाँच सौ का स्ट्राइक रेट सुपर स्ट्राइकर की रेस में ऐसी बल्लेबाजी करने लग गए ना तो वो गाड़ी इनके घर जाएगी सीधे तीन छक्के लगाए भाई अपनी पारी में <laughs> नहीं नहीं वो अपने रख लेंगे सब्जियां लाने के लिए <laughs> <laughs> अब हम आपको लेके चलते हैं गेंदबाजी की तरफ एमएसडी को ओपनिंग करवाओ किसी का कमेंट था चैट पे करवा दो यार एक तो। लिख रहे हैं एमएसडी को ओपनिंग करवाओ इस तरह से खेलेंगे तो यू नेवर रियली नो फिर हो सकता है कि अगले सीजन भी दिख जाए और अब जैसी बल्लेबाजी करें ना परितोष भाई अगले सीजन ऐसे ही खेल के तो कोई बुरा नहीं मानेगा सब चाहेंगे कि धोनी खेल खेलो जाए खेलो जब तक बल्ला चल रहा है तब तक, तक क्या दिक्कत है सही है भाई बहुत खेलेंगे ये और फिटनेस का उन्हें शौक है ही वैसे भी फिट रहते ही हैं साल में एक दो महीने के कोई लिए कोई दिक्कत ही नहीं उनके तो साल में एक दो महीने के, तो के लिए आ सकते हैं लेकिन उनका इंजरी मेन इशू जो पैर का है नी में कुछ हुआ है उनके नहीं वो लास्ट ईयर भी था एक बार इस बार सर्जरी करा के आए वापस अब हील करने में टाइम लगता है स्पेशली इतनी एज में ना वो उतना जल्दी हील नहीं होता ना उम्र बढ़ती है तो बहुत तो चीजें अब वो अभी देखते हैं इस अब कहीं ये भी डर रहता है ना हो सकता है इसलिए भी ज्यादा ना खेलते हो कि कहीं थकावट में क्या होता है लिगामेंट वगैरह की जो इंजरीज होती है वो दोबारा बढ़ जाती है तो अगर थके मसल और उसके बाद दोबारा वो इंजरी बढ़ जाए तो कहीं टूर्नामेंट कट शॉर्ट ना करना पड़ जाए कि एटलीस्ट पूरा टूर्नामेंट खेलने टीम के साथ तो शायद वही थॉट है पता नहीं क्या है लेकिन इस तरह की बल्लेबाजी अगर कर रहे हैं तो बिल्कुल उन्हें ऊपर आना चाहिए आना चाहिए तो हम आपको लेके चलते हैं एक बार बॉलिंग के आंकड़ों की तरफ कि मुंबई के गेंदबाजों ने किस प्रकार से गेंदबाजी की आज के दिन तो शुरुआत की थी मोहम्मद नबी ने तीन ओवर उन्नीस रन कोई विकेट नहीं इकोनमी उनकी थी छः दशमलव तीन तीन की कोई विकेट नहीं मिला लेकिन अच्छी गेंदबाजी की उन्होंने उन्होंने जेराल्टजे उन्होंने किए चार पैंतीस रन एक विकेट आठ दशमलव सात पांच की इकॉनमी अच्छी गेंदबाजी जसप्रीत बुमराह चार ओवर सत्ताइस रन कोई विकेट नहीं छह दशमलव सात पांच की इकॉनमी तो कोई विकेट नहीं मिला बुमराह को भी लेकिन उनकी भी बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी तो पिटाई किसकी आकाश मडवाल की गोचे, गोचे भी। जी से गई पिटाई लेकिन चार ओवर में पैंतीस रन इतने ज्यादा नहीं है ठीक है हाँ ठीक कहेंगे आप इसे एक विकेट भी लिया है उन्होंने हार्दिक तो पांड्या का तो जो खराब <laughs> किया है, पूरा के ओवर में। है दो विकेट भी मिले उनको लेकिन जो आखिरी ओवर में हुआ हाँ तो कितने है बीस से ज्यादा रन आए ना उसमें अरे चार तो छक्के ही हैं तीन छक्के तीन छक्के एक चौका आ गया था पहली गेंद पर एक बार और दो रन भी आए थे आखिरी गेंद पर

और एक विकेट हार्दिक पांड्या तीन ओवर तैंतालीस रन दो विकेट चौदह दशमलव तीन तीन की इकॉनमी दो विकेट मिले जरूर आज के दिन सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज है आज के दिन लेकिन धोनी ने अंत में उनकी गेंदबाजी खराब की भी अच्छा खासा पिटाई हुई है दो हाँ उस पर आने वाला था ओवर में तैंतीस रन तो उनकी भी ठीक ठाक पिटाई हुई है आज के दिन अब हम आपको लेकर चलते हैं फॉलो विकेट की ओर तो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे फॉल विकेट तो पहला विकेट गिरा था आठ रन पे अजिंक्य रहाणे का, राने का। आ, वो पहला विकेट था और दूसरे ओवर में गिरा वो विकेट उसके बाद रचिन रविंद्र जो पार्टनरशिप कर रहे थे ऋतुराज गायकवाड़ के साथ उनका विकेट गिरा था चालीस रन करीब थे तब बोर्ड पे नहीं नहीं साठ साठ थे जी माफ कीजिएगा साठ रन थे उस समय बोर्ड पे उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ का विकेट गिरा तब 150 150 रन हो चुके थे तो ये ऑलमोस्ट 90 रन की पार्टनरशिप जी 90 रन की थी ऋतुराज गायकवाड़ का जब विकेट गिरा तब और वो पार्टनरशिप थी शिवम दुबे के साथ जी उसके बाद आए डेल मिचेल उन्होंने भी थोड़े बहुत शॉट्स खेलने का ट्राई किया लेकिन जब उनका विकेट गिरा मजा ही आ गया

सैंतीस पे बावन ये एक अच्छी पार्टनरशिप थी गायकवाड और रचिंद्र रविंद्र के बीच में तीसरे विकेट के लिए गायकवाड और शिवम दुबे के बीच में तो ये पार्टनरशिप वो थी जिसने चेन्नई को एक अच्छे टोटल में पहुंचाने में सबसे ज़्यादा मदद की पैंतालीस गेंदों पे नब्बे रनों की पार्टनरशिप चौथे विकेट के लिए डेरल मिचिल और शिवम दुबे चौबीस गेंदों पे छत्तीस रनों की पार्टनरशिप और उसके बाद जो अंतिम पार्टनरशिप थी पाँच विकेट के लिए चार गेंदों पर बीस रनों की पार्टनरशिप जिसमें चारों गेंदे खेली एम एस धोनी ने और उन्होंने लगाए बीस रन तो धोनी की बल्लेबाजी हमें देखने को मिल ही गई आखिरकार इस मैच में और क्या मजा आया यार आई होप आप सबको भी मज़ा आया होगा आप सबने वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक बार प्लेइंग इलेवन मुंबई की टीम की क्योंकि आप वो बल्लेबाजी करने के लिए आने वाले हैं तो आपको प्लेइंग इलेवन दिखाना बनता है तो ओपनिंग करने के लिए आएंगे रोहित शर्मा और ईशान किशन दोनों ही तगड़े बल्लेबाज धाकड़ बल्लेबाज है पिछले मैच में आपको याद होगा क्या कमाल की बल्लेबाजी की थी आई थिंक वो की थी आर के अगेंस्ट जब ईशान किशन और रोहित शर्मा ने ऑलमोस्ट पावर प्ले में ही बाहर कर दिया था आर की टीम को उसके बाद आएंगे सूर्य कुमार यादव मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको प्लेइंग एलेवन में दिखाई दे नहीं रहे वो सूर्य कुमार यादव वो है इम्पैक्ट प्लेयर में आप देख सकते हैं तो जब पहला विकेट गिरा तो आपको सूर्य कुमार यादव दिखाई दे सकते हैं या दूसरे विकेट पे उसके बाद तिलक वर्मा फिर होंगे टिम डेविड फिर होंगे मोहम्मद नबी फिर होंगे रोमारियो शेफर्ड तो बल्लेबाजी तो बहुत है कितने बल्लेबाज इनके पास हार्दिक पांड्या भी है भी तो एक, आप एक और चीज़ बोल रहे हैं इम्पैक्ट हाँ तो मैंने बता दिया पहला विकेट गिरा तो सूर्य कुमार यादव को आप देख सकते हाँ, हैं हाँ, तो है, है, मुंबई इंडियंस ने इस आ, ग्राउंड में तो हमें लग रहा था की दोबारा ढाई रन से ऊपर स्कोर हो जाते अगर फर्स्ट इनिंग में उन्हें मौका मिल गया बिल्कुल तो केपेबल पूरा पूरा है बैट से दो रन बनाने लायक ये टीम अब मेंटल बैटल होगा कि कैसे आप जो ये फाइनल ओवर था उसे जितनी जल्दी दिमाग से निकालें जी। और स्ट्रेटजी उस तरह से होनी चाहिए कि आपको ये बस चेज करना है क्योंकि अभी भी ये चेजेबल है वानखेड़े के स्टेडियम पे बिल्कुल के साथ मतलब चेजेबल टोटल है ये ये कोई भी ना बड़ा टोटल नहीं है वानखेड़े पे, पे भी है, और बड़ा है सामने मुंबई की टीम भी है यार बात वो है कि इस टीम के लिए बहुत ऐसा इससे बड़े बड़े जब 277 बना था रन मार हाँ, दो के करीब मारे थे उन्होंने तो आपने जब उस समय चेस करते हुए वहाँ मार दिए तो यहाँ पर ये स्कोर भी आप चेस कर और 200 रन तो आजकल के टाइम ताँग में जो टी क्रिकेट हो गया आईपीएल हो गया तो बहुत इजी हो गया है कोई भी टीम 200 बना लेती है हम कितना भी बात करते कि इस पिच पे पार स्कोर इतना एक है सत्तर है।, कुछ फर्क नहीं पड़ता अब यहाँ पे 200 रन लगते हैं हर मैच में ऑलमोस्ट तो एक बार देख लीजिए आप चेन्नई की प्लेइंग 11 हालांकि बल्लेबाजों का तो अब काम है नहीं आपको गेंदबाजी में कौन कौन, -कौन दिखेगा इंपैक्ट प्लेयर ये लोग भी तो यूज करेंगे अभी जी कौन पथी राना आ, हाँ पथी राना ही होंगे जी तो, तो बाहर चले जाएगा कोई भी चले जाएगा रचन रविंद्र चले जाएंगे या डेरल मिचल तो नहीं जाएंगे तो बोलिंग करेंगे हाँ तो रचन रविंद्रा ही है हाँ तो वही जाएंगे या अजिंक्य राणे उन दोनों से एक खिलाड़ी जाएगा और अंदर आएगा प्लेयर को बैठा के हाँ। प्लेयर नहीं लगा सकते तुदुण तुदुण जाने आपने तीन खिलाड़ी खिलाए होंगे ना इसका मतलब इंटरेस्टिंग इस है ना की इंडियन है इंडियन है तो वही ना तीन खिलाए ना एक दो तीन तो एक खिलाड़ी ला सकते हैं आप हाँ अभी ला प्लेइंग इलेवन में जो विदेशी है तो गेंदबाजी के तौर पे आपको करवाते हुए दिखेंगे मुस्तफिजुर रहमान तुषार देशपांडे पांडे शरदुल ठाकुर और रविंद्र जडेजा और एक होंगे आपके पास मुस्तफिजुर नहीं मथीसा पथिराना मलिंगा टू जी लेकिन मलिंगा जितने लीथल नहीं है नहीं ऑब्वियसली

खैर ये सब बात की बातें हैं इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि क्या सेकेंड इनिंग्स में चेज़ कर पाती है मुंबई इंडियंस ये दो सौ सात रन का टोटल हमने बात करी बैटिंग लाइनअप की और आ, हमने भी बात करी कि कैसे आप आ, ए, इस पर्टिकुलर ग्राउंड पे ये भी देख सकते हैं कि बहुत सारे टोटल्स बड़े बड़े चेज़ हुए हैं मंसूरी सर लिख रहे हैं नया पॉइंट टेबल दिखाएं नया पॉइंट टेबल लेट मी सी ये लीजिए आई थिंक आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा नया पॉइंट टेबल तो ये है पॉइंट टेबल राजस्थान टॉप पर है अभी और उसके बाद है के के आर फिर है सी एस के राजस्थान ने भी एक बहुत क्लोज मुकाबला जीता है कल तो उसके साथ उनके दस पॉइंट्स हो चुके हैं तो ये बहुत क्लोज़ हैं क्वालिफिकेशन के अब आ, उसके अलावा के के आर सी एस के हैदराबाद सनराइज हैदराबाद के बाद हैं लखनऊ सुपर जैंस और जी टी एम आई पंजाब एम आई पंजाब और दिल्ली कैपिटल्स इन तीन के हैं चार पॉइंट्स तो ये है अभी तक का पूरा हिसाब किताब पॉइंट्स टेबल का तो लीजिए अब फील्ड पर उतर चुके हैं खिलाड़ी एक बार फिर से ये है मुंबई चेन्नई सुपर किंग की टीम जो आपको अभी दिखेगी इम्पैक्ट प्लेयर का अनाउंसमेंट भी होने वाला है यहाँ पर और हो चुका है टीम में अजंकिया को अजंकिया रहाने को सब्स्टिट्यूट किया गया है उनको अब बेंच पे देखेंगे आप और उसके साथ साथ मथीसा पथी राना इन आ चुके हैं तो बेसिकली रहाने रहाना हाँ नहीं रहाने रहाना <laughs> अब टीम में आज के मैच के लिए एटलीस्ट ये थर्ड माइक क्या अभी देखते काम करता है नहीं बोलिए परितोष फॉर अ सेकंड हां जी तो जो सेकंड इनिंग्स है वो शुरू होने वाली है यहां पर मथीसा पतेराना को गेंद दी गई है और पहली गे पहला ओवर वही नहीं पहला ओवर करा रहे हैं तुषार देश पांडे रन का टारगेट है ऑन तो है, स्ट्राइक हैं रोहित शर्मा पहली गेंद और सीधी बल्ले से खेला गया उसको और डिफेंड किया कोई रन नहीं डॉट बॉल होगी ये इनिंग्स की शुरुआत एक डॉट बॉल के साथ तुषार देश पांडे कराएंगे पहला ओवर तो पथराना को शायद थोड़ा लेटर ऑन देखें या हो सकता है सेकंड ओवर भी लेके आ जाए वो शायद उनको अप करने का मौका दिया जा रहा है फील्ड में आप थोड़ी देर भागें फिर उसके बाद बॉलिंग कराएं तो सत्यम क्या लगता है क्या आज ये टोटल मुंबई चेस कर पाएगा या फिर जो महेंद्र सिंह की पारी है महेंद्र सिंह धोनी की वो ख़त्म कर देगी बा, बाकी सब कुछ महेंद्र सिंह धोनी की पारी आज एक बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा करने वाली है ये मैं आपको बताना चाहूँगा ठीक है और ये क्या गेंदबाजी थी तो शारदेश पांडे ने आ, बहुत सीधी हुई गेंदबाजी करी है अभी तक दो गेंदों में दूसरी गेंद जो थी वो आउटसाइड ऑफ स्टंप कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी से जाती हुई रोहित शर्मा के बल्ले के बहुत नज़दीक से निकली उसे खेलना चाहते थे आगे की दिशा में लेकिन उसी दौरान अपना विकेट भी दे सकते थे अच्छी गेंदबाजी तो शारदेश पांडे अभी तक डिसिप्लिन लग रहे हैं तीसरी गेंद पावर प्ले की सेकेंड इनिंग्स में रोहित शर्मा ने इसको एक बार फिर डिफेंड किया है तीन गेंद तीन डॉट बॉल्स तुषार तो देश पांडे ने अभी तक बहुत अच्छी गेंदबाजी करी है ये बिल्कुल भी शुरुआत वो नहीं है जो शायद

कोई रन नहीं एक बार फिर चार्ट डॉट डिलीवरीज टू स्टार्ट ऑफ थिंग्स फॉर चेन्नई सुपर किंग्स तो शारदेश पांडे ने बहुत ही डिसिप्लिन गेंदबाजी करी है अभी तक लगातार मुंबई इंडियंस ने एक शुरुआत ख़राब होने के बाद कम करने की आदत सी बना ली है लेकिन आज क्या वो कम का जो लय थी क्योंकि दो मैचेस जीते हैं उसके बाद क्या आज वो लय बनी रहेगी या फिर चेन्नई बोल देगा कि नहीं जी आप रुक जाइए आप ट्रेन दूसरे स्टेशन से शुरू करिएगा अगले गेम में क्योंकि हम लोग तो कहीं नहीं जाने वाले ये पांचवी गेंद इसको हल्का सा फ्लिक किया है लेग साइड पर स्क्वायर ऑफ द विकेट चार रन मिलेंगे रेस कर जाएगी गेंद शानदार बैटिंग रोहित शर्मा ने अपना खाता खोल लिया है और खाता खोल लिया है मुंबई इंडियन चेज में इन स्टाइल तो ये पहले रन हैं मुंबई की पारी में चार बगैर नुकसान इस समय स्कोर हो गया है पांच गेंदों के बाद मुंबई की टीम का और बहुत जबरदस्त शॉट है रोहित शर्मा के बल्ले से एक्चुअली गेंद भी खराब थी गेंद थी लेग पे वही और उसकी वजह से आराम से ये चौका रोहित शर्मा के की, की प्ले देखो आप हल्का सा भी मार्जिन देंगे और खासकर पावर प्ले में जब आप फील्ड सेट ऑफ साइड रखा हुआ है तो ये होना ही था ऑफ स्ट्रम्प के बाहर की गेंद थी लेंथ बॉल जिसको स्टेयर किया गया शॉर्ट थर्ड मैन के आसपास गेंद को रोक लेंगे जडेजा एक रन दौड़ के पूरा किया जाएगा और पाँच बगैर नुकसान हो जाएगा मुंबई का स्कोर पहले ओवर की समाप्ति के बाद एक सौ चौदह गेंदों पर दो सौ दो रनों की जरूरत है यहां से इस मुकाबले को जीतने के लिए दो सौ रन बनाए चेन्नई ने अपने कोटे के बीस ओवरों में और एंड में महेंद्र सिंह धोनी की बल्लेबाजी जो लास्ट ओवर में थी वो क्रूशियल थी अगर वो बैटिंग नहीं हुई होती आते ही तीन गेंदों पर तीन छक्के नहीं मारते दो सौ रन नहीं बनने वाले थे लेकिन हमेशा दो सौ रनों का एक मनोवैज्ञानिक अंतर होता है अगर बापे 199 बनाए 200 बनाए अंतर होता है अगर 206 अगर 189 होता मान लीजिए वो 20 रन ऑड नहीं 190 वो। होता वो भी 190 भी, कुछ होता भी, तो होता। भी उतना फर्क नहीं पड़ता वो जो और खासकर जो पहले तो बॉलर पे प्रेशर पड़ता है फाइनल ओवर मैंने खराब कर दिया 10 बार दिमाग चल ऊपर से अगर वो बॉलर ये पहली गेंद अगले ओवर की और उसको प्लेस कर दिया है पीछे की दिशा में बहुत आराम से हल्का सा बैट लगाया क्योंकि ये पुअर गेंदबाजी यहाँ पर मुस्तफिजुर रहमान को गेंदबाजी दी गई थी और पहली गेंद को चार रन में तब्दील कर दिया है लेग साइड पर फाइनल की दिशा में कोई फील्डर मौजूद नहीं चार रन बटोर लिए रोहित शर्मा ने ख़राब गेंद जो दो चौके अभी तक पड़े हैं दोनों खराब गेंदों पर पड़े हैं लेग पे हाँ भाई पैड पे और रोहित अगर पैड पे आप गेंद देंगे तो फिर तो भगवान मालिक है बोला था ना धोनी बैटिंग करेंगे और स्क्रिप्ट जो लिख दी है स्क, स्कोर प्रिडिक्ट मत करा करो <laughs> जय शाह जी का कमेंट आया थैंक यू जय शाह जी लेसन लर्न ऑल राइट थैंक यू इस ओवर की दूसरी गेंद पे एक सिंगल मिल जाएगा और इस सिंगल के साथ स्कोर हो जाएगा मुंबई की टीम का डबल डिजिट्स में दस बगैर नुकसान एक दशमलव दो ओवरों के बाद इस बार कहीं बेहतर गेंद थी रहमान की चोट के बाद मुस्तफीजर रहमान की भी वापसी हो रही है हालांकि पहले फॉर मुंबई Uh, एक आध सीजन पहले ना ही ऑल्सो प्लेड फॉर नॉट के दिल्ली के लिए खेले थे सनराइजर्स के लिए खेले किसी टीम के लिए तो खेले थे खैर uh, वो इंपॉर्टेंट नहीं इम्पॉर्टेंट ये है कि अभी चेन्नई के लिए खेल रहे हैं आपको बताएंगे कौन सी टीम के लिए खेल रहे थे वो थोड़ी देर में uh, और लास्ट uh, दो मैचेस जो मुंबई में हुए हैं वो दोनों ही अच्छे खासे बड़े स्कोरिंग मैच थे जिनमें दोनों में जीत हासिल हुई मुंबई को यह तीसरा गेम है वानखेड़े पे लगातार

लेकिन चेन्नई में तो एक आंकड़े दिखा रहा हूँ उनके ठीक है ये देखिए ये है मुस्तफुर के आंकड़े साल दर साल दो हजार सोलह में भी वो खेले थे दो हजार सोलह में उन्होंने सोलह मैचों में छह दशमलव नौ शून्य की इकोनमी से सत्रह विकटे ली थी सोलह मुकाबलों में दो हजार सोलह की बात है ये और सत्रह के बाद से आप खुद देख सकते हैं इकॉनमी ये देखिए और विक्टें ये रही तो ही इज़ ऑलवेज एंड अबाउट पिछले आ, साल जरूर थोड़े महंगे साबित हुए थे साढ़े ग्यारह की इकॉनमी थी जो दो हजार सत्रह के बाद से सबसे, सबसे हाँ ज्यादा वही है बट उसके अलावा आप देखें तो नौ के नीचे की इकॉनमी से हर साल बोलिंग करते हैं तो कंसिस्टेंटली अच्छा करने वाले गेंदबाज हैं वो दो ही मैचेस खेले थे

मज़ा आ गया भैया धोनी की बैटिंग कैसी लगी भाई तगड़ी आप रिएक्शन देखिए थोड़ा पीछे जाइए धोनी बैटिंग करने आए थे तो हम किस तरीके से आह्लादित हुए थे आप देख पाएंगे जब जाएंगे थोड़ा सा पीछे मज़ा ही आ गया और फिर वही है ना जब आते हैं धोनी तीन चार बोलें होती है वो ऐसे खेलते हैं तो हम यही सोचते हैं कि वो पहले क्यों नहीं आते क्योंकि अगर वो पहले आए तो भाई बना देंगे वो अपने करियर में भी ऐसे ही रहे कि थोड़ा पहले ही टेक uh, ऑफ कर लो कि लोग यही सोचते रहे कि थोड़ा और शायद हो जाता तो क्या ऐसा लगता लेकिन ये ना हो पाए कि लोग बोले कि यार थोड़े जल्दी ही रिटायर हो जाते <laughs> वो नहीं होने दिया है वो हो चुका है ऑलरेडी किसके साथ धोनी के साथ, <coughs> साथ? कि और रिटायर जल्दी हो जाते आई मतलब आईपीएल में जितना घटिया खेले हैं कुछ समय उसके बाद तो लोग बोलने लग गए थे ना कि जो लेगेसी थी बर्बाद कर रहे हो क्यों कर रहे हो ये बट अब क्योंकि इतना कम खेलते हैं मे बी कोई प्रेशर वगैरह लेते नहीं है ही इज टोटली डिफरेंट दिस ईयर ही इज टोटली डिफरेंट मैन लेकिन बात यह है। है कि अगर एक सीज़न उनको इस तरह से बोला भी गया है ना कि क्यों खेलते हो उसके बाद वो जीत जाते हैं टाइटल फिर उसके बाद वो क्वेश्चंस दोबारा दब जाते हैं एज अ कैप्टन तो धोनी को कभी क्वेश्चन किया ही नहीं गया लेकिन एज अ बैट्समैन बीच बीच में ऐसे मौके आए हैं इंडिया आ, मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर होने के बाद जब आपको लगा कि मे बी अब ज़्यादा कर रहे हैं वो नहीं करना चाहिए बट ये सीजन अलग है इस सीजन धोनी की बैटिंग नेक्स्ट लेवल है शॉर्ट बॉल थे पुल कर दिया है ईशान किशन ने गेंद जा रही है डीप मिड विकेट की ओर उसको कोई रोक नहीं पाएगा और चौके के साथ पांच में पहुंच जाएंगे ईशान किशन मुंबई का स्कोर हो जाएगा सत्रह बगैर नुकसान कोई एक दीजिए बोलर जिससे कंपेयर कर सके हम रहमान को सेवन पॉइंट नाइन फोर ठीक है और एक काम करते हैं हम देखते हैं इस साल की बेस्ट इकॉनमी क्या है लोगों की ठीक है जबकि इस साल लोगों की ज़्यादा पिटाई हो रही है है ना आ, तब भी बेस्ट इकॉनमी वाले बोलर्स देखते हैं जो पिछले सालों से ज्यादा इकोनॉमी के साथ इस साल ऊपर हैं शॉर्ट बॉल कट किया गया है गेंद जा रही है डीप में पॉइंट की ओर एक रन मिल जाएगा और स्कोर हो जाएगा इस सिंगल के साथ अट्ठारह बगैर नुकसान दो दशमलव तीन ओवरों के बाद मैं आपको इस साल के टॉप फाइव बोलर्स दिखाता हूँ उन सब की इकॉनमी है छ के आसपास पास मयंक यादव जसप्रीत बुमराह खैर बुमराह तो नॉर्मली है <laughs> केशव महाराज तो और जो सुनील इस साल के टॉप टेन गेंदबाज हैं जो दसवें नंबर पे होगा दसवें नंबर पे हैं ट्रेंट बोल्ट सेवन पॉइंट थ्री जीरो की उनकी इकॉनमी है लेकिन इतना है ना, एक तो पॉइंट टू फाइव पॉइंट थ्री जीरो से प्लेस चेंज हो जा रही है नहीं तो ओवरऑल तो, जो है उनका करियर का फ़िगर है वो इस साल टॉप टेन में आ जाएगा आ, हाँ। तो आप इसको ऐसे देखिए बेसिकली हाँ उनका अगर ओवरऑल uh, हाँ। परफॉर्मेंस देखा जाए पियर का तो बिल्कुल एटलीस्ट टॉप टेन लाइक तो है तो uh, मेरा जो परसेप्शन था वो गलत प्रूफ हुआ थोड़ा सा <laughs> क्यों नहीं क्योंकि मैं तो

स्मैश कर दिया मिड विकेट के ऊपर से छः रन के लिए इस गेंद को और इसी के साथ साथ ये छः रन बटोर कर मुंबई इंडियंस की गाड़ी को और गति दी है लोग कह रहे हैं जी कि ट्रेंट, ट्रेंट बोल्ट के साथ कंपेयर करो तो ट्रेंड बोल्ट के आंकड़े आप देख लीजिए भाई उनकी इकॉनमी बहुत ज़्यादा है एक रन पर ओवर ज़्यादा देते हैं वो अपने करियर में ट्रेंट बोल्ट रहमान के मुकाबले और उसका कारण ये है कि रहमान कटर्स का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल करते हैं तो जो भी बॉलर कटर्स डालेगा बार बार जो भी गति का बार बार छेड़छाड़ गति से करेगा उस पर उतने रन मार नहीं सकते आप तो वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है उनके पास तीन ओवरों का खेल हो चुका है पूरा पच्चीस बगैर नुकसान स्कोर है मुंबई की टीम का एक गेंदों पर एक रनों की ज़रूरत है यहाँ से इस मुकाबले को जीतने के लिए कमेंट्स की तरफ चलते हैं ये मैच तो अच्छा होगा इसमें कोई शक नहीं है आ, लाला भाई का कहना है कि रोहित का विकेट 3.5 पॉइंट जड्डू अच्छा चौथे मतलब तो इसी ओवर में आप कह रहे हैं नहीं भाई आपका बॉलर वाला प्रोडिक्शन गलत हो गया क्योंकि शरदुल ठाकुर आ गए गेंदबाजी करने के लिए आई थिंक स्काई का विकेट पथिराना या फिर तीक्षण ओके ठीक है देखते हैं क्या किसी भारतीय बल्लेबाज ने मुस्तफ़र के धागे नहीं खोले हैं मतलब ऐसे मुझे याद तो नहीं आएगा आ, एक बार धोनी ने उनको रगड़ दिया था लेकिन रन नहीं मारे थे धोनी ने उनको मारा था आप लोगों को याद है एक बार धोनी ने उनको धक्का दे दिया था नहीं नहीं बाइलेट्रल सीरीज अच्छा था बांग्लादेश में सीरीज थी और यही वो वाले इंसिडेंट्स हैं जिनके बाद इंडिया और बांग्लादेश की राइवलरी स्टार्ट हुई थी जो चरम पे पहुंच गई थी 2015 वर्ल्ड कप में जब रोहित का कैच लिया गया था स्क्वायर लेग पे और वो नो दे दी गई थी और फिर रोहित ने उसके बाद भूस भर दिया था बांग्लादेश में

ये <laughs> दुखती रख दे जवाब सत्यम भाई का दिल टूट गया इतनी सी बात पे कोई बात नहीं मैं भी एक ही कश्ती में हूँ हम लोग सब यही करते हैं ठीक है ने लास्ट बॉल पे सिक्स मारा था निदहास ट्रॉफी फाइनल में ही वाज नॉट द बॉलर मुस्तफिजुर वाज नॉट द बॉलर रूबेल हुसैन नहीं 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 कोई और ही था रूबेल भी नहीं थे सब्बीर आई थिंक सब्बीर थे चलो मैं चेक करता हूँ एक सेकेंड सॉरी Uh, चौथा ओवर ईशान किशन है ऑन स्ट्राइक पांच गेंदों पे छह रन बनाकर खेल रहे हैं वो uh, शार्दुल ठाकुर uh, अपना पहला ओवर करा रहे हैं यहाँ पर दूसरी गेंद uh, लेफ्ट हैंड बैट्समैन ईशान किशन की तरफ और पुल कर दिया है बहुत आठ स्क्वायर ऑफ द विकेट छह रन मिलेंगे <laughs> और शार्दुल ठाकुर uh, जिनको लॉर्ड के नाम से भी जानते हैं कई लोग उनका स्वागत कर दिया है यहाँ पर ईशान किशन ने सबीर नहीं था सौम्य सरकार थे शक्ल याद आ रही थी, थी मेरे को बट नाम याद नहीं, नहीं आ रहा था सौम्य सरकार बत्तीस बगैर नुकसान मुंबई का स्कोर हो गया तीन दशमलव दो ओवरों के बाद और ईशान किशन के बल्ले से पहला छक्का है बारह पे वो पहुंच गए हैं परमेश्वर जी बिल्कुल सरकार थे वो सौम्य सरकार उन्यासी मीटर का छक्का मारा है इस गेंद पर ईशान किशन ने दाएं हाथ से ओवर द विकेट ड्राइव किया गेंद को शॉट अच्छा है गैप में भी एक्स्ट्रा कवर की ओर तीस गज के घेरे के अंदर जो खिलाड़ी हो तो कुछ कर नहीं पाया बाउंड्री पे कवर पॉइंट है उसके लिए बहुत दूर गेंद रह गई और चौका मिल गया बैक टू बैक दो बड़े शॉट्स दस रन पहले तीन गेंदों पे इनफैक्ट ग्यारह छत्तीस बगैर नुकसान मुंबई तीन दशमलव तीन ओवरों के बाद शुरुआत में खासकर जब हमने देखा था कि पहले ओवर में बिल्कुल रन नहीं आए थे, एक चौके से रंस थे. Hmm. उसके बाद से तो बहुत बढ़िया कवर किया है अभी तक और बाई द एंड ऑफ भी होते हैं तो और काफ़ी लोग आए हुए हैं सपोर्ट करने मुंबई को आज क्योंकि बड़ा मैच है महेंद्र सिंह धोनी खेल रहे हैं तो जो आ, फिल्म इंडस्ट्री है उसके काफ़ी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज दिखेंगे क्राउड में ईशान किशन ने स्ट्राइक ले लिया है यहाँ पर नाचौण और ईशान किशन ने ऑलमोस्ट रीड कर लिया था लेकिन इस बार पेस ऑफ गेंदबाजी शार्दुल ठाकुर की तरफ से उन्होंने स्लोअर वन डाली और एक सिंगल मिला ईशान किशन को और रोहित शर्मा अब ऑन स्ट्राइक होंगे यहाँ पर ईशान किशन कुछ बता रहे हैं शार्दुल ठाकुर को शार्दुल ठाकुर के बारे में रोहित शर्मा को <laughs> <laughs> कि अगली बॉल इस तरह की होने वाली है <laughs> देख लो भैया सुधांशु हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो कह रहे हैं हेलो भैया हेलो क्या हाल है आपके इस ओवर की पांचवीं गेंद आ रही है दाएँ हाथ से ओवर द विकेट दाएँ हाथ के बल्लेबाज के लिए शॉर्ट बॉल ऑस्ट्रम के बाहर सीधे बैट का प्रयोग खेला उसको कवर एक्स्ट्रा कवर की ओर देश पांडे के पास गेंद गई कोई रन नहीं सैंतीस बगैर नुकसान मुंबई तीन दशमलव ओवरों के बाद तेईस गेंदों पर सैंतीस रनों की साझेदारी अब तक हुई है इन दोनों खिलाड़ियों के बीच स्टिल सी एस के फैंस आर डॉमिनेटिंग फैंस विल ऑलवेज डोमिनेट बिकॉज दैट्स हाउ इट्स बीन चार ओवरों का खेल हो जाएगा पूरा लास्ट बॉल पे एक सिंगल अड़तीस बगैर नुकसान मुंबई का स्कोर छियानवे गेंदों पे एक रनों की जरूरत है लास्ट uh, बॉल जो थी वो इतनी शॉर्ट थी नहीं लेंथ बॉल को पुल और स्वीप के बीच का शॉट खेलते हुए डीप स्क्वायर लेग पे जडेजा गेंदों सौ उनहत्तर रनों की जरूरत है आ, लाला जुड़ रहे हैं गुड इवनिंग शिवम पंडित जी और लाला भाई लिख रहे थे कि रोहित का विकेट फाइव ले लिया जड्डू नहीं हुआ पाया वो ऐसा। तो नहीं हो पाया नहीं वो नहीं हो पाया <laughs> और अब एक और प्रडिक्शन उनका उससे पहले आई थिंक स्काई का विकेट पथिराना या फिर थीक्साना लेंगे वो तो तब पता चलेगा जब स्काई उतरेंगे खेलने <laughs> <laughs> तब देखते हैं क्या होता है सुमित स्काउट गाइड इंडिया सर कौन जीत रहा है आज चेन्नई के लिए बहुत बढ़िया प्लेटर पे है ये मैच डिपेंड करता है विकेट ले पाते हैं कि नहीं और अगर विकेट नहीं ले पाए तो मुंबई इज फुली केपेबल ऑफ चेजिंग दिस क्योंकि पिछले दो मैचेस जो वानखेड़े में हो उसमें भी एक में 205 और एक में एक सौ निन्यानवे बनाए आगे बढ़कर प्लेस कर दिया है इसे मिड ऑफ के फील्डर के ऊपर से और एक बाउंस ओवर द रोप्स चार रन मिलेंगे रोहित शर्मा को अप्रोच में कोई भी कमी नहीं है और इस बार फिर आ, कटर का इस्तेमाल किया था मुस्तफ़ीज़ुलरहमान ने वन वन सिक्स थी बॉल की स्पीड जो कि उनकी नॉर्मल एवरेज स्पीड से काफ़ी कम थी लेकिन उसको रीड कर लिया आगे बढ़कर स्लैम uh, कर दिया ओवर द मिड ऑफ फील्डर चार रन ले लिए पहली गेंद पर एक अच्छा स्टार्ट अब मुंबई इंडियंस के लिए प्रूव होता हो पहला ओवर जितना स्लो था उसके बाद बहुत बढ़िया पेस पकड़ लिया है मुंबई ने एम uh, आई जीतेगा ये अब्धूत जी कह रहे हैं इस ओवर की अगली गेंद दूसरी गेंद है ये बाएं हाथ से ओवर द विकेट और के बाहर से पुल कर दिया ये बेस्ट शॉट है आज के दिन का ब्यूटीफुल स्टॉप द प्रेस बेस्ट शॉट यह आज के दिन का बहुत बढ़िया शॉट बताइए प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट रीड कर लिया अर्ली ऑन थोड़ा सा length खीची थी मुस्तफिजुर रहमान ने लेकिन जो फेमस रोहित पुल जिसको hmm. सब जानते हैं well awesome. well awesome, बिल्कुल और uh, क्या this ही शॉर्ट मतलब hmm. एक बोलते हैं कि टेक्स्ट बुक अगर आप कोई शॉट खेल सकते हैं वो ये वाला शॉट है रोहित शर्मा का मतलब एग्जैक्ट इससे इससे परफेक्ट नहीं खेला जा सकता में गेंद गई ऑल्सो मोर इम्प्रेसिव क्योंकि एंगल की वजह से बाएं हाथ से ओवर द विकेट बॉलिंग कर रहे हैं राइट हैंड बैट्समैन को आउट साइड दम गेंद पिच हुई और बाहर निकल रही थी hmm. और उसको पुल करना इस कन्विक्शन के साथ और ऐसा भी नहीं है कि ज्यादा स्ट्रेच किया है नहीं खड़े खड़े मारा नॉर्मली खड़े खड़े मारा बहुत बढ़िया पे और वन ऑफ दोस्ट शॉट जैसे कोहली या कवर ड्राइव बोलते हैं वैसे रोहित शर्मा का पुल है तो वो आज देखने मिल गया है हमें सत्रह गेंद ऊपर पच्चीस रन बनाकर खेल रहे हैं रोहित शर्मा माफ कीजिएगा इकतीस अट्ठारह पे और उसके बाद अब पुश कर दिया है डाउन द ग्राउंड लॉन्ग ऑफ की दिशा में और एक सिंगल लेंगे रोहित शर्मा ईशान किशन बैक ऑन स्ट्राइक आ, ये पार्टनरशिप अब 50 रन की होने वाली है जी हाँ एक रन दूर है अब पचास रन से ये पार्टनरशिप उनतालीस रन हो चुके हैं उनचास रन हो चुके हैं माफ़ कीजिएगा मुंबई इंडियंस के चार दशमलव तीन ओवरों में शानदार स्टार्ट है ये तो अभी तक मुंबई इंडियंस का इससे बढ़िया स्टार्ट शायद ही एक्सपेक्ट कर रहे होंगे वो लोग क्योंकि अभी तक कोई विकेट नहीं गया है रनस भी ऑन द बोर्ड है

और गेंद को बल्ले पे नहीं लिया जा सका बहुत मतलब परेशान नजर आए इस मौके पर ईशान किशन हालांकि इतना ज्यादा गेंद मूव कर रही थी कि भैया आउट तो नहीं होते वो और एक और इंटरेस्टिंग साइट है कि इस पार्टनरशिप के साथ अब रोहित शर्मा और ईशान किशन की पार्टनरशिप मोस्ट रन्स वाली ओपनिंग पार्टनरशिप बन गई है मुंबई इंडियंस के लिए पांचवी गेंद और इसको खेल दिया है यहाँ पर कवर की दिशा में वहाँ पर शॉर्ट कवर फील्डर मौजूद डायरल मिचल हैं जी हाँ और कोई रन नहीं मिलेगा ईशान किशन को डॉट बॉल दो लगातार डॉट डिलीवरीज लेकिन इस इस ओवर में भी इनफ डैमेज हो चुका है ग्यारह रन आ चुके हैं शुरुआत के तीन गेंद में अगर अगली बॉल भी डॉट होती है तो मुंबई इंडियंस बहुत वरिड नहीं होंगे हाँ इसके बाद पावर प्लो पार प्ले का एक और ओवर है तो यहाँ से अगर दस रन भी उसमें आते हैं इट्स अ ग्रेट स्टार्ट साठ रन छः ओवर में चेजिंग टू जीरो सिक्स विदाउट लूजिंग अ विकेट बहुत एक विकेट भी होता है तो भी है, तो भी दे वुडेंट है वरिड तो मुंबई इंडियंस के फैंस के लिए चीयर करने के लिए बहुत कुछ है यहाँ पर आखिरी गेंद इस ओवर की और उसको खेला है इस बार कवर की दिशा में चीर देंगे थर्टी एट <laughs> सर्कल और चार रन मिल जाएंगे ईशान किशन को मुझे डायलॉग याद आया किसका दूध मांगोगे तो खीर देंगे <laughs> चीर देंगे से तो मुझे वही याद आता है आई ओल्ड गाइस खैर डजेंट मैटर वो भी नहीं देंगे <laughs> 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 ये नहीं आता तो बहुत अच्छा ओवर साबित होता है मुंबई इंडियंस के लिए क्योंकि इसमें आ गए पंद्रह रन इसी के साथ साथ पचास रन की पार्टनरशिप भी हो गई है फिर पन्न रन हो चुके हैं अभी तक मुंबई इंडियंस के मुझे तो लग रहा है बहुत बढ़िया स्टार्ट है इसमें कुछ भी कमी नहीं है और खासकर जब इस बात को फैक्टर इन किया जाए कि शुरुआत में चार डॉट डिलीवरीज हमने देखी थी कोई रन नहीं आ रहे थे उसके बाद से तो अभी तक बहुत ही बढ़िया खेला है सही बात है अच्छा तो नए ओवर की शुरुआत हो रही है पहली गेंद लीडिंग एज लगा गेंद गैप में लेकर निकल जाएगी शरदुल ठाकुर की गेंद थी दो रन थोड़ा बहुत स्विंग उनको भी हासिल हो रहा है दो रनों के लिए लोग दोनों भाग जाएंगे बैट्समैन और इन दो रनों के साथ स्कोर हो जाएगा मुंबई का पचपन बगैर नुकसान पांच दशमलव एक ओवरों के बाद कॉमेंट आ रहा राजू सॉरी परितोष विच टीम हैज मोर फैंस तो एट दिस पॉइंट ही हैज नॉट सेड टीम द मोस्ट फैंस He is fan. In, मतलग, I think ये दो इन दोनों टीमों हाँ। की बात कर तो है। हाँ, तो तो हाँ, रहे हैं हटते हुए लो फुल टॉस थी उसको उन्होंने चिप कर दिया था इन फील्ड के ऊपर से ऑन साइड में ऑन ड्राइव लेकिन हवा में चार रन रोहित बढ़िया बैटिंग रोहित शर्मा ने इतना इनको खेलते देखकर मुझे लगता है कि इतना इजी कैसे हो सकता है इतना इजी कैसे दिखा सकता है कोई खेलना इतने इजीली खेलते इतना कंफर्ट वो जब बार प्ले में खेलना टू इजी फॉर रोहित शर्मा हाँ मतलब नहीं? सब कुछ उनके फेवर में ही हो गया अगर कोई हेड लूज करके में विकेट ना दे अपना तो फिर तो क्या करोगे अच्छा और कमाल की बात है कि पिछले मैच में Because you did not have to score as many runs, so mm -hmm. Rohit was not that aggressive. Mm -hmm. Ishan Kishan went off, mm -hmm. teed off, but Rohit was playing uh, second fiddle mostly. Uh -huh. लेकिन यहाँ वो कह रहे हैं नहीं नहीं भाई आज तो मैं भी हूँ पिछले एक आध सीजन में क्रिटिसिज्म कितना ज्यादा हो रहा था रोहित शर्मा का कि मतलब नहीं खेल पा रहे हैं नहीं हो पाएगा लेकिन आप देखो अप्रोच ही चेंज हो गया है वर्ल्ड कप से और अभी इस बार भी क्या आपको लगता है कि कप्तानी जाने से भले ही दुख हुआ हो वैसे कि यार कप्तानी चली गई और जिस अंदाज में गई बट थोड़ा फ्रीइंग हाँ, एक्सपीरियंस भी है हो सकता है फर्क बंद हो हो गया कि अब मैं बैटिंग पे फोकस भाड़ में जाए क्या करना है भाई ये भी हो सकता है लेकिन वो एनालाइज तो कर रहे हैं जिस तरह की क्रिकेटिंग ब्रेन है क्योंकि उनको अभी दिमाग में वर्ल्ड कप तो चल रहा है

खींचा गया है शार्दुल ठाकुर द्वारा और अपने शॉट को भी एडजस्ट किया रोहित शर्मा ने और फिर भी चार रन बटोर लिए स्क्वायर विकेट पॉइंट और कवर के बीच में मारा इसको और चार रन बटोर लिए भाई आई होप कि चेन्नई आराम से ना हारे मैच क्योंकि ये बहुत इजी लग रहा है अभी तो क्योंकि फिर मजा नहीं आएगा यार पॉइंट और बैकवर्ड पॉइंट के बीच से माफ कीजिएगा कोई मजा नहीं आएगा मुझे चाहिए कि संघर्ष जिस तरह की लेकिन बैटिंग हो रही है उसमें संघर्ष दिख नहीं रहा है आराम से अर्जेंटली अर्जेंटली एक विकेट चाहिए चेन्नई को मैच में बने रहना है ये तो ये शॉट मतलब लोगों को लगेगा कि ये नॉर्मल शॉट था लेकिन ही केम फॉरवर्ड टू प्लेड डाउन द ग्राउंड हाँ लेकिन एंड में क्या किया लेंथ खींच दी तो उन्होंने बोला ठीक है इधर खा लो आप पॉइंट और बैकवर्ड पॉइंट के बीच में चार रन ये अमन सिंह जी मुझे ललकार रहे हैं क्या? ब्लॉक कर दो मुझे क्यों <laughs> कह रहे सबसे ज्यादा डीसी के फैन है एक तो अभी कमेंट्री कर रहा है डीसी <laughs> <laughs> के फैन जिस दिन सबसे ज्यादा हो गए उस दिन आईपीएल होना बंद हो जाएगा डीपी आरसीबी अभी लास्ट पे है वो uh, क्या बोल रहे हैं डीपी बोल्ट आरसीबी भी डीपी वोल्ट नहीं है डीपी बोल्ट को रिप्लाई कर रहे हैं अर्जुन

जो पहली पारी में पार प्ले था वो था 50 -50, ये हो गया एक तरफा। वो लगा लगा लो 80 -20 लगा लो उससे आगे मत जाना बट एक तरफा है और इसने क्या किया है ना वो दो सौ का जो दिमाग में चल रहा होगा ना जो भी नहीं कर... वो खुमार जो था वो उतार दिया है वो खत्म कर दिया है वो जो, का वो जो फ्लरी हाँ। खत्म हो गया है तो कर पाई चेन्नई नहीं मौका था स्टेडियम में माहौल भी उस तरह का था कि प्रो चेन्नई फैंस जो थे वो उनकी वॉइसिस में थोड़ा सा उम्फ होगा hmm. आपके पास मौका था आप बोलर कुछ करते शुरुआत में तो शायद एक डिफरेंट सिनारी होता लेकिन और यहाँ से मुझे चेन्नई के चांसेस बहुत माइन्यूट लग रहे हैं बहुत अर्ली है ये अभी बोलना लेकिन आप बैटिंग लाइनअप देखिए ना अभी तक तो का इम्पैक्ट सब्सिट्यूशन भी नहीं हुआ है, सही है

थोड़ा शब्दों को होल्ड करके। नहीं तो जोक्स, <laughs> नहीं, नहीं। भाई को समझ आता भाई। ये सब। लेकिन कई लोगों को समझ नहीं आएगा तो फिर हम क्या करेंगे <laughs> <laughs> जश्नप्रीत सिंह जी कह रहे हैं ए साल कब रह <laughs> हर साल कब रह टाइम आउट की हो गई समाप्ति सातवें ओवर की शुरुआत हो रही है और पहली गेंद लेकर तैयार है रवि जडेजा फाइनली स्पिन आक्रमण uh, में और भाई उसकी वजह से जो गति का फायदा उठाते थे पावर प्ले के दौरान उठा रहे थे रोहित और ईशान अब देखते हैं कि क्या अप्रोच होता है नाउ दैट थोड़ा चेंज द पेस इज नॉट देयर थोड़ा चेंज तो करना पड़ेगा अप्रोच फील्ड फैल गई है ऑन साइड में स्क्वायर लेग है बिहाइंड स्क्वायर मिड विकेट है और लॉन्ग ऑन है ऑफ साइड में पॉइंट पे खिलाड़ी है और एक खिलाड़ी है लॉन्ग ऑफ पर तो बाउंड्रीज तो सारी कवर कर ली है ऑलमोस्ट ईशान किशन क्या करेंगे पहली गेंद उसको फिर पुल किया है और हालांकि फील्डर मौजूद होगा इस समय मिड विकेट की दिशा में तो सिर्फ एक सिंगल मिल पाएगा ईशान किशन को रोहित शर्मा बैक ऑन स्ट्राइक 25 गेंद में बैलेंस बनाकर खेल रहे हैं रोहित शर्मा यार एक कमेंट आया तीन चार साल पुराना लगता है रोहित शर्मा एक कमेंट आया इंजीनियरिंग बीस का वो कह रहे हैं भाई एक रिक्वेस्ट है स्क्रीन पे दोनों टीमों का फाइनल स्कोर शो करवाइए प्लीज बिल्कुल होता है देखिए यहाँ आप देख सकते हैं चेन्नई का जो स्कोर है मैं आपको दिखाता हूँ वेट देखो आप स्क्रीन पे मैं इसको सेलेक्ट क्यों नहीं कर पा रहा सॉरी कुछ और ही हो गया वो <laughs> कर दूंगा मैं कर दूंगा अभी एक तो तब तक आपको आ, मैच का लेखा जोखा बताते रहते हैं दूसरी गेंद जो है वो लेकर आ रहे हैं अब सातवें ओवर की रविंद्र जडेजा और इसको फेस करेंगे रोहित शर्मा आ, डिफेंसिव स्ट्रोक इस बार ऑफ साइड की दिशा में पॉइंट की दिशा में खेला गया शार्दुल ठाकुर वहाँ पर मौजूद एक सिंगल लेंगे रोहित शर्मा एक ही रन आएगा और ईशान किशन अब बैक ऑन स्ट्राइक अगर सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट की बात की जाए इस मैच में जिन्होंने कम से कम दस गेंदें खेली उसमें टॉप पर हैं अभी ईशान किशन इस बार आउटसाइड ऑफ स्टर्म गेंद थी रविंद्र जडेजा की ईशान किशन को उसको कट करने गए थे कोई कांटेक्ट नहीं सीधा महेंद्र सिंह धोनी के सेफ uh, हाथों में गेंद और डॉट बॉल चौथी गेंद इस बार फिर वही शॉट खेलेंगे इस बार कनेक्शन है वहाँ पर फील्डर है हालांकि पॉइंट की दिशा में तो सिर्फ एक सिंगल मिल पाएगा तो अप्रोच चेंज ये हुई है कि अभी एनालाइज कर रहे हैं बॉल कैसे हरकत कर रही है स्पिनर आया है आफ्टर मीडियम फास्ट बॉलर्स तो थोड़ा रनस की गति तो बिल्कुल थमी है इस ओवर में चार गेंदों पर सिर्फ तीन रन आए हैं और दो गेंद शेष हैं रोहित शर्मा बैक ऑन स्ट्राइक पांचवी गेंद इस ओवर की छियासठ रन हुए हैं और आ, क्लोज क्लोज कॉल क्योंकि खेल नहीं पाए ढंग से रोहित शर्मा इस गेंद को और हल्की सी देर हवा में थी गेंद ईशान <laughs> किशन रन भागने को आए तो रविंद्र जडेजा वापस आते हुए उनको पकड़ लिया <laughs> कि नहीं जाने दूंगा क्रीज में शॉट। पुल कर दिया है बहुत Sweep. स्वीप किया है पुल नहीं किया है और एक बाउंस ओवर द रोप ऐसा लग रहा था कि सीधा बाउंड्री के बाहर जाएगी गेंद लेकिन चार रन आए हैं इस गेंद पर तो जो ठीक ठाक ओवर चल रहा था चेन्नई के नजरों में उसका सारा का सारा जो मोमेंटम है वो हाँ तो फिर शिफ्ट हो गया मैं ये दिखाना चाहता था इंजीनियरिंग बीस को कि देखो आपको जो छुपता हुआ नजर आ रहा है ना और अब दोबारा से दिखता हुआ वो है फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर वो बड़ा बड़ा बहुत सारे लोग डालते हैं बट फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर वो चीज है जो आप एक बार देखेंगे और आपको याद हो जाएगा कि ये था तो वो इतना बड़ा दिखा के कोई फायदा नहीं है करंट रन रेट रिक्वायर्ड रेट और कितनी गेंदों पर कितने रनों की जरूरत है वो वी कलेक्टिवली डिसाइडेड कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए हम वहाँ दिखाते हैं फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर आपको बॉटम में दिख जाएगा सबके लिए है कि जिसको नहीं पता है वो आके देख सकता है बट वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना करंट रन रेट रिक्वायर्ड रेट और कितनी गेंदों पे कितने रनों की ज़रूरत है वो है मे बी आपको आदत है एक फॉर्मेट की तो उसकी वजह से आपको वो छोटा है तो मज़ा नहीं आ रहा बट यू डोंट नीड टू लुक एट इट ऑल द टाइम वॉट यू लुक एट ऑल द टाइम इन द सेकेंड इनिंग्स करंट रन रेट रिक्वायर्ड रेट और कितने रनों की जरूरत है कितनी गेंदों पे तो आपके सहूलियत के हिसाब से बताया गया समटाइम्स आई गिव यू वॉट यू डिड इवन नो यू नीड इड थैंक मी लेटर विकेट आ गया भैया थैंक मी लेटर तो छोड़ दो पथिराना को बोलो थैंक यू क्योंकि इन्होंने साझेदारी तोड़ दी है शरदुल ठाकुर मिड विकेट पहली पे गे। पहली गेंद उनकी रिकवरी के बाद इंजरी से वापस आते हुए पहली बॉल और विकेट ले लिया ग्रेट वर्क पथिराना सत्तर पे एक मुंबई सात दशमलव एक ओवरों के बाद फाइनली विकेट आता हुआ और एक ऐसी गेंद पर जिस पर एक्सपेक्टेड uh, नहीं था <laughs> थोड़ा फ्लैट शॉट खेला गया सीधा आकर हाथ में आई शार्दुल ठाकुर भी सेलिब्रेट कर रहे हैं ईशान किशन थोड़े डिसअपॉइंटेड है क्योंकि अच्छी लय में लग रहे थे शॉट भी इतना रिस्की नहीं था लेकिन सीधा फील्डर के हाथों में आ गई अरे यार कोई ऐसी बॉल भी नहीं थी बहुत कुछ भी नहीं था इसमें कि विकेट देने वाला कल कुछ हुआ कल हुआ क्या कि विल विल टॉक टॉक अबाउट सुहाना अबाउट दिस लेटर इन मिनट इन अट वउट दिस बिकॉज वी हैव टू फ मेन तो इट विल टेक टाइम एक्चुअली एक फॉर्मैट मिल जाता है आपने सही बोला मतलब सब लोग वैसे ही रखते हैं तो हमें आदत हो गई वैसे देखने की बट सेकेंड इनिंग्स में फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर करंट रन रेट रिक्वायर्ड रेट और कितने रनों की कितनी गेंदों पर जरूरत है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसलिए हाँ वो नीचे है आप देख सकते हैं आपको दिख रहा है 206 पे चार बनाए थे अपने 20 ओवरों में मैं भी जब बताता हूँ तो वही से देख के बताता हूँ मुझे भी याद नहीं रहता फर्स्ट इनिंग्स में एक्जैक्टली exactly कितने रन बने थे बट वो मैं हर बार नहीं देखता मैं तो करंट रन रेट और रिक्वायर्ड रेट देखता हूँ आपको बताता भी मैं वही चीजें हूँ ऊपर आपको वो देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट दे है शायद मुझे लगता है कि कितना रिक्वायर्ड और है क्योंकि जो रन देखी जाते हैं वो कितने बन गए हैं बड़ा बड़ा स्कोर पे खैर क्या कुछ आ, सुहाना ग्रोवर जी कुछ पूछ रही हैं हाँ वो बोल रही हैं कि, कि कल आपने एक नाम लिया था उस नाम के ऊपर प्लीज आज भी बात कीजिए कल रमन नाम का नाम आ, 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 रमन नामक it. नाम। साहिल वाज ऑन कॉल यस साहिल वाज ऑन कॉल आई आई इट ओह यू ओह वी डोंट हैव टू फिल अब उस नाम के बारे में तो बेसिकली वो नाम ऐसा हो गया है कि तू रमन है क्या कोई, कोई ऐसी हरकत करे लोग मतलब मिक्सर को रमन बुला रहे थे कल स्टेडियम को रमन बुला रहे थे अच्छा ये दूसरा पराग है चैनल का ये लग रहा है मुझे और ये वर्दी है ये नाम वर्दी है रिप्लेसमेंट का वैसे ये नाम आपके जीवन में दो बड़े आ, जो मेरे पहले बॉस थे जिन्होंने मुझे मौका दिया था अपनी जिंदगी में सबसे पहले कमेंट्री का उनका नाम था रमन भनोट आपने उनको बहुत बार टीवी पे भी देखा होगा फर्स्ट अंपायर नाम का शो आता था अभी भी आता होगा डीडी पे वो उस पर आते थे बहुत ज्यादा वो मेरे पहले बॉस थे तो ये जो दूसरा वाला रमन था उससे बिल्कुल विपरीत सभ्य शालीन और जेंटलमैन मतलब प्रो मैक्स आ, रमन भनोट नाम है उनका तो लिया है, है चलो बताओ क्या हुआ लेकिन सेलिब्रेट तो अच्छा कर रहे हैं सूर्य कुमार ने कट किया गेंद को पीछे वहां पर मुस्तफिजुर रहमान प्रेजेंट थे और उन्होंने बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे कैच पकड़ा ऑलमोस्ट फेल ओवर इन द प्रोसेस बॉल को हवा I में छोड़ दिया मुझे भी यही लग रहा है, RCB जब स्टेन नहीं जिता है अब की बॉलिंग देख के क्या ही बोले अथर्व कह रहे हैं हाँ भाई आप सही कह रहे हो भाई जो जिस टीम का प्राइम सबसे मेन बोलर है क्लीन कैच ये लो छक्का यहाँ पे दिस इज नो इज इट नॉट इज इट नॉट ग्रेट वर्कमैन वा ब्यूटिफुल हैज डन इट भाई ये विकेट है विकेट है आउट हो गया बल्लेबाज तो सूर्य कुमार यादव आज कुछ नहीं कर पाए लीजिए तो जो रेलगाड़ी थी उसको थोड़ी देर के लिए तो ट्रैक से उतार दिया है चेन्नई तो तो लगातार था

समझ गया आपका को? <laughs> अर्जुन भाई रियान पर आग पहले रमन था अब रमन नहीं है नहीं अब नहीं है भाई पथिराना लेगा स्काई का विकेट किसी भाई ने बोला था जिन भाई ने भी बोला था कि पथिराना विकेट लेगा स्काई का उनको भैया आइसक्रीम भेजेंगे हम कहा है वो लाला में लाला भाई थे, में, लाला आ, भाई थे? दूसरी प्रोडिक्शन सही नहीं हुई लेकिन उसमें ओके कौन था भाई बताओ यार था आई विल गेट योर आइसक्रीम 70 पे दो हो गया मुंबई का स्कोर तो कहां एक समय उनका क्या था भाई सत्तर स्कोर बिना किसी नुकसान सात ओवर के बाद तीन गेंदों में गेम चेंज हो गया है थोड़ा सा ओहो इंपैक्ट प्लेयर ने दूसरे इंपैक्ट प्लेयर को आउट कर दिया है पहली गेंद पर तो <laughs> cool. कोई बात नहीं अभी तिलक वर्मा है <laughs> इसके बाद अभी बैटिंग है टिम डेविड भी है हार्दिक पांड्या खुद कप्तान जो है वो है मोहम्मद नबी भी बैटिंग करते हैं रामारियो yes. शेफर्ड हैं तो है बैटिंग तो इनफ है भी दाएं हाथ से ओवर द विकेट सम्स की लाइन में गेंद थी क्या बैट था जिसकी वजह से कोई अपील नहीं हुई hmm. वरना प्लंप थे अगर बैट ah. नहीं लगा होता तिलक वर्मा का तो आउट ही हो जाता यार भाई वो मैं ही था अच्छा <laughs> <laughs> तो फिर डिलीट क्यों करते हैं कमेंट चेन्नई फैन बेस इनविंसिबल सुहाना का गाना है सुहाना टोल्ड मी यस्टरडे दैट शी आल्सो गॉट एन ऑफर फ्रॉम रमन बट शी रिफ्यूज्ड this this one, this time or the original OG project oh, आप भी थे जहाँ आपके आपके पैसे oh, मारे okay. गए थे और गेंद इस बार एक्स्ट्रा कवर की और सीमा रेखा के बाहर चार रनों के लिए इस चौके के साथ मुंबई का स्कोर हो जाएगा चौहत्तर दो विकेट के नुकसान पे अमन सिंह जी कह रहे हैं मेरी बात लिख के रख लो एम आई हारे अमन सिंह जी क्या आपके डी में ऋतुराज गायकवाड़ है जो मुझे दिख रहे हैं यहाँ से ये जोक था वो कह रहे हैं कि मुंबई हारेगा इसलिए अच्छा अच्छा नहीं शॉट वाला शॉट वो तो अनस्किल क्रिकेट शॉट्स शॉट तगड़ा था यार बढ़िया शॉट अब ये भी बहुत टैलेंटेड खिलाड़ी है तिलक बिल्कुल वन ऑफ द फ्यू प्रोस्पेक्ट्स हु कैन मेक अ नेम फॉर हिमसेल्फ इन द नेशनल टीम एज़ वेल तिलक वर्मा दो गेंदों पर चार रन बनाकर खेल रहे हैं लेकिन ये ओवर बहुत इंपॉर्टेंट अभी तक चेन्नई के लिए प्रूव होता हुआ इस बार शॉर्ट पिच डिलीवरी उसको पुल करने की कोशिश कनेक्शन क्लीन नहीं और ऑन साइड पर शाहदुल ठाकुर मौजूद सिर्फ एक सिंगल ले पाएंगे ओवर की समाप्ति इसी के साथ आठ ओवरों के बाद पिछहत्तर दो विकेट के नुकसान पर रोहित शर्मा की जो लीडरशिप में अभी तक चल रही है मुंबई इंडियंस की ये पारी उसमें <laughs> चल तूने बोल दिया तू पूरा घुमा दिया <laughs> <laughs> You are almost there. Yeah. <laughs> <laughs> क्योंकि भाई मेरे से भी हो चुका है <laughs> कप्तान धोनी कप्तान धोनी अबे अब तुम बचपन से ये देख रहे हो यार कहां से कैसे इतनी आसानी से नहीं जाएगा अरे तो पूरा प्रमोशन मैचेस का उनके नाम पे हो रहा है कैप्टन को आप दिखा हाँ, नहीं रहे हो ब्रॉडकास्टर्स वगैरह अब वही आप लेकिन बात यही है खासकर मतलब मुंबई का तो आई डोंट नो व्हाट इज द सेटअप चेन्नई में तो बिहाइंड तो ही ओनली ना अमन सिंह जी जो था वो कह रहे हैं डीपी में राम राम हनुमान जी मेरे आराध्य हनुमान जी और मैं प्रणाम लीजिए कोई बात नहीं अगला ओवर देखते इस <laughs> ओवर की पहली गेंद पे एक सिंगल आ गया जडेजा की गेंद थी राउंड द विकेट ऑफ ट्रम के बाहर थे एंगल के साथ बाहर जा रही थी उसको खेला गया डाउन द ग्राउंड लॉन्ग ऑन की ओर सिंगल मिल जाएगा और मुंबई का स्कोर हो जाएगा दो विकेट के नुकसान पे है सबसे अच्छे आ गया ये जो कैच था मुस्तफुर रहमान का तो कलाबाजी है ये आपको जब पता चलता है कि आप बाउंड्री के बाहर जा रहे हैं तो आप गेंद को इनफील्ड मतलब प्लेइंग एरिया में प्लेइंग एरिया में रखते हैं आप उछाल देते हैं आप बाउंड्री के बाहर जाते हैं फिर आप वापस आते हैं हैं और कैच कर लेते हैं उसको स्प्लिट सेकंड का टाइम भी नहीं था ये बहुत रेयर हुआ करता था एक जमाने में लेकिन अब ये आम बात हो गई है अभी भी इंप्रेसिव है इधर मे बी यस मे बी नहीं मे बी आई पॉइंट अर्धशतक रोहित शर्मा की 50 होके ताली हो भाई

ये पीछे फील्डर धोनी ने भेजा होगा ने अरे लालू राबरी एक ही बात है क्या फर्क पड़ता है, <laughs> हाँ है जडेजा के पास कोई रन नहीं और स्कोर <laughs> है मुंबई का अस्सी दो विकेट के नुकसान पे आठ दशमलव पांच ओवरों के बाद साहिल कपूर क्या फ्री हो गए क्या वाजी वाह बहुत बढ़िया लगे रहो बेहतरीन मैच होता हुआ साहिल यार वैसे आप जोड़ नहीं पाएंगे आपको क्योंकि हमारा मिक्सर बीच मैच में दगा देगा आप इट डिड नॉट वर्क मतलब इट्स वर्किंग बट बीच बीच में वो म्यूट हो जाता है अपने आप स्विप किया गेंद को गेंद जारी लेग की ओर और वहाँ पे हैं खिलाड़ी रोक लेंगे गेंद को स्क्वायर लेग बाउंड्री पर एक रन मिलेगा और मुंबई का स्कोर हो जाएगा इक्यासी दो विकेट के नुकसान पे नौ ओवरों का खेल हो चुका है समाप्त इस समय नौ की रन गति है और ग्यारह दशमलव चार पाँच यहाँ से रिक्वायर्ड रन रेट है साझेदारी गेंदों पे ग्यारह रनों की हो गई है बैट्स और बॉल्स मिडिल ओवर्स इज द टाइम व्हेन द गेम व्हेन द गेम टर्न्स। ओके जैसे ही मैच ऑन किया सूर्या आउट साहिल कपूर कह रहे हैं अब बंद मत कीजिए चेन्नई फैन है क्या? साहिल नहीं uh, साहिल नया मिक्सर मंगाया जाएगा उसके बाद जुड़ पाएंगे सैडली दिस डिड नॉट छियासठ गेंदों छब्बीस रिक्वायर्ड है मुंबई इंडियंस के लिए आ, नौ ओवर हो चुके हैं उस पर इक्यासी रन पड़े हैं अभी तक और दो विकेट हैं मुंबई के मुंबई के खाते से लिए चेन्नई ने तो शारदेश पांडे अपना तीसरा ओवर ले आए हैं और पहली गेंद को पुश कर दिया है मिड विकेट की दिशा में वहाँ पर एक सिंगल मिलेगा फील्डर डीप से आकर फील्ड करेंगे और इसी के साथ रोहित शर्मा ऑफ द स्ट्राइक अब तिलक वर्मा बैक ऑन सात चौके दो छक्के

मतलब एक जैसा खेल मैं आपको बता दो चौका मार दिया इधर तिलक वर्मा ने लॉन्ग ऑफ की ओर डाउन द ग्राउंड फोर ले, लेंथ की गेंद थी और कोई मौका नहीं था मिड ऑफ के पास छियासी पे दो मुंबई नौ दशमलव दो ओवरों के बाद मुंबई इज क्रूजिंग लॉन्ग राइट नाउ जो भी दो विकटें गिरी हैं दे डोंट सीम टू केयर परितोष भाई ये जांच का विषय है कि साहिल भाई किस टीम के फैन है साहिल पूछे कमेंट कर रहे हैं ऊपर साहिल आज किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं भाईजान जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में कह रहे हैं कि हमारे साथ एंजॉय करेंगे आज मैच थैंक यू सो मच साहिल का है तुमको थैंक यू का बोले हम पे निकल मुँह से निकल गया <laughs> <laughs> इस ओवर की तीसरी गेंद आ रही है बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए दाएं हाथ से ओवर द विकेट और लेग टाइम की ओर हटते हुए गेंद को खेला गया इस बार लॉन्ग ऑन की ओर एक सिंगल और सिंगल के साथ मुंबई का स्कोर हो गया सत्तासी दो विकेट के नुकसान पे नौ दशमलव तीन ओवरों के बाद सुहाना इज़ अ पंजाब फैन एंड इट्स अ डिसअपॉइंटिंग एक्सपीरियंस फॉर हर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन अ फैन फॉर जरूर बताइएगा रविंद्र जो वर्ल्ड कप हाँ, ये कमेंट लेना चाहता था कि भाई प्रेडिक्ट कर दिया क्रिकेट ने कि नहीं आएगा हेटमैन का हंड्रेड सीएस के जीत जाएगा इस मुकाबले को इस ओवर की चौथी गेंदाएं यहां से विकेट लेक्सम की और हटते हुए गेंद को चॉप कर बैठे थे ऑलमोस्ट लेकिन अंदरूनी किनारा लेकर धोनी के पास गेंद गई वहां से फिर कई थर्ड मैन पे जो खिलाड़ी हैं डिफ्लेक्ट हो गई और एक सिंगल मिल गया अभिषेक बच्चन आई कैन सी इन्जॉइंग द मैच करीना कपूर भी हैं करीना कपूर नेहा धूपिया देखा था मैंने इफ आई एम नॉट रॉन्ग यस उनके आ, पति अंगद बेदी अंगद बेदी भी हैं और काफी लोग आए बेदी यूज्ड टू बी अ क्रिकेटर यस ही प्लेड फॉर अंडर 19 हां आई थिंक अंडर 19 दिल्ली यस यस ही वाज

और मुंबई का स्कोर हो जाएगा नवासी दो विकेट के नुकसान पे आ, अमन भाई ने बोला था कि ये जांच का विषय है परितोष भाई की साहिल भाई किस टीम के फैन है फिर उन्होंने कहा लेकिन इतना तो मैं जानता हूं कि ये दिल्ली के फैन नहीं है <laughs> भाई आदमी आज ये मेरे पीछे पड़ गया है <laughs> दिल्ली को सपोर्ट क्या कर दिया कोई गलती कर ली हो जैसे मैंने अमन सिंह जी तो ले रहे हैं साल से भुगत ही रहे उसमें क्या ही है कल से बंद कर दूंगा मैं कमेंट्री करना अगर आप लोग इतनी बेइज्जती करोगे सिर्फ इसलिए कि मैं दिल्ली का फैन हूँ कमान है लास्ट बॉल पे एक रन आया शॉर्ट बॉल थी रोहित ने वो भाई ट्राई तो किया था लेकिन ओ, बच गए बच गए बैट पे ढंग से गेंद आई नहीं और लॉन्ग ऑन की ओर गई है एक रन के साथ ओवर की समाप्ति ओवरों में नब्बे पे दो मुंबई का स्कोर ये मुकाबला भैया काफी झुका हुआ है इस समय मुंबई की तरफ मेरी नजर में दो विकेट हो गया थोड़ा चेन्नई को दो विकेट और चाहिए अगले दो ओवरों में उनको दो विकेट चाहिए अगले तीन ओवरों में क्योंकि दो तीन ओवर ये लोग खेल गए तो फिर तो खत्म ही कर देंगे उसके बाद जब अगर आप 130 करीब पहुंच गए अगर यहाँ से दो तीन ओवर में तो फिर उसके बाद रनी का सत्तर रन बचाए होंगे सत्तर रन अगर पाँच ओवर में बन जाते हैं अब तो आई में पाँच छः पाँच चार ओवर में भी बन जाते हैं तो यहाँ से अगर मैच रोकना है तो या तो रन रोकने पड़ेंगे बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करने के लिए जो कि होता देख नहीं रहा है क्योंकि अगर आप पाँच गेंद पर प्रेशर बना भी रहे हैं तो एक गेंद पर तो बाउंड्री आ ही जा रही है और वो इनफ है अभी के लिए इस ओवर की पहली गेंद पे ही क्या शॉट मारा है रोहित शर्मा समय के साथ कदम ताल मिलाकर चल रहे हैं वजह से रिवर्स स्वीप और स्कूप के बीच का स्ट्रोक और चौका शॉर्ट फाइनलिक पे जो खिलाड़ी था उसके सर के ऊपर से गेंद हटा गेंद उड़ा दी मार दी जो बोलना है बोल दो आधे शॉट्स जिस तरह से खेले जाते हैं ना उनके लिए सही टर्मिनोलॉजी ही नहीं मिलती है डिस्क्राइब कि कैसे किया जाए कि, क्या किया अच्छा है तो सूर्य कुमार यादव तो आउट हो गए लेकिन रोहित नहीं चाहते कि लोग मिस करें मिस उनको। करे सब <laughs> <laughs> उन्होंने गेंद को रिवर्स स्वीप और स्वीप के स्वीप, रिवर्स स्वीप किया था ये ये साहिल मैं इकबाल ये सब जब बैठते थे साथ में तो हमने साथ में टर्मिनोलॉजीज निकाली थी कि दो शॉट्स के बीच का शॉट है तो क्या होगा और इस बार इसको स्वीप कर दिया है हंड्रेड परसेंट प्योर छै। स्वीप शॉट और प्योर ड्रॉप कैच स्क्वाग बाउंड्री पे जिसकी वजह से प्योर छ रन लेकिन

एंड ही सेड बेन स्टोक्स अभी देखना पड़ेगा <laughs> मुझे अरे पहली दो गेंदों में ये हुआ है कमेंट देख रहा था इसलिए नहीं देख पाया नहीं आई सॉ इट ना तो यूनिक कंटेंट बोल रहे हैं भाई कमेंट्स देखिए सभी के आगे रेंज लगा हुआ है <laughs> इनके नाम के आगे से हटाया जाए यूनिक कंटेंट के नाम के आगे से रेंज हटाइए ये रेंज वाला है क्या अरे ऋतिका आपको भी यकीन नहीं हो रहा है कि यार दिल हाथ में दस दशमलव तीन ओवरों के बाद एक सौ एक पे दो है मुंबई का स्कोर बाएं हाथ से राउंड द विकेट अगली गेंद हट गया बल्लेबाज और गेंद जा, जाके स्टम्प्स पे लगी जरूर बट क्या फर्क पड़ता है बैट्समैन हट गया था तो आउट होगा नहीं सुहाना हैज बीन सपोर्टिंग पंजाब सिंस 2011 द ईयर इंडिया वन द वर्ल्ड कप यू बीन बीइंग लेट डाउन एवर सिंस बाय यू बीन 13 साल से आखिरी ओवर में एम आई हारेगा और रोहित की पारी सदियों तक याद रखी जाएगी अच्छा क्या रोहित नए धोनी है डीसी वाला है क्या <laughs> 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 देखिए जरा <हो साराँ laughs> पीछे पड़ गए लोग बिल्कुल ही हुई इज द नेक्स्ट इंडियन टेस्ट कैप्टन आई तो ऑल फॉर्मेट वाली वही वही वाली बात वही होगा भाई वही होगा इस ओवर के चौथे गेंद आ रही है पुल कर दिया इस बार गैप में जा रही है लेकिन फील्डर आ जाएगा उधर शरदुल ठाकुर की अच्छी फील्डिंग उठाएंगे इनको थ्रो किया तब तक दो रन ले लिए जाएंगे और इन दो रनों के साथ एक पे दो हो जाएगा मुंबई का स्कोर दस दशमलव चार ओवरों के बाद एनिमे फॉर लाइफ कह रहे हैं मुंबई प्लेयर्स देश ठाकुर स्टिल प्लेइंग फॉर मुंबई यस दे डू स्टिल प्ले फॉर मुंबई इस मैच में लीजिए <laughs> <laughs> वो खेल नहीं रहे हो या खेल रहे हो ये हमें नहीं पता पर तिलक वर्मा क्या खेल रहे है? इस बार कवर की दिशा में स्लैम किया बॉल को और कोई फील्डर रोक नहीं पाया चार रन बटोर लिए 107 पहुंच गया है इस शॉट के साथ मुंबई का टोटल और तिलक वर्मा ने भी रफ्तार पकड़ लिया भाई अट्ठारह पे पहुंच गए नौ गेंदों का उन्होंने सामने बड़ा ओवर साबित होता तो हुआ ये गीता ये। शाम का कमेंट आया है बहुत ग्रेट कमेंट है कह रही हैं या कह रहे हैं मुझे नहीं पता क्योंकि ये गीता सार जो है जो गीता ग्रंथ है उसके ऊपर बेस्ड चैनल भी हो सकता है लेक्स पे गेंद खेला गया उस गेंद को स्क्वायर स्क्वा और एक सिंगल मिल जाएगा और इस सिंगल के साथ मुंबई का स्कोर हो जाएगा एक सौ आठ तो कि साहिल भाई यूट्यूब पे ड्रामा सिखाओ हालांकि वो हंस के बात कह रहे हैं बट इट्स नॉट अ बैड आइडिया आई थिंक साहिल शुड थिंक अबाउट दिस बट अपना चैनल चल जाए जा तो ये नहीं कि यहाँ नहीं आएंगे क्योंकि ऐसा होता है सौरहुदा को देख लो <laughs> मैं नाम नहीं लेने सरुदा <laughs> कल आए थे हाँ कल आए थे ना परसों रात को आए थे श, आ, मैच के बाद तो कल मैच में थे नहीं नहीं, नहीं, नहीं तो तो वो दिन में कुछ कुछ रिकॉर्ड किया फिर चले गए भैया एक रेंज तो मैं भी डिजर्व करता हूँ अथर्व बोलने से अथर्व कभी किसी को कुछ नहीं मिलता चुपके से जब मिलना होगा मिल जाएगा चौबीस घंटे बाद दे दिया जाएगा आपको अभी दे दूंगा कोई बात नहीं Uh, सत्य भाई आज के मैच में रमन किसको मानते हैं आप नहीं भाई आज के मैच में कोई रमन नहीं कोई रमन, है, रमन नहीं अभी है। तक कोई हमें प्योर रमन नहीं दिखा है अभी कोई कर देगा ऐसा काम हाँ जैसे तुषार तो देश पांडे कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने कैच छोड़ दिया ऑलरेडी तो एक पॉइंट जोड़ चुका है उनके नाम के आगे प्योर वाला भी जोक बन गया श्रेयश का कहना है शायद वीके और रोहित के रिटायरमेंट के बाद टीम इंडिया में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी क्योंकि आजकल यंगस्टर्स में बहुत ईगो है और सबको फ्रेंचाइजी के आ, सब फ्रेंचाइजीज़ के कैप्टन है मैनेजमेंट इशूज़ आएंगे इस ओवर की अगली गेंद ऑफ स्टम के बाहर पुल किया गया है गेंद जा रही है डीप में मिड विकेट की ओर एक सिंगल मिल जाएगा और इस सिंगल के साथ 109 पे दो मुंबई का स्कोर ग्यारह दशमलव एक ओवरों के बाद हाँ सही याद दिलाया है अनस्किल्ड क्रिकेट शॉट्स ने कि आज रमन कोई प्लेयर नहीं है हमारा मिक्सर है जो बीच बीच में चलते चलते रुक जा रहा था जबकि उसको अभी चांदनी चौक से ठीक करवा के बुलाया गया है तब भी ये मान नहीं रहा भाई अगर मैं 12 साल का होता तो इसको थप्पड़ मारता फिर शायद ये चल भी जाता उस जमाने में रेडियो टीवी सब सब वही इतनी थपकी मार मार के टीवी चलाया गाड़ी नहीं चल रही तो धक्का मार दो तो बट अब मैं बड़ा हो गया तो मैं ये सब नहीं करता अ बॉय सत्य भाई कूल cool. गीता श्याम इस ओवर की दूसरी गेंद के बाहर किनारा बहुत ज्यादा दूर one. नहीं था स्लोर वन थी बल्ले का बाहर किनारा छोड़ते हुए गेंद चली गई सीधे विकेट कीपर के पास एक टप्पे के बाद 109 पे दो मुंबई का स्कोर ग्यारह दशमलव दो ओवरों के बाद इनको रन रोकने पड़ेंगे विकेट चाहिए यहाँ पे क्योंकि अगर इस तरह से चलता रहा तो अरे इस कमेंट पे बात करते हैं कौन सा मेरे को इंटरेस्टिंग लगा था लेकिन मैं सोच रहा ओवर के बाद या फिर

खफा रहता है उनसे बहुत ज्यादा अरे प्लस ही uh, लाइक like, uh, एक वो, वो भी भी एस्पेक्ट है ना कि जितने पीछे रहे थे मतलब, uh, विराट कोहली की कप्तानी जो हमने देखी है टेस्ट क्रिकेट में, में अभी रोहित हैं ठीक है अभी टेस्ट क्रिकेट फोकस भी नहीं और बैट पे आ बहुत दूर जाएगी यार काउ कॉर्नर की ओर गेंद सीमा रेखा के बाहर खेत में <laughs> छह रनों के लिए एक सौ सत्रह पे दो मुंबई एक सौ ग्यारह दशमलव पांच ओवरों के बाद गेंदों पर नब्बे रनों की जरूरत है यहाँ से इस मुकाबले को जीतने के लिए साहिल कह रहे हैं सत्यम आज बहुत टाइम बाद संजय बैनर्जी को स्टार पे सुना आई वॉज इन दलोन आई टोल्ड माई बार्ब की अरे मेरा भाई इस आदमी के साथ कॉमेंट्री कर चुका है हाँ नहीं नहीं मैंने कॉमेंट्री नहीं की है कभी संजय बैनर्जी जी के साथ हाँ मैं इंटर्नशिप के लिए जब गया था एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में तो वो वहाँ पे स्पोर्ट्स एडिटर हुआ करते थे तो ही डेफिनेटली टुक मी अंडर हिज विंग्स विंग्सम के बाहर की गेंद थी कट <laughs> किया गेंद को डीप में जा रही गेंद पॉइंट की ओर एक सिंगल मिल जाएगा और इस सिंगल के साथ मुंबई का स्कोर हो जाएगा एक सो wow. पे दो तो बारह ओवरों का खेल हो चुका है पूरा तो वी डू डेफिनेटली नो इच अदर आई तो लव हिम आई होप ही ऑल्सो लाइक्स मी इनफ ही डज आई थिंक हाँ तो हम श्रेयांश के कॉमेंट के ऊपर बात कर रहे थे रिगार्डिंग द कैप्टन अभी टाइम है तो विल डिस्कस इट हाँ yeah. मेरे को ये इंटरेस्टिंग लगा टेक काफ़ी क्योंकि जब विराट रोहित ये लोग आए थे तो उस टाइम पे डिमिंदो यही था कि इंडियन कैप्टनसी इज द थिंग और जो कैप्टन है वो कैप्टन है मुझे लग रहा है ये जो रोहित विराट वाला दौर है वो खत्म होगा तो हाँ. उसके बाद इंडियन क्रिकेट टीम इंडियन क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट भी थोड़ा नीचे जाएगा थोड़ा नीचे भी जाएगा लेकिन मुझे लगता है एक गेम चेंज जो हो रहा है ना अब वो चेंज कितना सही है कितना गलत है ये तो मतलब डिस्कशन है, है, लेकिन जो चेंज हो रहा है, उसमें ये होगा कि कैप्टन ज्यादा फ्रीक्वेंटली चेंज होंगे क्योंकि हमने जितने लंबे लंबे रेंज देखे हाँ तो आएर, हमने ना हमने सारे लंबे ही देखे नहीं हाँ, लगता इतना है हाँ ये आप सही कह रहे हैं मुझे भी ऐसा लगता है रिवर्स स्वीप करने का प्रयास गेंद बल्ले पे नहीं आई और स्कोर अभी भी 118 सौ दो विकेट के नुकसान पे बारह दशमलव एक ओवरों के बाद बचपन से मैंने देखा सौरभ गांगुली जब कप्तान बने तो कप्तान बने रहे बहुत समय तक फिर राहुल द्राविड कप्तान बने फिर उसके बाद हालांकि छोटे छोटे थे वो हाँ। लेकिन छोटा था हाँ। लेक्स की ओर हटे थे गेंद को पुल किया था लॉन्ग ऑन की ओर एक रन मिला और सिंगल के साथ मुंबई का स्कोर हो जाएगा एक सौ उन्नीस दो विकेट के नुकसान पे जडेजा का आखिरी ओवर है क्या जडेजा का ये आखिरी ओवर है क्योंकि गेंद पे ना दस बजे के बाद होने लग जाती है गीली तो उसके कारण आप जल्दी अभी दस बजे के पहले ही हो रही थी वो तो अभी जब ये पिछली इनिंग में लास्ट दो तीन ओवर से पहले बॉल चेंज भी हुई फिर भी अब और ज्यादा ड्यू का जो इशू है वो होता ही है खैर

अब नॉर्मलिसी इसीलिए हो गई उड़ गई है गेंद क्या कैच हो पाएगा नहीं नहीं फॉर्चुनेट रहे कि नो मैंस लैंड में रही गेंद क्योंकि शॉर्ट फाइन लेग पे फील्डर मौजूद था वहाँ पर और धोनी के ऊपर से गई गेंद ये थर्ड विकेट पार्टनरशिप भी फिफ्टी से ऊपर हो चुकी है और हमें पता भी नहीं चला कि अभी तो विकेट गए थे दो और उसके बाद से लगातार रनस की गति नहीं रुक पाई है लेकिन कट किया था गेंद को गेंद गई एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी के पास कोई रन नहीं और स्कोर अभी मुंबई का 123 दो विकेट के नुकसान पे हाँ तो उसके बाद फिर धोनी कप्तान बने तो एक पूरा जनरेशन है जिसके सौरभ गांगुली मतलब ही इज माई कैप्टन सौरभ इयर्स देखे उतना नहीं देखा नहीं मैंने तो पूरा टू थाउजेंड थ्री वर्ल्ड कप से पूरा देखा ही है लेकिन क्योंकि गंदा हो गया वो खाली बीच बीच में ऑस्ट्रेलिया में एक जीत और ये सब सेलिब्रेट हाँ, कर पाता था मैं बट तब बहुत स्कॉटिटी था मतलब वी डिड नॉट हैव मच क्रिकेट वाज द ओनली थिंग दैट अस जॉय तो मतलब सौरभ गांगुली वाज द गाय ही वाज द कैप्टन फॉर मी तो फिर एक पूरे जनरेशन के लिए धोनी कप्तान हुए फिर एक जनरेशन के लिए विराट कोहली कप्तान हुए रोहित का उतना लंबा टेन्यर नहीं है रोहित का टेन्योर उससे भी डिसाइड होगा कि अब कितना अब अब तो तो भाई अब आप किसी आई टीम के भी कप्तान नहीं है। अब इंडियन क्रिकेट को तो रोहित को रोहित मुझे लगता है कि और देना चाहिए वर्ल्ड कप मैं आपसे हम पहले भी बात कर रहे थे ना एक आध मैच में जब मैं आया था तब तो कि वर्ल्ड कप बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है अगर ये वर्ल्ड कप जीत जाती है इंडिया अंडर तो रोहित चेंज होगा मुझे नहीं लगता की सेकेंड फिडल इन मुंबई इंडियन स्टे

दिल्ली सपोर्ट करेगा अगले साल परितोष मुंबई दिल्ली आ रहा है क्या पता नहीं दिल्ली आई डोंट थिंक सो दिल्ली को सपोर्ट की जरूरत है ऋषभ पंत ऋषभ पंत इज द सस्टेन कैप्टन वो लोग उससे नहीं हटेंगे हां ये भी बात है बेंगलोर बेस्ट है बेंगलोर इज द बेस्ट ऑप्शन राइट नाउ विराट हैज नो या फिर तुम चेन्नई 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 नहीं ना चेन्नई नहीं मैं समझ गया क्यों आप बताना चाहेंगे क्यों आप बोल रहे हैं फिर मैं बताऊंगा क्यों चलो इस ओवर की इस पहली बॉल आ रही है सिंगल आ जाएगा क्योंकि ड्राइव किया था गेंद को मिड ऑफ पे थ्रो आया शरदुल ठाकुर का धोनी के पास इससे पहले गेंद स्टम्प में ही टकरा गई डायरेक्ट थ्रो था लेकिन तब तक पहुंच चुके थे बल्लेबाज अपनी क्रीज में रोहित शर्मा पचहत्तर पे भाई साहब पच्चीस रन दूर अपने शतक से उनका आज शतक होगा यू हर्ड इट हियर फर्स्ट ठीक है चलो 125 पे दो मुंबई तेरह दशमलव तीन तेरह दशमलव एक ओवर के बाद इकतालीस गेंदे 82 रनों की जरूरत परितोष डीसी वाला नहीं, नहीं। मैं मुंबई वाला हूं अभी मुंबई वाला है मैं मुंबई वाला सिंस फर्स्ट सीजन हाँ। ये सनत जसूरिया सचिन तेंदुलकर वाला सीजन से हूं रोहित अप टू तो 2025 आई थिंक रोहित वांट्स टू प्ले अनदर 50 ओवर वर्ल्ड कप है ना आई होप ही स्टेज़ फिट ही वर्क्स ऑन हिज फिटनेस ही हैज़ लूज़ सम ही हैज़

हमने अभी तक इस तरह के प्लेयर्स जो थोड़े अनफिट रोहित शर्मा हैज एबल टू मेक अ प्लेस फॉर हिमसेल्फ क्योंकि उनका फील्ड में लैक नहीं करते हैं वो उनकी सेटल्ड है कि मतलब इस तरह और, हाँ, मैं आर, समझ तो 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 बैटिंग पे भी उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा पॉजिटिव इम्पैक्ट आई थिंक इतना फर्क पड़ेगा क्योंकि लेकिन हमने खैर तीसरी गेंद है अभी वर्मा ने इसको हेलीकॉप्टर नुमा शॉट खेला है और चार रन मिल जाएंगे बेहतरीन डाउन द ग्राउंड मिड विकेट की दिशा में कोई रोक नहीं पाया उस गेंद को हालांकि लॉन्ग ऑन से फील्डर जरूर आया था पर सीधा क्रैश कर गए डेरल मिचल बाउंड्री पर बॉल के साथ चार रन लिए हाँ तो मैं बात कर रहा था रोहित शर्मा की हमने इंस्टेंसेस देखे हैं जहाँ पर कई बैट्समैन को फायदा हुआ है

भाई वो इसीलिए चल रहा है अभी भी ऐसा होने के बावजूद क्योंकि स्किल है इतना

और तिलक वर्मा की पारी यहीं पे समाप्त होगी 20 गेंदों पे बनाकर अब अब वापस जा रहे हैं वो पवेलियन में इसके बाद अब कौन आएगा साहिल कपूर बोल रहे हैं चंद से आया उनको नहीं साहिल कर दिया। आपको गुण गलत गुण जानकारी, गुण। जानकारी गलत जानकारी क्राइटेरिया है कि अगर आपको यूएसए से खेलना है तो इतने दिनों तक आपको यूएसए में होना पड़ता है उसके बाद आप खेल पाओगे यूएसए के लिए तो वो अभी उनका पूरा नहीं हुआ है अभी थोड़े दिनों में क्लैरिटी आ जाएगी

All the people uh, who have decided to, for example, there is another guy mm. who is from the same city uh, I was born in, mm. uh, Shahbaz Nadeem. Ha, uh, I remember this. Uh, Shahbaz Nadeem played two test matches for India. Mm. Also played for Delhi other teams as yes. well in the IPL. But now you don't uh, see him anywhere because he has decided he's not going to be participating. In the the Indian cricket anymore, so So that he he can go and And explore other other options outside of of India, other T20 the leagues. Are not and he the... was playing Legends League hmm. of all. So, what a demotion! हार्दिक पांडे आ गया बल्लेबाजी करने के लिए सैंतीस गेंदों पे सतहत्तर रनों की जरूरत है और भाई यहाँ से क्रेजी बैटिंग चाहिए अब क्योंकि रिक्वायर्ड रेट हो गया बारह दशमलव आठ तीन का मुंबई ने अभी तक जो बैटिंग की है उसके बाद हारना तो मंजूर नहीं होना चाहिए उनको आखिरी गेंद और उसको खेला पॉइंट की दिशा में ओवर फील्डर मौजूद कोई रन नहीं डॉट डिलीवरी से ओवर होगा समाप्त चौदह ओवर के बाद एक तीस पर तीन है मुंबई इंडियंस यहाँ से हार तो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे एटलीस्ट ईजिली तो नहीं क्लोज जाएगा गेम आखिरी ओवर तक आखिरी ओवर तक तो जाना चाहिए तू सही है यू आर फाइन रहे हैं कैप्टन वो यूएसए का हाँ जी लीड अभी तक तो इन्फॉर्मेशन यही थी बाकी साहेल चेक वंस फॉर मी एंड लेट मी नो इफ्स रियलीस दैट इज बीन ड्रॉप सो थैंक यू साहिल एक सौ तीस पर तीन मुंबई चौदह ओवरों के बाद छिहत्तर पे रोहित शर्मा आ, चलो एज अ मुंबई फैन मैं आपसे पूछना चाहूंगा आप, आप मुंबई के फैन हैं कि अगर चलो मुंबई हार भी जाता है लेकिन रोहित की सेंचुरी हो जाती है

नमक का कर्ज <laughs> के बाहर के गेंद ड्राइव किया था उसको गेंद रोक ली जाएगी आ, कवर पे कोई रन नहीं एक सौ तीस पे तीन मुंबई का स्कोर है चौदह दशमलव एक ओवरों के बाद आई एम नॉट हु इज एबल टू शिफ्ट टीम्स इजीली मैं यूनाइटेड को सपोर्ट कर रहा हूं यू टॉकिंग टू यूनाइटेड को सपोर्ट कर रहा हूं मैं 2007 हजार से और मतलब जब से मैंने पहला मेरे पल्ले पड़ा था फुटबॉल और उसके बाद एक विकेट से टीम हार रही है ओह फिर भी आई एम सपोर्टिंग देम

डिच भी हो पिछले वर्ल्ड कप की हार के बाद मुझे भी लगा मुझे नहीं लगता था ऐसा कि कभी मेरा मतलब प्रेम कम हो जाएगा क्रिकेट से क्योंकि टीम नहीं जीत रही वर्ल्ड कप बट इस वर्ल्ड कप के बाद मुझे भी थोड़े दिनों के लिए ना बहुत अजीब सा महसूस हुआ मैंने कहा यार क्या अरे बट इट इट कम्स कम्स बैक बैक बात वही है मैं बोलूंगा कि रोहित शर्मा चला जाएगा तो आई नॉट सपोर्ट बट ओवर की तीसरी गेंद असल ओवर वन थी गेंद को खेल दिया गया है बैकवर्ड पॉइंट की ओर एक रन मिलेगा और इस सिंगल के साथ स्कोर हो जाएगा एक सौ इकतीस पे तीन मुंबई का चौदह दशमलव तीन ओवरों के बाद वर यू एक्सपेक्टिंग विराट टू बी टूडेज विराट इन ट्वेंटी इलेवन मतलब विराट वाज ऑलवेज टाउटेड टू बी अ फ्यूचर ग्रेट नहीं 2011 तक तो ही वाज प्रोमिनेंट इंडियन टीम में ही स्कोर्ड अ सेंचुरी इन द ओपनिंग मैच ऑफ द वर्ल्ड कप तो ही ऑलरेडी

Yes. क्योंकि yeah. ये रोल है उनका करना पड़ेगा उनको आज get आज आज करके करके आना आना पड़ेगा के आना पड़ेगा के आना पड़ेगा, <laughs> <आना> पड़ेगा। <laughs> बूढ़े <laughs> <laughs> <सही laughs> <मैं दो laughs> आदमी से रन खा रहे हो रन तुमसे बन नहीं रहे चौदह दशमलव दो पांच पहुंच चुका है अब रिक्वर्ड बत्तीस गेंदों पे अब छिहत्तर रन चाहिए यहाँ से अल्लाह घुमाया है बहुत तेज नो कॉन्टैक्ट स्लोअर वन चकमा खा गए लगातार स्लोग करवा रहे हैं शार्दुल ठाकुर एक सौ इज़ द मैक्सिमम ही एक वेंट टू और ये रिव्यू 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 लिया 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 वाइड वाइड के के लिए लिए दोस्तों वीडियो को लाइक भी कीजिए अगर नहीं किया है तो और कमेंट्स भी आते रहने चाहिए कमेंट्स तो खैर आ रहे हैं भाई सोचो अगर हार्दिक की वजह से रोहित रनआउट हो गया तो क्या होगा अमन सिंह जी कह रहे हैं बगावत

रिस्क रिवॉर्ड का अलग है सिस्टम तो तुम ले लो चलो कोई नहीं बट वाइड पे और ऐसा नहीं कि वाइड के लिए रिव्यू अलग से आ रहा है और विकेट के लिए अलग से आ रहा है सेम रिव्यू आए आए दो रन उस ओवर में सिंगल लिया यार ठाकुर के में दो रन आए आखिरी ओवर बचा बट ये ओवर ओवर अच्छा था, अच्छा था। ये बहुत अच्छा अच्छा था लेकिन उस उसमें दो तीन बार तो बल्ला जो कटर्स का इस्तेमाल किया जो लाइन रखी रोहित से जैसे दूर रखी बॉल रोहित तो थे ही नहीं ना रोहित शुरुआत में दूर रखी खाली वही तो मैं कह रहा हूँ फिर उन्होंने सिंगल लिया था तीसरी बॉल पे तो तीन तीन गेंदे खेलिए दोनों ने हेलो सत्यम भाई आयुष भाई आ गए आयुष व्हाट्सअप ब्रो पूरा डगआउट लड़ने चला गया है आफ्टर द रिव्यू कुछ ये जो ऑफिशियल बाहर हैं उनसे कुछ नहीं है इनको कोई काम आम नहीं है स... डगआउट में बैठ के बस हुँ... कैलरी कैलोरी बर्न करना है इन सबको <laughs> ये सबसे घटिया सिस्टम है कौन लाया है वाइड का रिव्यू बीसीसीआई बीसीसीआई लेके आया नहीं ये क्यों लेके आया ताकि कोई मैदान में ना घुस जाए हां ये लाया गया इसीलिए लाया गया कि, कि कल को विराट कोहली मैदान में ना घुस जाए क्योंकि सेट <laughs> हाँ हाँ से बैठ पे क्या क्लियर कर पाएंगे और नहीं एक टप्पे के बाद गेंद गई है जडेजा के पास मिड विकेट पे एक सिंगल और मुंबई का स्कोर हो जाएगा एक तीन विकेट के नुकसान देंगे बिल्कुल नहीं पेस दे रहे हैं

आउट ऑफ कॉन्टेक्ट क्रिकेट नाम है उस ट्विटर पेज का शॉर्ट बॉल पुल किया है खिलाड़ी हैं इस बार कैच हो जाएगा जडेजा ने कैच पूरा कर लिया है सीमा रेखा पर पांड्या छह गेंदों पे दो रन बनाकर आउट एक पूरा ओवर उन्होंने बर्बाद कर दिया जब टीम को 200 से ज्यादा रन बनाने हैं और उनकी ये पारी एक धोनी है चार पे कितने मारे बीस और एक पांड्या है उनसे दस साल छोटे हैं और छे पे दो मार के आउट हुए शर्म आनी चाहिए भाई स्लोअर स्लोअर वन वन लगातार बॉल पटकी गई और वो क्लियर पहली भी बॉल उन कनेक्शन क्लीन रहा तब भी स्ट्रेंथ नहीं दिख रही थी उतनी क्लियर हो पाए इस बार सीधा फील्डर के हाथ में जब एक बार वही गलती हो चुकी आपने दोबारा वही करा सो आई न टेल्सर्स इफ यू नीड अ फीमेल कॉमेंटेटर देन लेट मी नो इफ यू रियली लव क्रिकेट एंड यू वॉन्ट टू डू दिस विद अस वन वॉट्स रॉन्ग विद यू फर्स्ट ऑफ ऑल बट नो इफ यू रियली गुड एट दिस लेट मी नो विल थिंक अबाउट इट people have always been keen on having a female commentator but we couldn't find one everybody working here wants you here do you still want to be here राजमोहन राज को देखो राजमोहन कह रहा है हाँ भैया ऑडिशन के लिए बोलो भेज देंगे टेप टेप नहीं होता अब रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग आती है आप अपने शब्द घुमा के राज के थ्रू क्यों बोलवा रहे हैं <laughs> तो बोल तो रहे वहीं तो बैठा है भाई तो मेल आज तीसरा माइक नहीं है ना हमारे पास मेल मेल है तो मेल पे भेज सकते हैं क्रेक ब्लास रेडियो एट जी मेल डॉट कॉम इफ यू वॉन्ट टू शेयर सैंपल प्लीज डू एक सौ चौतीस पे तीन मुंबई का स्कोर हो गया पंद्रह दशमलव तीन ओवरों के बाद सत्ताईस गेंदे और तिहत्तर रनों की जरूरत है यहाँ से इस मुकाबले को जीतने के लिए पांड्या रमन है आप यूनिक कंटेंट कॉन्टेंट कहते हुए बिल्कुल आज के मैच में तो रमन जैसे ही खेले हैं हाँ पहले बॉलिंग की रमनी है फिर बैटिंग की रमनी है

तू माइक पे बोल नहीं तो चुप रहे फिर क्योंकि लोगों को सुनाई नहीं पड़ता ना कि तू क्या बोल रहा है राज बोलो चलिए तो यहाँ से पंद्रह दशमलव तीन ओवर की खेल की समाप्ति हो चुकी है और यहाँ से सत्ताईस गेंदों पे चाहिए हाँ, आप बोलिए ऑडिशन के लिए आप क्या बोल रहे थे जब आप माइक पे आए गए मैंने कहा था कि सब लोग भेज सकते हैं जो भी कमेंट्री करना चाहते हैं <laughs> जो भी अच्छी कमेंट्री करते हैं मुझसे अच्छी कमेंट्री करते हैं तो आप सब भेजिए अगर आप राज से बेहतर करते सब भेज सकते और आपको शायद मिल भी जाएगा डिस्क्रिप्शन में जहां पे आपको भेजना है जो भी आदित्य राज कुशवायोज बेस्ट मोमेंट इन वॉचिंग क्रिकेट हैज़ टू बी ट्वेंटी इलेवन वर्ल्ड कप फाइनल धोनी हिटिंग द सिक्स ओवर लॉन्ग ऑन नथिंग हैज्रम्प दैट येट इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम इंडिया डिड विन टू थाउजेंड सेवन वर्ल्ड कप एज वेल बट आई डिड नॉट हैव अ टी वी एंड द रेडियो कॉमेंट्री वॉज एन देयर ड्यूरिंग द टू थाउजेंड सेवन वर्ल्ड कप सो आई वॉज नॉट फॉलोइंग इट एज यू वुड एंड देन यू डिड नॉट हैव यूट्यूब आई विश दे वॉज तब मेरी तरह कोई और कर रहा होता और उससे हम सुन रहे होते बट नहीं था तब यूट्यूब अभी शैशव काल में था आपने तो क्रिकबस पे भाई देखो 2007 वर्ल्ड कप में क्रिकबस पे करते थे स्कोर वो फॉलो hmm. क्रिकबस तब भी था क्रिकबस डॉट कॉम यस ऐप नहीं था आई थिंक वेबसाइट पे करते थे एम डॉट क्रिकबस डॉट कॉम हाँ और वो भी भाई मुझे याद है अपने कॉलेज से वापस घर आ रहा था फाइनल के दिन बारिश हो गई थी ना hmm. तो हमारे कॉलेज में इंतजाम किया गया था कि आइए आप मैच देखिए तो हम रुके लेकिन फिर बारिश हुई तो हमने सोचा अब तो लेट हो जाएगा तो घर चलो घर चलो घर चलो क्योंकि उस साइड में मेट्रो वेट्रो था नहीं और बसों में मतलब बहुत दिक्कत होती थी रातों को आने में तो जब आधे रास्ते में आ गए तो पता चला मैच स्टार्ट हो गया लेकिन फॉलो करने का कोई तरीका ही नहीं है और दो हज़ार सात वर्ल्ड कप यासी फाइनल मुझे याद है फ़ाइनल मुझे याद है वो एक्चुअली पता है युवराज के छः छक्के थे जो मैंने मिस कर दिया था वो रात को बहुत लेट से था और वो नहीं देखा था हाँ वो नहीं देखा था लेकिन फ़ाइनल पूरा देखा था भाई फिर क्या हुआ कि आनंद विहार बस अड्डे पे उतरे और वहाँ पैसिफिक मॉल उस समय बहुत टॉप का मॉल हुआ करता था तो वहाँ अंदर घुसे क्योंकि सारी भीड़ अंदर थी और टीवी वी की दुकान पे मैच चल रहा था और पूरे मॉल में लोग मैच देख रहे थे और भाई जैसे इंडिया जीता जोगिंदर शर्मा के बॉल पे जैसे ही कैच लपका गया है फाइनल लेग पे श्री संत के हाथों सब पागल कोई किसी को जानता नहीं लेकिन गले ऐसे मिल रहे हैं जैसे भाई भाई ये तू मेरा अरे अनबिलीवेबल तो यस वो भी बहुत जबरदस्त दिन था लेकिन यार 2011 वर्ल्ड कप फाइनल रोया था मैं उस दिन इंडिया के वर्ल्ड कप जीतने के बाद हाँ मैं 21 साल का था, था। फटाके फोड़े थे तो अच्छी बात है तू छोटा था तू भी बड़ा होता तो रोता ही मैं हारने में नहीं रोया दो इंडिया हारी तो मैं रोया नहीं मैं उल्टा आदमी हूँ एक सौ पैंतीस पे चार मुंबई का स्कोर और यहाँ पे लगातार डॉट गेंदे करते हुए तुषार देश पांडे ये मैच आ, क्या मैं बोल दू की मुंबई हार गए ये देखना यहाँ पे रोहित शर्मा से भी अब नहीं लग रहे तो सिंपल चीज है कि यहाँ पे पेस मत दो बल्लेबाज को उसको अपना ताकत का कर इस्तेमाल करने दो वो वैसे मार पाते तो ठीक है नहीं तो हम कोई पेस नहीं देने वाले तो यहाँ पे ओवर की समाप्ति हो चुकी है और जीतने के लिए

क्या मुंबई की टीम सच में जीत पाएगी नहीं। कि नहीं हालांकि रोहित शर्मा और टीम डेविड अभी भी मौजूद है दोनों ही बल्लेबाज ऐसे कि तेज गति से रन बना सकते हैं और एक ओवर में ही उल्टा पुल्टा कर सकते हैं सब मामला uh, uh, मुस्तफान के दो ओवर बचे तो ये ओवर आ गए लेकर के वो ले ले। और तो ये दो ओवर तो डालेंगे फिर दो और किसके बसते पथिराना का भी दो है ये दोनों बंदे डालेंगे बस डालेंगे भाई बस खत्म मुंबई का मैच भाई और को भाई मुश्किल है मारना यार। लेकिन यहाँ पे एक सौ इकतालीस चार विकेट के नुकसान भाई पे। देख जैसे मारा था लगा हाँ। नहीं था कि आउट हो जाएगा जी। बस फील्डर थोड़ी दूर रह गया नहीं तो फील्डर अगर बॉल की लाइन में खड़ा होता उसके सर के ऊपर से बॉल नहीं जाने वाली थीट जैसा कोई खिलाड़ी होता ना देखियो देखियो देखो, नहीं देखो भाई बहुत नीचे था भाई नीचे था यार परितोष हाँ, क्या बात कर रहे हैं यही कह रहा था हर बात पे गलत भाई थक गया हूँ मैं आज कमेंट सेक्शन में भी ली जा रही है दिल्ली को सपोर्ट करके गलती कर दी इधर ये बोल के गलती कर दी कि कैच हो जाता अभी इस बल्कि दूसरी बॉल आ रही है वाइड बॉल आ गई है भाई 142 पे चार हो जाएगा स्कोर क्योंकि बहुत ज्यादा बाहर गेंद थी ऑफ के वेल दुबे मेक इट वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड में आदित्य भाई का सवाल है बाबा नहीं, नहीं। सिंह जाएंगे अगर हार्दिक और भी जानना तो एक सौ बयालीस पे चार मुंबई का स्कोर है सोलह दशमलव एक ओवरों के बाद पांड्या क्यों रमन है ए पांड्या बॉलिंग में रमन है बी पांड्या बैटिंग में रमन है सी पांड्या कैप्टेंसी में रमन है क्या पांड्या पूरा रमन है अर्जुन भाई अपने सवाल का जवाब खुद देते हुए इस <laughs> ओवर की नहीं यार ऐसा भी नहीं इतना बुरा नहीं है वो चलिए ओवर की अगली गेंद हवा में गेंद है एक लंबा छक्का लगाते हुए टिम डेविड क्या बात है दो छक्के आ चुके इस ओवर में अब यहाँ से जीतने के लिए चाहिए 22 गेंदों पे उनसठ रन तो क्या इस और में ही क्लोज ला देंगे मैच मुंबई लेकिन मजा तो, तो किसी को, को तो ये करना ही था और देखो टीमें यही करती हैं यही करती हैं टीमें कि एंड के चार ओवरों में उनको साठ रन बनाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है बाईस पे उनसठ के यहां अब जरूरत है पता है पे कटर डाल रहे हैं लेकिन ना ना थोड़ा थोड़ा सा और बाहर की तरफ डालेंगे ना, तो जाके, जाके थोड़ा आ, सही बात है, अगर आपको कटर भी डालना है ना तो तो आप बिल्कुल लाइन में में मत डालिए उसकी रीच में हो ये नहीं छोड़ते आपको। और कल जो हर्षल पटेल ने हरवाया क्या किया चलिए यहाँ आउट हो जाएंगे कि आप दूर डालेंगे तो मौके कम मिलेंगे बल्लेबाज को रन स्कोर करने के और आउट हो जाएंगे यहाँ पे टिम डेविड शेपर्ड आएंगे बल्लेबाजी करने के लिए टिम शेपर्ड नहीं सॉरी टिम डेविड आउट हुआ है रोमारियो शेपर्ड आएंगे टिम शेपर्ड पाँच पे तेरह बनाकर आउट हो गए हैं डेविड 148 पे पाँच हो गया है आ, स्कोर मुंबई की टीम का 21 गेंदों पे उनसठ रनों की जरूरत है और भाई इतने स्मार्ट है कि उनको समझ आ गया कि इसको दूर रखो और जैसे ही गेंद दूर रखी नहीं बैट पे ढंग से गेंद ले पाए लॉन्ग ऑफ पे आसान कैच था रचिन रविंद्र के लिए और बड़ा झटका है बट अभी भी रोमालो शेपर बहुत जबरदस्त हैं इस सिचुएशन के लिए दिल्ली में दिल्ली के खिलाफ इसी मैदान पे उन्होंने लास्ट ओवर में हर बॉल पे चौका छक्का मारा था नोकिया को एनरिक नोकिया को उसके बाद ड्रॉप कर दिए गए थे एनरिक नोकिया So, bhai, he can also do it. Can he do it twice? He has done it once already. Delhi ended up losing that match because of what happened in the last over. How Nokia was treated by Shepherd. Can he uh, do the same to some, one of these two, Mustafizur, and uh, Pathirana? Pathirana.

उनसे रूबरू करवाएं आप मुश्किल है यहाँ से ऑब्वियसली ये तो लेकिन इफ देर इज डू इट वो यही थे डेविड और शेफर्ड तो हैं तो अभी तो अभी शेफर्ड है लेकिन जो इस मैं ये बोल रहा था उससे पहले कि हार्दिक पांडे के लिए बहुत रफ होने वाला है ये जब तक अगला मैच नहीं होएगा ना खासकर आज का रात हिशुड गो ऑन ट्विटर ही शुड गो ऑन इंस्टाग्राम फोन बंद करके साइड कर दें आज Hmm. बहुत रफ होने वाला है ये आई नहीं क्या? है चार रन मिल जाएंगे तो, रोहित शर्मा बहुत जरूरी था आ, आ, ब्रावो हाथ जोड़ रहे हैं बाउंड्री लाइन के बाहर से अरे ये मत करिए बॉलर को बोल रहे थी ना भाई स्लोअर बंस के मामले में भाई मैच जिताया है ना ब्रावो ने फाइनल जिताया था ना चेन्नई को कोर्स जिताया था एक सौ तिरपन पे पांच मुंबई का स्कोर है सोलह दशमलव पांच ओवरों के बाद उन्नीस गेंदे चौबन रनों की जरूरत स्टिल कैन डू वेट रोहित शर्मा अगर खड़े रह जाएंगे बीस ओवर तो यू थिंक ही कैन मेक इट ओवर्स अगर दैट्स ऑल कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ पीपल एक्सेप्ट फॉर योर अठारह फाइव लेफ्ट आर्म पेसर्स अभी का क्वेश्चन है ये मैं तो अपने आप मैं बताता हूँ आपको चलो जहिर खान वन ट्रेंट बोल्ट टू मिच टॉक थ्री मिच जॉनसन कोर्स

थ्रेटनिंग लाइफ थ्रेटनिंग वो बोलेंगे तो मुझे पूरा याद है एक आदमी था जो पूरे रन बनाया था उस सीरीज में इंग्लैंड की तरफ केविन पीटरसन जिनका करियर खत्म हो गया क्योंकि विवाद बहुत ज्यादा मैसेज गेट पहले हुआ था जब उन्होंने स्ट्रॉस के साथ मतलब कुछ मजाक में किया होगा बट साउथ अफ्रीका के वो हैं साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स से उनकी जान पहचान थी तो उनसे उनकी बातचीत होती थी बाद में लीक हो गया कि उन्होंने साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स को बोला कि स्ट्रॉस को शॉट डालना मुंडी पे डालना तो ये मजाक में भी बोल सकता है कोई किसी को क्योंकि वो ओपन में बात थी सबको पता था दाएं हाथ से ओवर द विकेट इस बार बैट पे गेंद ढंग से नहीं आई डीप में जा रही है एक सिंगल मिल जाएगा और सिंगल के साथ मुंबई का स्कोर हो जाएगा एक पे पांच तो उसके बाद सुलह करवा दी गई थी बाकी प्लेयर्स और केविन पीटरसन के बीच में सुलह करवा दी गई थी बट पीपल वर नॉट ओके हो गया था ना बाद में फिर और बहुत सारी चीजें हो गई थी केविन की जो बुक आई थी हाँ। उस पर भी बैन था पहले मतलब आई थिंक रिटायर होने के बाद एक आध साल तक वो रिलीज नहीं, नहीं कर नहीं सकते हाँ। थे अपनी बुक तो उसके बाद जब आई थी तो मैंने उनकी बुक पढ़ी थी मैंने बहुत कम किताबें पढ़ी लेकिन मैं केविन पीटरसन को इतना पसंद करता था कि मैंने उनकी बुक तक पढ़ डाली उस बुक में एक बात लिखी थी जो मुझे आज तक याद है जो मैं कभी नहीं भूलूंगा बोल्ड हो गए भाई पथी ने मलिंगा की याद दिला दी दीज गॉट फोर बाय द वे

Uh, उनकी बुक में लिखा था दर्ल्ड टू टर्न यू टाइम पॉलिटिशियन योर जॉब इज बढ़िया बट उसके लिए आपको भैया मेरे को इस पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनना है एंड आई बी फाइन बट फाइन क्या उनका भी करियर बर्बाद हो गया उस चक्कर में क्योंकि वो इतने मतलब ब्रैश थे और नहीं। नहीं। टाइप आदमी था तो भाई उसको फर्क ही नहीं पड़ता था एंड वेन यू आर सो गुड एट समथिंग एंड यू नो इट इट्स हार्ड फॉर यू टू कीप योर फीट ऑन द ग्राउंड बेटर कैसे एक्सप्लेन करें इसको फीट ऑन द ग्राउंड बेटर हो सकता है uh, मतलब टू uh, कंप्लाई <laughs> आप जो सोसाइटी के नॉर्म्स हैं या जिसल जिस social, जिसी भी आप सेटिंग में उसके कुछ रूल सेट किए जाते हैं ना हाँ। वो मतलब अनसेट uh, रूल्स तरह के होते हैं भाई, भाई। और उनको आप जब चैलेंज करेंगे तो आपको एक नॉर्मली एक एंटी सोशल एलिमेंट और उसकी तरह देखा जाता है अग्रीड तो वही कुछ काफ़ी लोगों के साथ होता है मतलब केवन पीटरसन इज वन ऑफ मैनी विराट कोहली ने फेस किया हार्दिक हाँ। पांड्या फेस करें हालांकि हार्दिक पांड्या का रीजन अलग है वो कोई वाला रीजन नहीं है चौथे लेग स्टम पे थी बैट पर नहीं आई एड पे टकरा कर गई है शॉर्ट फाइनल लेकिन खिलाड़ी के पास एक रन मिलेगा और भाई डेथ में जो ये बॉलिंग है ना चार ओवर जो डालेंगे पथिराना और मुस्तफ़िजुर यह दुनिया भर की टीमों के लिए जो आई पी एल में और टीम है उनके लिए सिरदर्दी का सबब होने वाला है क्योंकि इन दोनों को मारने में नानी याद आएगी आपको नहीं मार पाएंगे आप इनको बाकी लोगों को तैयारी अभी से शुरू करनी चाहिए कि लास्ट चार ओवरों में आप पथिराना और मुस्तफिजुर मे बी ये बेस्ट डेथ बॉलिंग है इस प्रतियोगिता में अगर इनके दो ओवर हर बट चेन्नई बचा लेता है हर मैच में इफ दे कैन डू दैट तो हाँ, भाई चार ओवर दे आर यूजिंग जडेजा टू एंड लगा बैट का और गेंद गई गे। शॉर्ट फाइनल की ओर नॉन स्ट्राइकर एंड पे थ्रो आ रहा है टकराती टक तो मामला खत्म हो जाता है एक पे छह मुंबई सत्रह ओवरों के बाद तेरह गेंदों पे उनचास रनों की जरूरत है यहाँ से इस मुकाबले को जीतने के I लिए लिख रहे हैं कुछ साउथ अफ्रीका में से बहुत सारे वाइट प्लेयर्स मूव आउट कर जाते हैं ड्यू टू तो कोटा एंड इंक्रीज इन एंटी वाइट एंटी से, वाइट सेंटीमेंट्स ग्लेन फिलिप्स वैगनर मार्नस जेसन रॉय रैली रूसो ऐड करिए उसमें आ, उसके अलावा और कौन कौन है एक उनका बॉलर हुआ करता था वो भी चला गया था

दिस kind of काइंड तो लो इसको बोलो भाई हमें टैलेंट खुद ही है हाँ इंडिया में जगह नहीं है भाई थर्ड प्लेसर चाहिए तो हमें सिराज अर्शदीप उन सबसे तो बहुत बेटर है यार सिराज ओवरसीज़ बाहर वेस्ट इंडीज में सिराज तो मतलब ओवरसीज़ तो अच्छा ही करता है परफॉर्म इंडियन कंडीशन नहीं है ना hmm, ये भी है वहाँ पे खाली डेथ बॉलिंग में ये वो जो फेंकता है बाउंस और ये सब तो सिराज वुड भी हेल्पफुल वैसे डॉजी होती हैं पिचेस जो मैंने देखा है ना फ्लोरिडा hmm. में ले लो आप चाहे या पूरा वेस्ट इंडीज तो कहीं भी ले लो बन रहे हैं हाँ तो आपको पता ही नहीं कि वो कैसा बिहेव करेंगे वो पिचेस क्या होंगी मैंने लखवीर सिंह जी को बोला है कि थोड़ा पता लगवाइए कि क्या सॉइल वगैरह यूज कर रहे हैं क्या ड्रॉप इन पिचेस यूज करेंगे वो बताएंगे उन्होंने बोला था मुझे मोहम्मद नबी बड़े शॉट के लिए गए हैं लेकिन फील्डर मौजूद है मिड विकेट की दिशा में लॉन्स आएंगे वो तो कवर कर लेंगे एक सिंगल मिलेगा उनको what a और थॉट रोहित, रोहित शर्मा रोहित शर्मा बैक ऑन स्ट्राइक जी कह रहे रोहित जिता दे तो मजा आ जाएगा लेकिन हो ही नहीं पाएगा इट्स टू फार गॉन रोहित को चाहिए था सपोर्ट। अरे कोई भी भी नहीं खेला ना बीच में। आप अब कर, देखो रोहिद रोहिद की भी बैटिंग देखो रोहित रोहित की बैटिंग उसी स्ट्राइक रेट से मोटा मोटी से खेलते हैं हैं। जिससे कोहली खेलते लेकिन अगर आज मुंबई हार जाएगी मैं गारंटी दे रहा हूँ रोहित को कोई कुछ नहीं कहेगा कैसे बोल सकते लेकिन नहीं? सेम जब कोहली के साथ होता है तो लोग तलवार निकाल लेते हैं इस नहीं को, लेकिन कोहली का ये है कि कोहली ऑलवेज इज द स्टैंड आउट वो बैट से वो ही है न uh, कोहली पे आई डोंट थिंक कोहली पे तलवार निकलती है आर निकलती है तलवार निकलती है आपने मिस कर दिया मुझे लग रहा है <laughs> अब वो फिर लेकिन कंपैरिजन मेरे को लग रहा है फेर है क्योंकि रोहित शर्मा को दो साल तो पीछे ही पड़े थे लोग अभी परफॉर्मेंस आई है तो अभी तो क्या ही बोलेगा कोई जब विराट परफॉर्म नहीं करते तब निकलती ज्यादा अरे 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 क्या हुआ ये बाउंस कर गई पहले बड़े शॉट के लगाए थे रोहित शर्मा आउटसाइड एज हैवी लगा शादुल ठाकुर मौजूद थे पीछे लेकिन आ, उतनी उतनी तेज बॉल ट्रैवल नहीं करी उन तक पहले बाउंस करी फिर आ, बराबर है भाई रोहित का करियर स्ट्राइक रेट है 131 और कोहली का है 130 रन फर्क है हाँ तो रंस तो बहुत ज्यादा है ज्यादा मारे हैं ना कोहली तो हाँ। ने और लेकिन कोहली इज द स्टैंड कोहली

हाँ, mm -hmm. इस साल मैंने कहा ना गेम चेंज कर दियाट कोहली की दिक्कत पता है बैट इज द प्रॉब अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग होल्ड है आर सी बी में तो वाई इज नॉट आई मे फॉर लाइफ थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मीट वॉज का जिन्होंने साउथ अफ्रीका छोड़ दिया था इस ओवर की पांचवी गेंद बाएं हाथ से ओवर द विकेट ऑफ ऑफसम के बाहर की गेंद थी खेला गया उस गेंद को लॉन्ग ऑन की ओर एक सिंगल मिल जाएगा और इस सिंगल के साथ स्कोर हो जाएगा मुंबई की टीम का एक सौ विकेट के नुकसान पे एनवे फॉर लाइफ जो 2015 वर्ल्ड कप था उसमें जिस मुकाबले में फिलेंडर को खिलाया गया था वो इसलिए खिलाया गया था क्योंकि कोटा वाली चीज़ में दिक्कत आ जाती है अगर वो उस मैच में नहीं खेलते नहीं तो कायदे से को uh, को। बिठा दिया गया था? किसको बिठा दिया दिया गया गया था। था? किसको तो तो वो वो में थे। अगर वो खेलते तो शायद कुछ और होता लेकिन आरक्षण हमेशा अच्छा ही नहीं होता हमें आईपीएल में चाहिए लेकिन हर जगह नहीं चाहिए वो भी टीमों के लिए हम मांग रहे हैं समझिए डिफरेंस है। आप लोग कहेंगे वहां तो अच्छा नहीं यहां कैसे अच्छा होगा होगा या इंडिया यहाँ सब अलग काम करना एक सौ सड़सठ 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 हमने एक सौ सड़सठ

लोन वॉरियर की तरह बस क्योंकि और कोई सपोर्ट ही नहीं मिला दूसरे किसी और खिलाड़ी से आफ्टर द फॉल ऑफ तिलक्स विकेट और एक्सपेक्टेड ये था कि टिम डेविड ने हालांकि दो छक्के मारे थे बट uh, वो तीसरे एक और बड़े शॉट के लिए गए हार्दिक पांड्या के लिए बहुत रफ होने वाला है ये इट विल बी वेरी देखो अगर एक आदमी खड़ा है साठ बॉल पे छियानवे मार रहा है तो पारी में होती है एक सौ बीस गेंदे hmm. दो सौ रन तो अगर ऐसे भी कोई खेल लेता तो बन ही जाते तो ये गलती बाकी लोगों की है

श्रेस का कहना है आई फील हार्दिक विल मोरली गिव बैक द मनी एंड कैप्टनसी जस्ट लाइक गंभीर डेड इन आई पी एल विल और शुड ही अब क्योंकि गंभीर वॉज नॉट इन अ फेज ऑफ करियर जहां पे उनको फर्क पड़ता है उन सब चीजों से बट करियर Hardik, में फर्क हाँ, पड़ता है भाई तीसरी बॉल आ रही है दाएं हाथ से ओवर द विकेट ड्राइव किया है इस बार गैप में गेंद निकल गई है चौका Short, और शतक हो गया रोहित शर्मा का

नहीं नहीं based, क्योंकि ये कैंपेन जो है ये पूरा ही बर्बाद हो गया मुंबई की टीम का पॉइंट्स टेबल में भी अब हालत और बुरी हो जाएगी मुंबई सातवें से अब कहाँ जाएगा नेट रन रेट बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा अगर अभी तीन बॉलों में नहीं आते हैं ज़्यादा ये गैप में गेंद जा रही है रोक लिया चौका, क्या चौका, नहीं चौका, चौका, चौका है बैकवर्ड स्क्वायर लेकी और सीवा रेखा के बाहर गेंद चली गई और रिजवी थे वहाँ पे उनसे गेंद नहीं रुकी एक सौ बयासी पे मुंबई का स्कोर उन्नीस दशमलव को आपको तारीफ uh, करनी पड़ेगी चेन्नई की क्योंकि शुरू में उनसे ना पता नहीं रन नहीं बन रहे थे ढंग से लेकिन उसके बाद धीरे-धीरे धीरे-धीरे करके और फिर शिवम दुबे की बैटिंग देखो आप नहीं अब अब यहां पे जिस है मैं तो वो क्वेश्चन पहले ही कर रहा था लेकिन अब वो हर कोई करेगा वो क्वेश्चन कि आप कैप्टन है तो आप ये क्यों ले रहे हैं नहीं पॉर... ये तो जबरदस्ती है मुझे लगता है पता है क्या हुआ है साइमल डूल ने ये बोल दिया कि आई थिंक हार्दिक इज क्या फर्क पड़ता है भी हो गया हार्दिक इज इज कैरिंग एन इंजरी ही ही नॉट टेलिंग अस अबाउट इट बिकॉज बोल्ड इनिशियली एंड देन ही इज नॉट मच तो आज उन्होंने प्रूव करने के लिए कि नहीं नहीं, नहीं मैं तो फिट हूँ देखो मैं बोलिंग कर सकता हूँ उन्होंने बोलिंग की और देखो क्या हुआ है

ये जीत और हार के बीच का फर्क हो सकता है धोनी की पारी जो थी वो और वही है जीत और हार के बीच का फर्क हाँ। ये युवराज सिंह के छे फर्क वही था और अभी दिखा रहे थे कि और क्यों नहीं खेलते हैं उसके बाद थे तो मेरे दिमाग में फिर से वो आया कि लास्ट कैरिंग एन इंजरी और इसलिए वो रन भी नहीं कर पा रहे थे ढंग से

20 ओवर में एक पर छह मुंबई का फाइनल स्कोर बीस रन से जीत गई यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स रोहित शर्मा ने बनाए हंड्रेड नॉट आउट और बाकी टीम नहीं बना पाई रन भी हां तो यार एक बात बताओ कि जब तुम्हारे पास बुमराह है तो क्या वो कायदे से जब तुम फर्स्ट इनिंग्स में बॉलिंग करो तो बीसवा ओवर नहीं डालना चाहिए

come out to bat and go Lekin for three sixes you can take best back decisions back. you can take best decisions it was a bad decision hmm. at best it was a bad decision आप वहीं चेन्नई की बॉलिंग देखें अगर सब देखा दे हैव देयर दे हैव देयर परफेक्ट बॉलर्स और एक गेम प्लान है चार-चार ओवर चार किससे कब करवाने हैं उसको मैनेज करना हाँ, अलग हाँ, चीज है लेकिन है। वो उतने ही बॉलर्स ने बॉलिंग डाली है कोई एक्स्ट्रा जरूरत ही नहीं पड़ी है उनको अच्छा ये मुंबई कहाँ हारा इस मुकाबले को Middle जब Overs. बैटिंग कर रहे थे अगर चलो बने हुए तो थे ही मुकाबले में वो पिटने के बावजूद हार्दिक हाँ। के सेकेंड इनिंग्स में आपको क्या लगता है कहाँ मैच हार तो आफ्टर तिलक वर्मा विकेट आई थिंक आफ्टर हार्दिक इनिंग्स नहीं वो तभी थी आफ्टर तिलक वर्मा हार्दिक केम ना नहीं तो हार्दिक द वे ही बैटेड क्योंकि हाँ, तिलक वर्मा बस बैटिंग फाइन जब तक वो खड़ा था ना कब तक रन की कोई की कोई दिक्कत नहीं कप्तानी में बर्बादी की, की मैं और बर्बादी हो गई और बैटिंग में तुम आए तो बॉलों पे दो आई थिंक ये स्कोर था उनका भाई हार्दिक hmm. हाँ भाई छह बॉल पे दो रन पूरा ओवर खा गया आदमी अगर वो छह बॉल नहीं खाता तो एक ओवर और होता अभी ये बीस रन बनाने के लिए क्यों नहीं बनते

बॉल्स पे अब बड़े शॉट्स के लिए जाना ही पड़ेगा लास्ट में ऑप्शन ही नहीं बचा था वरना टिम डेविड का जो अप्रोच था जो दो छक्के पड़ गए थे वो हो सकता है अगले शॉट बड़े शॉट के लिए नहीं जाते लेकिन उनको जाना एसेंशियल हो गया क्योंकि दे न्यू कि अगर नहीं जाएंगे अभी नहीं तो कभी नहीं वाला हिसाब हो गया था फिर तब तक बहुत लेट हो चुका था <laughs> अनस्किल क्रिकेट शॉट्स बिल्कुल धोनी के बीस रन डिफरेंस पैदा करते हुए स्कोर कार्ड देखिए देखिए ये देखिए हाय मुबारक हो भाई चेन्नई के फैंस वेल डन चेन्नई ने फिर से कर दिया जो एक्सपेक्टेड था भाई रोहित की पारी है 105 की पाँच की तिरसठ ये हाईलाइट था सेकेंड इनिंग्स का उसके अलावा ईशान के साथ अच्छी साझेदारी हुई थी पहले विकेट के लिए बट यार भाई ये डिसअपॉइंटिंग था मतलब आज हार्दिक पांड्या की कप्तानी बॉलिंग बैटिंग सब डिसअपॉइंटिंग है मतलब नॉर्मली हम इतना ऑल आउट किसी के खिलाफ नहीं जाते हैं

सपोर्ट uh, मिला तो वो तिलक आई फील बैड फॉर हार्दिक इट्स अनफॉर्चुनेट पहले इतना प्रेशर है और आज का मैच ने और खत्म ही कर दिया है सीन. आज मैम बोल रहा हूँ uh, हाँ, 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 मुझे उनके लिए बुरा लग रहा है आज बहुत रफ होने वाला है

ये कलर नहीं ये फ्लेवर नहीं, की वजह से जोक था फ्लेवर की वजह से नहीं उन्होंने खुद भी एसोसिएट किया हुआ है अपना आपको हाँ। पहले भी तो तो लोग ये ना समझे कि मैं उनको उनकी स्किन का जो टोन है उसकी वजह से ये बोल रहा हूँ उनका जो अंदाज है अरे ही सेड इट द वे ही हाँ। कैरीज हां हाँ हाँ वही 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 लेकिन इट्स सैड फॉर हार्दिक इट्स गोइंग टू बी वेरी रफ

तुम्हारा औकात वर्सेज अकड़ की बात आ जाती है कि तुम जो हो ना अगर तुम्हारा बिहेवियर भी उसके अकॉर्डिंग है तो फिर पच जाती है, में, अगर तुम कोई कोई ओन, फेस रहता है ना देखो बैक करना पड़ता है जो कॉन्फिडेंस होता है ना कहीं से आना चाहिए कहां से आ रहा है और अगर कहीं से ऐसी ऑथेंटिक जगह से नहीं आ रहा है तो फिर वो मतलब पचेगी नहीं बात लोगों को ये है मेरा मुद्दा अब धोनी वर्ल्ड कप विनर है उन्होंने आईपीएल जीता है उन्होंने सब जीता है चैंपियंस ट्रॉफी चैंपियंस जीत लिया है मेस भी जीत लिया था चलो भाई गदा भी दे दिया उनको <laughs> अगर धोनी हार्दिक की तरह बिहेव करते ना पचती नहीं बात क्योंकि धोनी को हम बचपन से देख रहे हैं वो अलग इंसान है तो हम कुछ नहीं बोलते शायद कि भाई वो वर्ल्ड बीटर है बनता है उसको जैसे मन करेगा वैसे बिहेव करेगा रिकी पॉन्टिंग रिकी पॉन्टिंग हम क्या क्रिटिसाइज करते हैं वी इट बिकॉज

He has done this, बहुत सारी चीजें ये हम बात पहले भी कर चुके हैं हार्दिक पांडे के केस के में पता है एक चीज नहीं है तो फिर वो आता है लॉन्च टाइप का होता है खींच रहा टैलेंट है ऐसा नहीं है की टैलेंट नहीं है वो क्लियर है टैलेंट है

बट मैं ये कह रहा था कि खाली आईपीएल जीतने से नहीं होता है नहीं, इंडिया में अभी ना तुमको वर्ल्ड कप वगैरह जीतना पड़ेगा तुमको बड़ी चीजें करनी पड़ती है आई पी एल्टन बता दे, बता, दे कि कि साल कौन कप्तान था, नहीं बता पाएगा सीजन वन से अभी तक तो मुझे बता पाएगा किस साल कौन टीम जीती और उसका कप्तान कौन था पहले साल चेनबोर्न राजस्थान दूसरे साल एडम हैदराबाद नेक्स्ट बता चेन्नई चेन्नई धोनी चेन्नई उसके बाद क्या 2010 हो गया था 2013 में मुंबई उससे पहले सी के हाँ, ये तो है कि मुंबई लेकिन हर साल हो रहा है ना तो इतना इसीलिए तो मतलब बात ये याद नहीं रखना तो? साल वाला जो फिगर हाँ, होता है तो वो, वो उसका महत्व ज्यादा है अगर तुम वो जिता दोगे ना तो जिंदगी भर याद रखे जाओगे तो फिर तुमको पास मिल जाता है

कोई कितनी भी किफायती गेंदबाजी कर लेता जीत जाती मुंबई की टीम वो विकेट ले लिया उन्होंने भाई लेकिन और सब बोल रहे हैं लेकिन तुषार देशपांडे चार ओवर में सिर्फ उनतीस रन दिए एक विकेट भी लिया है बट देखो जब वो बॉलिंग कर रहे थे

आ, सुपर सिंग जी रोहित की बैटिंग मिस कर दी पढ़ाई की वजह से चलो में तो आप देख लेना हमें अगर रिवाइंड करके आप सुनना चाहते हो तो वो भी सुन लेना आप और जाने से पहले यस थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग पॉइंट्स टेबल वी गो आपको दिखाते हैं <coughs> ये, ये मुंबई पंजाब से मुबारक हो बहुत बहुत। <laughs> दिल्ली के नीचे हम्म पंजाब से नीचे आ गई सैडली अभी दिल्ली और नीचे <laughs> दिल्ली का मैच कल है कब अब दिल्ली अब भी हारा था ना दिल्ली अब होगा तो भाई चेन्नई ने अपनी स्थिति और मजबूत कर ली है उनका नेट रन रेट भी और बेहतर हो गया है शून्य सात दो छः का लेकिन वो तीसरे पे ही थे तीसरे पे ही रहेंगे मुंबई आ गया है नीचे छः पे सॉरी आठ पे छः मैच जीतेगा तो टॉप चला जाएगा हाँ अगर केकेआर जीत जाएगा तो ने नेट रनडेड काफी ने नेट रनडेड सबसे बेस्ट डबल है ऑलमोस्ट राजस्थान से हाँ तो वो ऊपर चले जाएंगे लेकिन राजस्थान खैर ये वाली कभी और राजस्थान के मैच के दिन करेंगे बात हाँ। लास्ट सीजन भी फेनोमिनल स्टार्ट लगातार जीत रहे हैं ड्यूरिंग द टेल ऑफ द टूर्नामेंट लगातार हारे कुरंटीन क्वालिफाई फॉर द प्ले ऑफ तो ये क्या कॉन्फिडेंस uh, इशू है या फिर टीम में सस्टेनेंस नहीं हो है या फिर एक बार हार की लड़ी लगती है तो लगती है, है है तो रहती मतलब मतलब हाँ. जैसे आप देखो ना एक मैच वो हारे तो कल भी जो उनका मैच था उसमें वो कॉन्फिडेंस उनका नहीं देखा जो थे लगातार पहले चार मैचों में वो एक हारने के बाद ही उनका लगा कि भाई

खैर आज की कहानी आज की कहानी तो हो चुकी है हो चुके भाई और कहानी तो बढ़िया रही परफेक्ट फॉर एमआई फैंस और रोहित शर्मा फैंस हु वर अगेन अब रादे मुलाकात होगी आप लोगों से कल कल हम किसका मैच है यार कल हैदराबाद है और, और आरसीबी का ये मैच है हैदराबाद है है है। है है है। के होम में है शायद हैदराबाद के होम है ग्राउंड में है क्या मैच है नहीं स्वामी चिन्ना स्वामी में चिन्ना स्वामी में है मैच आर सी बी वर्सेज सनराइजर्स हैदराबाद तो कल मिलते हैं तो कल ही मिलते हैं ख्याल रखिए और कल आइए कल मुलाकात होगी थैंक यू गुड नाइट बाय